गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग मुकेश एस के विनीत राहुल बबलू शीतल राकेश स्वप्निल प्रशांत आलोक ओम अमित मोहित रजनी धीरज अभिषेक दीपू अभिनंदन मोहित राजीव एस के विपिन अंकित क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के तो भाई सारे के सारे लोग खाना पीना खा गए एकदम तैयार हैं जोश के साथ भरपूर एनर्जी के साथ क्योंकि आज हम आपको कराने वाले हैं पूरे 200 क्वेश्चन और ये जो 200 क्वेश्चन है ये करने वाले हैं आपकी पूरी रीजनिंग को खत्म ये समझ लो भाई साहब अगर आप यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हो या फिर कोई भी अभी एग्जाम देने जा रहे हो तो इन 200 क्वेश्चन को करना ना भूलना क्योंकि अगर आपने ये 200 क्वेश्चन नहीं किए तो फिर बाद में पछताना क्योंकि ये जो 200 क्वेश्चन होंगे ये पूरी रीजनिंग को निचोड़ देंगे रीजनिंग के हर एक सिंगल टॉपिक को निचोड़ देंगे और इससे बाहर इससे बाहर मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जामिन नहीं आने वाला तो इन 200 क्वेश्चन को बेटा निचोड़ के जाना है आज थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना थोड़ी सी लंबी क्लास चलेगी खाना पीना खा के आप लोग तैयार हो गए पहले से फुल एनर्जी के साथ बैठे होगे और आज सैटरडे भी है

है ना पेपर आपके पास होना चाहिए ताकि छोटी छोटी सी जो कैलकुलेशन है वो फटाफट -फट फटाफट आप लोग करते जाओ और जरूरी नहीं कि कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आए बट जरूरी ये है कि पेपर पे आपका आंसर आना चाहिए ऑन पेपर आपका आंसर आना चाहिए तो चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेके प्रभु का नाम जय सिया राम और ये रहा आपके सामने टं -टं, नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन है तेरह पैंतीस सत्तावन उनासी नौ सौ ग्यारह क्वेश्चन मार्क और ये जो पहला क्वेश्चन है ना देखो नंबर सीरीज के क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चन में या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगनी है स्टेप देखो एग्जाम में ना बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना सर बारह तिया है ना बारह तेरह तेरह तिया उनतालीस इंटू थ्री माइनस फोर है लेकिन सर ये इंटू थ्री नहीं है ये इंटू टू भी नहीं है तो हम समझ गए हम तुरंत समझ गए कि सर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं लग सकती नहीं लग सकती सर अगर मैं स्टेप फॉर्म बनाऊ है अगर स्टेप फॉर्म बनाऊ बेटा सेवेंटी नाइन से नौ सौ ग्यारह यानी कि यहां तक तो कम गैप है और यहां बहुत ज्यादा गैप है इसका मतलब इस क्वेश्चन में स्टेप फॉर्म भी नहीं बनेगा तो हम तुरंत हम समझ गए ना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना स्टेप फॉर्म यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया वेरी गुड जॉब शानदार यार तुम तो बहुत तेज हो चाचा चौधरी से भी तेज हो बहुत बढ़िया भाई साहब आंसर दे दिया सर ये एक डिफरेंट टाइप की सीरीज है जहां पर नंबर्स का एक दूसरे से कोई खास रिलेशन नहीं है देखो हर नंबर में दो का डिफरेंस है एक और दो तीन तीन और दो पांच पांच और दो सात सात और दो नौ नौ और दो ग्यारह ग्यारह और दो तेरह ग्यारह और दो तेरह यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलिए साहब अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक कक्षा सुबह दस बजे शुरू होती है और दोपहर एक बजकर सत्ताईस बजे तक चलती है भैया सुबह दस बजे शुरू हो रही है और एक बजकर सत्ताईस मिनट तक चल रही है तो कुल कितने मिनट मिनट हो गए तुरंत माइंड में कैलकुलेट करो घंटे घंटे का मतलब एक सौ अस्सी प्लस सत्ता हो गया दो सौ सात मिनट हो गए टोटल सात मिनट हो गए तुरंत माइंड में हमारे आ गया इस अंतराल के दौरान चार अवधियों का आयोजन किया जाता है प्रत्येक अवधि के बाद छात्र को पांच मिनट का आराम मिलता है चार अवधि है और प्रत्येक अवधि के बाद अगर पांच मिनट का आराम मिल रहा है तो बेटा आराम

आप आकृति में कितने आयत देख सकते हैं जल्दी से बताओ बेटा इस आकृति में कितने आयत आपको दिखाई दे रहे हैं हाउ इस फिगर के अंदर जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा फटाक से हाँ जी जब तक मैं आप लोगों के लिए एक बेसिक सी फिगर बना देता हूं ठीक है आप लोग जानते हैं कि जब हम टोटल रेक्टेंगल्स की अगर हम बात करें रेक्टेंगल्स जैसे कि कोई अगर हमारी मैट्रिक्स है लाइक like दिस ठीक है इसमें मैं बात करता हूं क्वाटिलेटरल क्वारिलेटरल या टोटल रेक्टेंगल्स की तो टोटल रेक्टेंगल्स क्वारिलेटरल हम कैसे निकालते हैं बेटा कॉलम का नंबर कितना है तीन लो का नंबर कितना पांच तीन गुणा पांच की मैट्रिक्स है तो तीन गुणा पांच कर देते हैं हम तीन गुणा पांच प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करते हैं दो गुणा चार प्लस एक गुणा एक गुणा तीन ये तो ट्रिक होती है बेटा स्क्वायर काउंट करने की ठीक है इस फिगर में कितने स्क्वायर होंगे इस फिगर में इतने वर्ग होंगे लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल्स की बात करूं तो रेक्टेंगल्स कैसे काउंट होते हैं बेटा टोटल यानी कि चतुर्भुज मल्टीप्लाई इन सारे नंबर को आपस में जोड़ दो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव ये डायरेक्ट ट्रिक होती है है ना टोटल रेक्टेंगल्स काउंट करने की क्वाडिलेटर यानी कि चतुर्भुज काउंट करने की ठीक है लेकिन लेकिन अगर मान लो कोई हमारे पास सिंगल रो या सिंगल कॉलम है इसमें कुल कितने चतुर्भुज हैं? कैसे काउंट करोगे सिंगल रो या सिंगल कॉलम में कितने चतुर्भुज हैं? चतुर्भुज का मतलब पता है क्या होता है क्वारिलेटर का मतलब होता है आयत प्लस वर्ग दोनों आयत प्लस वर्ग दोनों कितने हैं एक दो तीन चार पांच यहां पे बेटा कॉलम के नंबर का सम कुछ नहीं हो पाएगा वन इंटू रो के नंबर का सम वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस इनी को आपस में जोड़ दो पांच और चार नौ और तीन बारह तो यहां पर कितने चतुर्भुज है पंद्रह जिसमें वर्ग और आयत दोनों है समझ रहे हो मेरी बात तो ये जो हम पहले चतुर्भुज काउंट करेंगे बेटा इस फिगर में फिर इनमें ना आयत की संख्या पूछी है यानी कि हम टोटल चतुर्भुज में से ना वर्ग को घटा देंगे पहले आप चौथल टोटल चतुर्भुज काउंट कर लो है ना टोटल क्वाड्रिलेटरल काउंट कर लो देन आप स्क्वायर को माइनस कर देना तो एक दो तीन चार है ना इसमें टोटल क्वाड्रिलेटरल कितने है? कितने चतुर्भुज है बेटा इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो चार और तीन सात और दो नौ और एक दस इसमें दस हो गए है ना इस वाले में दस हो गए अच्छा एक यहां पर है दस और एक ग्यारह और एक ये बारह और तेरह चौदह और एक ये पंद्रह तो टोटल कितने हो गए पंद्रह हो गए अच्छा भी इसको जोड़ो इन दोनों को जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा बनेगा एक यहां से बनेगा एक्स्ट्रा एक यहां से बनेगा दो एक यहाँ से बनेगा तीन तो पंद्रह और तीन अठारह यानी कि ये जो फिगर है इस फिगर में टोटल एटीन क्या है एटीन क्वारल टोटल अठारह चतुर्भुज है अगर हमसे चतुर्भुज की संख्या पूछी जाए तो इस फिगर में अठारह चतुर्भुज ठीक है लेकिन हमसे पूछा क्या है कितने आयत कभी-कभी बेटा आयत करते अगर यहां पे होता, तो हम ही करते लेकिन यहां पे अठारह ऑप्शन दे नहीं रखा तो हमें पता है क्या करना होगा यहां पर हमें ओनली रेक्टेंगल निकालने होंगे केवल आयतों की संख्या यानी कि हमें वर्ग को घटाना पड़ेगा तो कितने वर्ग हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ठ वर्ग उसको घटा दो तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फिर दस हम अठारह देते जरूर लेकिन अब हम आंसर देंगे दस ठीक है चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ओके okay, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से पढ़ो बेटा फटाक से हाजी यह क्वेश्चन आपके सामने है कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है कार्यवाही का क्वेश्चन है कथन और कार्यवाही तो भैया कथन क्या है निरक्षरता को दूर करने के उद्देश्य से हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन यह योजना कामयाब नहीं होती है निरक्षरता को बेटा खत्म करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं करोड़ों तो पहली कार्यवाही है खर्च को स्थायी रूप से छोड़ देना चाहिए बंद कर दो खर्च करना खर्च अस्थायी रूप से रोक देना चाहिए यह कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए खर्च बंद कर दो और तीसरा है सरकार को कुछ और फायदेमंद क्षेत्रों में धन लगाना चाहिए जब निरक्षरता को दूर नहीं कर पा रहे तो इस पैसे को किसी अच्छे काम में लगा दो सरकार ये कह रही है हैं तो यहां पर तीनों ही कोर्स ऑफ एक्शन गलत है बेटा अगर निरक्षरता को दूर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तब भी हम कामयाब नहीं हो पा रहे तो हमें अपने सिस्टम में सुधार लाना पड़ेगा किसमें सुधार लाना पड़ेगा सिस्टम में ऐसा थोड़ी कि खर्च को बंद कर देंगे हम हम सिस्टम को सुधारेंगे तो क्या आंसर आएगा ऑप्शन डी चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे और बेटा लाइक एंड शेयर समझ रहे हो लाइक एंड शेयर बेटा रुकने नहीं चाहिए आज 200 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं 200 क्वेश्चन पूरे 200 क्वेश्चन आज करोगे आप और पूरी रीजनिंग को खत्म करोगे इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव होंगे उतना फायदा ही आपको मिलेगा क्योंकि आपको पता तो चलेगा कि आपका कितना जल्दी आंसर आ रहा है कितनी देरी से आंसर आया है है ना एक ही वीडियो में सब खत्म कर देंगे सब सिंगल क्लास ठीक है, बनाओ फटाक से बताओ बेटा अब इन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताओ ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो हम यहां पर जानते हैं कि एक सिंबल है माइनस का अर्थ डिवाइड तो बेटा जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन हो जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन हो सबसे पहले हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जहां कंप्लीट डिवीजन होगा क्या बेटा एक में दो का पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा क्या दो में, में 21 का पूरा भाग जाएगा बेटा माइनस का अर्थ डिवाइड है माइनस की जगह डिवाइड आएगा तो क्या दो में, में 21 का पूरा भाग जाएगा बिल्कुल जाएगा तो सबसे पहले हम इसी ऑप्शन को चेक करेंगे एग्जाम में क्योंकि इसके सही होने की संभावना सबसे ज्यादा है प्लस का अर्थ इंटू इंटू का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ क्या है यहाँ पे माइनस और देखो विदाउट पेन एंड पेपर इक्वेशन सोल्व होनी चाहिए विदाउट पेन एंड पेपर मल्टीप्लाई और डिवाइड हमेशा एक साथ चलेगा लेकिन पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई और प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता समझ रहे हो तो दो सौ चौरानवे में इक्कीस का भाग दोगे बचेंगे 8, फिर दो चौरासी है ना तो ये चौदह बार भाग जाएगा फिर चौदह गुणा पच्चीस करोगे तो कितना आएगा पच्चीस चौगा सौ हाथ लगे दस पच्चीस से कम पच्चीस और दस पैंतीस तो बेटा ये वैल्यू तो साढ़े तीन सौ हो गई प्लस प्लस हमारी हो गई एक सौ तीस यानी कि 480, 480 में से दो को माइनस कर दो 480 में से बेटा 200 माइनस करोगे तो 280, 280 में से त्रेपन माइनस करोगे तो दो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ये एक अप्रोच हो सकती है जल्दी ऑप्शंस को चूज करने की फटाफट से बेटा कथन और तर्क स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट का क्वेश्चन आपके सामने है ये कथन और तर्क है बताओ क्या अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को एक विशेष प्रकार की सजा दी जानी चाहिए है ना ये कह रहे हैं कि जो सलमान खान सलमान खान है भैया सलमान खान से अपराध हुआ तो ये कह रहे हैं कि उनको एक विशेष प्रकार की सजा देनी चाहिए संजय दत्त भी अपराधी थे तो कहना चाह रहे हैं कि जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनको ना एक विशेष प्रकार की सजा देनी चाहिए उनको ना कॉमन लोगों के साथ जेल में रखा जाना चाहिए या उनको वैसे ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए जो बाकी सब लोगों को दे रहे हैं कह रहे हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए क्यों क्योंकि प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते अच्छा वो जानबूझकर नहीं करते बाकी लोग जानबूझकर अपराध करते हैं ये बात तो बिल्कुल गलत है कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह हमारी नीति के हर कानून के समक्ष देखो हम जानते हैं कि हमारे कानून में छोटा ना बड़ा हमारे कानून में हर कोई एक समान है चाहे वो चोर हो चाहे वो जज हो अगर वो कानून के दायरे में है तो कानून सबके लिए एक है है ना कानून सबके लिए एक है केवल दूसरा ही तर्क हमारा क्या होगा केवल दूसरा ही तर्क स्ट्रांग होगा और चार हजार वॉचिंग हो चुकी है वेरी गुड जॉब शाबाश ऐसे ही लाइक एंड शेयर करते रहो और पूरी रीजनिंग खत्म करेंगे दो सौ क्वेश्चन के साथ बनाओ इस क्वेश्चन को बेटा जल्दी से पटाख से हाँ जी क्या कॉलेज विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए ये कह रहे हैं कि शुड देयर बी स्टूडेंट यूनियन इन द कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं नहीं, नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि इससे कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा देखो ये तो बात सच है ये जो भी तर्क है ये सत्य है एकदम सत्य है ये फैक्ट है कि अगर कॉलेज में है ना वोटिंग होगी तो कॉलेज में राजनीतिक माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा और जो तर्क बेटा सत्य होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं सीधी सी बात है चाहे वो हा का हो चाहे वो ना का हो इससे फर्क नहीं पड़ता ये कह रहे हैं कि हाँ होनी चाहिए कॉलेज में राजनीति क्यों इट इज वेरी नेसेसरी स्टूडेंट फ्यूचर पॉलिटिकल ये कह रहे हैं कि भैया आगे जाके प्रधानमंत्री कौन बनेगा है आगे जाके हमारे मुख्यमंत्री कौन बनेंगे है? वही तो बच्चे बनेंगे जो कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे तो अगर वो माहौल कॉलेज में देखते आ रहे हैं वरना तो बेटा हर बार वही सरकार बनेगी समझ रहे हो तो अगर जो बच्चे कॉलेज में देखते आ रहे हैं उस माहौल को तो वो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए फायदा जरूर पहुंचाएगा तो ये भी बात एकदम सत्य है तो यहां पर दोनों ही बातें सत्य हैं हाँ और ना की तो यहां पे दोनों ही तर्क क्या होंगे दोनों ही तर्क ठोस होंगे चलिए साहब अगला ही क्वेश्चन स्टेटमेंट आर्गुमेंट का फिर से आपके सामने है हाँ जी क्या कक्षा पांचवी तक के सभी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए ये कह रहे हैं कक्षा पांचवी की सभी वार्षिक सभी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त कर दो कक्षा पांचवी तक कोई भी एनुअल एग्जाम नहीं होना चाहिए बच्चे का क्या ऐसा होना चाहिए तो पहला तर्क है हां ऐसा होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि युवा छात्रों पर वैसे पहली बात तो वो युवा छात्र नहीं है बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चों पर ऐसी परीक्षाओं का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि उनके प्राकृतिक विकास को बाधित करती है अच्छा ये कह रहे हैं कि अगर एग्जाम होगा तो बच्चों का जो नेचुरल ग्रोथ है वो रुक जाएगा मेरे भाई अगर एग्जाम होगा तो बच्चों का नेचुरल ग्रोथ इंप्रूव होगा इंक्रीज होगा अगर वो उस माहौल को जिएंगे, वरना तो बेटा बच्चे छुई मुई का पौधा बन जाएंगे अगर हम पांचवी क्लास तक भी बच्चों को एग्जामिनेशन उसमें माहौल में ना ढालें कंपटीशन के माहौल में नहीं ढालें तो बच्चे छुई मुई बन जाएंगे ना तो वो पढ़ेंगे लिखेंगे है कुछ भी नहीं करने वाले फिर उनको सुधार नहीं पाओगे फिर वो कुत्ते की दुम बन जाएंगे समझ रहे हो वैसे भी आजकल के बच्चों के बारे में आप जानती हो क्या महाभारत खड़ी कर देते हैं तो इसीलिए ये तर्क बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल है बिल्कुल बेकार तर्क है दूसरा है नहीं ऐसा मत करो क्योंकि छात्र गंभीरता से अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अगली कक्षा में हाँ देखो सीधी सी बात है अगर वो नेक्स्ट क्लास में खुद ही प्रमोट हो रहे हैं तो वो क्यों एग्जाम की तैयारी करेगा वो करेगा ही नहीं एग्जाम की तैयारी जब उसको पता है कि मुझे प्रमोशन अगली क्लास में अपने आप मिल जाना है तो मैं क्यों एग्जाम की तैयारी करूं तो ये बात बिल्कुल सच है तो ओनली आर्गूमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपके सामने है हाँ जी पढ़ो इस क्वेश्चन को फटाक से जल्दी से सॉल्व करो हाँ कमान जी कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से वे मिट्टी और जल को दूषित कर देते हैं सही बात है भैया मिट्टी और जल दोनों दूषित हो जाते हैं फसलों में उनका अंश रह जाता है और आखिरकार वे खास श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं जिससे मानवों की देखो आजकल आपको पता है यूरिया कितना यूज हो रहा है हमारे खाने में जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है लौकी में एक इंजेक्शन ठोका इतनी सी लौकी इतनी बड़ी होगी रातों रात तोरे में एक इंजेक्शन लगाया इतनी सी तोरे इतनी बड़ी हो गई तरबूज में इंजेक्शन लगाया इतना सा तरबूज इतना बड़ा हो गया है ना तो आजकल ये सारी चीजें यूज की जा रही हैं है ना हालांकि हम बात सिर्फ कर रहे हैं कीटनाशकों की हम यूरिया की उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम तो कीटनाशक की बात कर रहे हैं अगर ये भी आप छिड़कोप के ना जैसे मान लो किसी सब्जी को फल को कीड़ों से बचाने के लिए अगर उस पर कीटनाशक दवाई आप डाल रहे हो तो वो कीटनाशक दवाई एक तो जल को भी दूषित करेगी मिट्टी को भी दूषित करेगी और वो इंसानों तक भी पहुंचेगी तो उनके स्वास्थ्य के लिए तो क्योंकि हर कोई बेटा तभी तो कहते हैं सब्जी और फल हमेशा अच्छी तरह धो के खाने चाहिए है ना बिना धोए नहीं खाने चाहिए क्यों क्योंकि उन पर कीटनाशक दवाइयों का यूज होता है इसीलिए आपने देखा होगा जो आजकल एप्पल आते हैं मार्केट में जो सेब आते हैं जब आप सेब को लोगे ना उस सेब को एक चक्कू से ना खुरच के देखना तो आपको मोम निकलता दिखाई देगा तो हमेशा जब भी सेब खाओ तो छिलका उतार के सेब खाना क्योंकि मोम लगे हुए सेब आते हैं समझ रहे हो और वैसे भी फल सब्जी तो अच्छे से धो के भी खानी चाहिए क्योंकि खेतों में पता है सुबह सुबह क्या होता है पता चले सुबह सुबह उस पर कार्यक्रम हुआ और शाम को वो तुम खीरा ऐसे ही खा रहे हो बिना धोए हैं पहुंचा और लगे हो खाने है? तो इसीलिए थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक्सेसिव पहला पहला क्या है पहला अनुमान है कि एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट गुड फॉर सही बात है बेटा कीटनाशक हमारे लिए लाभदायक नहीं है है? दूसरा है कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर प्रभाव पड़ता है बिल्कुल सही बात है यही तो कह रहे हैं कि जल पर जल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा भैया ज्यादा कीटनाशक होंगे तो दोनों ही बातें कथन को फेवर कर रही है बेटा तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हाँ जी चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे आइए अब तुम तो यार सोच रहे हो यार सर मैं तो सोई सुबह खा गया था लौकी बिना धोए है मैं तो सुबह सुबह ही मैंने तो मूली खा दी खाने के साथ एक पूरी लावी खेत से तोड़ी मूली और खा गया और उस मूली पे पता नहीं किसी और ने मूली कर रखी थी <laughs> राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा मार्ग है राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग अभी क्या है नेशनल एक्सप्रेस वे ए इज द फर्स्ट वाइजेस्ट एक्सप्रेस वे एंड यूज बाई द फ्यू पीपल ठीक है ये कह रहे हैं कि एक नेशनल एक्सप्रेस वे है ए वो सबसे चौड़ा मार्ग है और वो कुछ लोगों के द्वारा इस्तेमाल भी किया जाता है जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तो वो तेज गति से वाहन को दौड़ाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं हाँ जी जोश भरपूर सारे बन जाते हैं नू नारे एन सारे एनएफएस की तरह गाड़ी चलाने लगते हैं जैसे हमने खाली सड़क देखी नहीं है ना जैसी हमने चौड़ी सड़क देखी नहीं हमारे खून एक अलग लेवल से उबाल मारने लगता है और एक्सीटर पे, पे पैर जाता है एक्सीटर पे है ना हम रेस देने लगते हैं और कान मरोड़ देते हैं बाइक के पूरे और हम ही बन जाते हैं ऋतिक रोशन धूम थ्री के है क्यों भाई तो ऑल एक्सीडेंट आर कॉज बाई द एक्सेसिव स्पीड सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती है देखो ये तो बात गलत है ऐसा थोड़ी कि दुनिया की सारी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण हो रही हैं बाकी कोई रीजन ही नहीं है ये कह रहे हैं तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है ये बात बिल्कुल सच है तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है पूरे 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दें मेरे साथ और लास्ट में आप अपने आप को एनालाइज करोगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे सर मेरे दोस्तों में से इतने क्वेश्चन ठीक हुए मेरे दोस्तों में से इतने क्वेश्चन ठीक हुए क्योंकि ये दो क्वेश्चन आपकी पूरी रीजनिंग को खत्म करवा रहे हैं ठीक है तो पेन पेपर पे हिसाब जरूर लगा लेना इन 200 क्वेश्चन का और लास्ट में कमेंट करके बता जरूर देना मुझे किस बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हुए चलिए बेटा वाटर मिरर इमेज का क्वेश्चन है मिरर इमेज में तो आप जानते हो पास वाली इमेज पास बनेगी दूर वाली इमेज दूर, दूर बनेगी तो आर नजदीक है तो नजदीक बनेगा के थोड़ा सा दूर है दूर बनेगा आर पास वाली इमेज पास दूर वाली इमेज दूर आर के बनेगा गलत जवाब आर के बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए और अगर मैं एक ही बात करूं बेटा एक ही जो इमेज है इसने मुंह मोड़ रखा है मिरर से उस साइड तो मिरर से उस साइड ऐसे बनेगा ये लाइक दिस इसकी इमेज हाँ ऐसे ये इमेज गलत बनाई हुई है है ना इसकी वाटर इमेज बना दी <coughs> जबकि बना दी थी हमें मिरर इमेज तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है बाबू कंप्लीट द फिगर इस फिगर को कंप्लीट करो जल्दी से कैसे कंप्लीट करेंगे अगर मैं देखो कंप्लीशन ऑफ फिगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कुछ नहीं करना होता और यहाँ पे रोटेशन अलाउ होती नहीं है समझ लो यहाँ पे रोटेशन अलाउ होती नहीं है तो देख लो ये तीन ये तीन चीज बननी चाहिए वेरी गुड जॉब पहला ऑप्शन बच गया ये गलत हो गया ये गलत हो गया और ये गलत हो गया ऑप्शन नॉन बर्वल रीजनिंग ना नॉन में ऑप्शन एलिमिनेशन ही यूज करना है गलती से इस क्वेश्चन का आंसर ही दे रखा ये। हो गया। इस पर कुछ नहीं है एम्बेडेड ऑफ फिगर एम्बेडेड ऑफ फिगर बताओ ये आकृति कहा छिपी हुई है कहां से ढूंढ के इसको निकालोगे बाहर जल्दी से बाहर निकालो ऑप्शन ए के अंदर से निकालोगे बी के अंदर से सी के अंदर से या डी के अंदर से कहां से निकालोगे बाहर ढूंढ के वेरी गुड जॉब अरे यार आप लोग तो बहुत तेज हो रहे हो हैं लाइट की स्पीड से भी तेज भाग रहे हो आप लोग तो क्या बात है क्यों भाई पृथ्वी ग्रह से दूर मत चले जाना कहीं इतनी तेज भागते भागते अगला क्वेश्चन आपके सामने है फाइंड ऑड वन आउट इनमें से एक ऐसी फिगर छांटो जो बाकी सबसे अलग आपको दिखाई दे रही हो एक ऐसी फिगर जो बाकी सबसे अलग हो बाकी सबसे अलग हो कौन सी फिगर है बेटा जल्दी से छांटो कौन सी फिगर है जो बाकी सबसे अलग है यहां पर ये यह दोनों दूर हैं यहां पर दोनों नजदीक हैं ये दोनों दूर हैं ये आन इनकी रोटेशन देखो ये एक के पीछे एक है बाकी या तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं या एक दूसरे से बाहर है ठीक है तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए पहली फिगर ही है जो सबसे सी 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 कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं लंबी चेक लंबी चेक सी आंसर कैसे दे रहे हो भाई <coughs> भैया अंदर गोले वाली दो फिगर है अंदर गोले वाले दो फिगर है तुम सी आंसर कैसे दे रहे हो ये और ये ठीक है इन दोनों में से कोई और थोड़ी कर सकते हो और अंदर लाइन वाले तीन फिगर हैं तो सी नहीं होगा ए आंसर होगा ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन ए डिफरेंट है या तो दोनों एक दूसरे की तरफ थी या दोनों एक दूसरे से बाहर थे चलिए बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं जल्दी से बताओ बेटा आपको पता है कि इस बॉक्स में जब हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं इंडिविजुअल ट्राइंगल काउंट करो और इंडिविजुअल ट्राइंगल कितने दिखाई दे रहे हैं चार जितने दिखाई दे रहे हैं आंसर उसका क्या होगा आंसर उसका डबल होगा सर हमें पता है और सर हम ये वाली भी आकृति को जानते हैं ये बेसिक फिगर होता है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री तीन और दो पांच और एक छह बढ़िया अगर मैं इसी में ही अगर मैं इसी के तीन हिस्से कर दूं तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे बेटा छह तो बेसिक फिगर में थे एक दो तीन लाइन से डिवाइड हो गया तो इसका आंसर हो गया छत्ती अठारह इसी तरीके से अगर मैं ये वाली फिगर बनाऊं तो इसमें कितने त्रिभुज हैं यानी कि तीन त्रिभुज हैं और इसको अगर मैं तीन हिस्सों में बांट दूं तो एक, दो, तीन, तो कितने त्रिभुज त्रिभुज हो हो गए गए है ना अब आप इस फिगर को बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हो अब आप इस फिगर को बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हो है ना बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इस फिगर को ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दी इस हिंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस हिंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेसिक पार्ट में डिवाइड करके इस हिंट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं क्यों भाई जी सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो वन टू थ्री फोर फोर का डबल कितना होगा एट होगा अच्छा इस बॉक्स के अंदर कितने हो गए आठ हो गए ना आठ गए बहुत बढ़िया प्लस देखो ये वाली फिगर आपको दिखाई देगी ये वाली फिगर दिखाई देगी मैं आपको दिखाता हूं ये फिगर देखो बनी हुई है जो बेसिक फिगर मैंने बनाई है ना इस फिगर को ध्यान से देखो ये ये फिगर जो रेड पेन से ब्लिंक हो रही है इस रेड पेन से ब्लिंक वाली फिगर को देखो ये ब्लिंक वाली फिगर में कितने त्रिभुज होंगे नौ त्रिभुज होंगे ना इसमें मैंने अभी काउंट करके दिखाया देखो ये तीन त्रिभुज तो ये हो गए और इसको एक दो तीन हिस्सों में बांट दिया तीन तीन नौ नौ त्रिभुज तो ये हो गए और बॉक्स के अंदर कितने हैं ये ये वाले आठ त्रिभुज हैं तो बेटा नौ और आठ कितने हो गए नौ और आठ हो गए त्रिभुज त्रिभुज तो हो गए। है ना? हो गए गए है 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 ना उसके बाद बेटा ये 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 एक 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 छोटा 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 सा 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 त्रिभुजा सत्रह और चार इक्कीस और अगर मैं ऑप्शन को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा मैक्सिमम ऑप्शन इक्कीस है इक्कीस से बड़ा ऑप्शन ही नहीं है और अगर इक्कीस से बड़ा ऑप्शन ही नहीं है तो फाइनल इस ऑप्शन को चूज करो आगे बढ़ो ठीक है आप लोग बेटा नोट डाउन करते जरूर जाना कि 200 में से एट लास्ट आपके कितने क्वेश्चन ठीक होंगे क्योंकि आज हम करेंगे पूरे 200 क्वेश्चन और लास्ट में आपको रिजल्ट बताना है कमेंट सेक्शन में कि 200 में से कितने क्वेश्चन ठीक पर का और सारे 200 के 200 मेरे साथ आप बनाओगे ठीक है हम्म

चरमपंथी धर्मगुरुओं को जेल हो जानी चाहिए दोनों धर्म गुरुओं को पकड़ के मतलब जो दो सांप्रदायिक है ना दंगे कर रहे हैं वो दोनों को पकड़ो जेल में डाल दो अगर ऐसा कर दिया तो दंगे तो और भड़क जाएंगे हैं। तो ऐसा तो नहीं कर सकते भाई ऐसे तो दंगे और भड़कने वाले हैं चलिए साहब ये थोड़ी सी पिक्चर छोटी पड़ गई जैसे ही इस त्रिभुज को खोलोगे जैसे ही इस त्रिभुज को खोलोगे ये आधा त्रिभुज पूरे त्रिभुज में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे इस त्रिभुज को खोलोगे पूरा त्रिभुज बन जाएगा ये पूरा बेटा गलत पूरी फिगर बन जाएगी कंप्लीट फिगर बन जाएगी लाइक दिस ये कंप्लीट फिगर बननी है लाइक दिस तो जैसे ही ये पेपर एक बार खोलेगा हाफ फिगर का फुल फिगर हो जाएगा हाफ फिगर का फुल फिगर हो जाएगा और फिर जब इस पेपर को दोबारा खोलोगे जब इस पेपर को दोबारा खोलोगे तो ये जो एक फिगर बनी होगी एक यहां बन जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ दो फिगर आपके सामने होंगी सिर्फ और सिर्फ दो फिगर ना कि चार फिगर बेटा चार फिगर नहीं बन सकती ये क्योंकि जब पहली बार पेपर खोलोगे तो हाफ का फुल होगा और फिर दूसरी बार पेपर खोलोगे तो वो वाली पिक्चर ऊपर दिखाई देगी आपको लाइक दिस ऑप्शन ए नहीं आ सकता ठीक है हाँ जी नोट डाउन जरूर करते जाना जो जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे और कौन कितने सही होंगे मुझे बताना जरूर है 200 क्वेश्चन की क्लास खत्म होने के बाद ठीक है ये 200 क्वेश्चन की क्लास है जो हर बच्चे को कर दी है पूरी रीजनिंग खत्म इन 200 क्वेश्चन में ए से लेकर जे तक ए से लेकर जे तक को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है और जब भी ग्रेटर आएगा तो बेटा ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा अगर मैं एन से जे को देख रहा हूं बेटा एन से जे तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है और अगर ग्रेटर है तो रिजल्ट ग्रेटर ही आएगा लेस दिन नहीं आ सकता अगर मैं पी से जे को देख रहा हूं बाबू पी से एन पी से एन क्या है ग्रेटर देन इक्वल और एन से एस S इक्वल S से जे, N से से देखो क्या है इक्वल ग्रेटर तो जब मैं P से जे देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर ग्रेटर है तो ग्रेटर अगर सिंबल रास्ते में है तो ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा समझ रहे हो तो केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है अच्छा ग्रेटर देन फैमिली के साथ अगर कोई और मेंबर है तो फिर कोई रिलेशन नहीं बना सकते जैसे मैं आपको बताऊं ए बराबर है बी के बी बड़ा या बराबर है सी के सी बड़ा है डी e से डी e बराबर है ई के ई बड़ा है बराबर है एफ के एफ बराबर है जी के जी बड़ा है बराबर है एच के अगर मैं आपसे कहूं कि ए का रिलेशन बनाओ ए का रिलेशन बनाओ डी से ए का रिलेशन बनाओ ई e से ए का रिलेशन बनाओ एफ से ए का रिलेशन बनाओ जी से ए का रिलेशन बनाओ एच से तो मेरे भाई जब मैं ए से डी की तरफ जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन आ गया है ना ए से डी ग्रेटर ए से ई ग्रेटर ए से एफ ग्रेटर ए से जी ग्रेटर ए से एच ग्रेटर तो अगर मैं ग्रेटर को पार करने जा रहा हूं तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर ही बनेंगे तो ए का रिजल्ट सबके साथ ग्रेटर होगा हाँ अगर मान लो रिजल्ट बनाना होता मुझे ए और आई के साथ अब जरा ध्यान से देखो ए से आई तो अब ग्रेटर के साथ साथ लेस देन भी मेरे रास्ते में आ गया तो हम अब कोई रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते ए और आई के बीच में अब कोई रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते चलो ये क्वेश्चन आपके सामने और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है बहुत शानदार हम यूपीएससी सी सेट बैच और टेक्निकल स्किल वेरी इंप्रेसिव देखो सीसेट जो यूपीएससी का पार्ट है सीसेट जीएस पेपर टू उसके सारे के सारे पुराने पेपर मैंने इसी अपने यूट्यूब चैनल पर कराए हुए हैं आप अगर प्ले ओपन करोगे तो यूपीएससी सी सेट की एक प्ले आपको दिखाई देगी तो पिछले जो साल हुए हैं 2023, 22, 21, 20, 20, 19, 18, 17 ये सात आठ साल के पूरे पेपर मैंने कराए हुए हैं सी सेट के इसी आपके अपने चैनल पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये लाजवाब क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को देना है पता है क्यों क्योंकि एग्जाम में बस इस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे कि वर्णमाला श्रृंखला ए टू जेड जेड में स्वर और Z को छोड़ को छोड़कर प्रत्येक अक्षर से दस से अलग अलग संख्या दी जाती है देखो कहना क्या चाह रहे हैं स्वर को छोड़ दो और जेड को छोड़ दो आपको पता है कि जो वॉबल्स होते हैं वो होते हैं ए ई -E आई ओ यू और जो जेड है वो जेड हो गया इनको छोड़ दो इनको छोड़कर हमारे पास जो बच्चे बेटा है ना अल्फाबेट बचे वो बचे b2 पहले दस बेटा कहां तक बचेंगे पहले जो दस लेटर है वो कहां तक बचेंगे हैं b से लेकर कहां तक बचेंगे b से लेकर m तक बचेंगे b c d b c d e को हटा दो f f g h i को हटा दो j k l m तो पहले जो दस लेटर है वो ये हो गए और जो दूसरे दस लेटर है वो हो गए n टू y क्योंकि z को हटा दिया हमने तो इनकी तो कोडिंग हमने इस तरीके से कर दी है ना और ऑल्सो ईच देखो सिंबल्स को हमने सिंबल से डिफाइन कर दिया वॉबल्स को हमने सिंबल से डिफाइन कर दिया और जेड को भी हमने सिंबल से डिफाइन कर दिया और लेटर्स को हमने वन टू टेन लेटर्स को हमने वन टू टेन से डिफाइन कर दिया तो आपको यह बताना है बैंकर्स की कोडिंग क्या होगी कुछ नहीं है बेटा बी का कोड क्या है बी का कोड एक है बी एक है अच्छा ए का कोड क्या है ए का कोड एट द रेट है तो वन एट द रेट है ना हमारा जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो वन एट द रेट से स्टार्ट होगा और सारी ऑप्शन द रेट से स्टार्ट की कोडिंग क्या होगी एन की कोडिंग फिर से एक है वन एट द रेट वन वन एट द रेट वन ये गलत हो गया वन एट द रेट वन वन एट द रेट वन अच्छा फिर हमारे के की कोडिंग बेटा हर ऑप्शन में क्या दे रखी है हर ऑप्शन में के की कोडिंग आठ दे रखी है है ना और e की कोटिंग हर ऑप्शन में क्या दे रखी है e की कोटिंग हर ऑप्शन में स्टार दे रखी है स्टार e की कोटिंग क्या है स्टार तो फाइनली हमें r का कोड पता करना है r और s का कोड और जब हम r और s का कोड पता कर लेंगे तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं तो क्या मुझे बता सकते हो r और s का कोड क्या होगा बेटा n o तो हट गया है n o p q r s 2 3 4 5 आर और एस का कोड होगा चार और पांच तो लास्ट में चार पांच आएगा ये तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया था लास्ट में आएगा चार पांच तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर और इसी तरह से हम डिजिटल का भी कोड पता कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके से हम डिजिटल का भी कोड पता कर सकते हैं तो क्वेश्चन ये था जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ए टू जेड उसमें वोबल्स और जेड को हमने सिंबल से डिफाइन किया है और बाकी सारे लेटर्स को हमने वन टू टेन वन टू टेन से डिफाइन कर दिया और बस सीधा सीधा कोड हमें पता लगाना था चलिए साहब टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक फुटबॉल मैच मैच है है टीम 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 एक्स और वाई वाई के बीच एक फुटबॉल द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या पांच है जिसमें से तीन गोल बाएं पैर के खिलाड़ी द्वारा किए गए थे है ना तो पहला अनुमान है कि बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था दूसरा है टीम वाई के साथ खिलाड़ी बाय पैर वाले हैं। बेटा ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा कि कितने खिलाड़ी पैर के हैं क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि कितने खिलाड़ी बायर तो खिलाड़ी बाएं पैर तो वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था देखो ऑब्वियसली बात है ये क्वेश्चन जब आयास में आया था फिलहाल ठीक है ये सीजीएल मीन में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है और कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन अब हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है सबसे बड़ी दिक्कत यह है आप जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन को पढ़ते ही ना पहले कंक्लूजन को सही कर दोगे क्यों क्योंकि आपको पता है जिनमें से तीन गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने किए हैं अगर तीन गोल बाए पैर द्वारा खिलाड़ी ने किए गए तो सी बात है बाए पैर वाला खिलाड़ी माहिर था गोल करने में है ना लेकिन यहां पर यहां पर आप एक चीज देखो अगर मैं ऑप्शंस को देखूं ओनली फर्स्ट follows. ओनली सेकेंड फॉलोज फॉलोज होता है ना बेटा अनुसरण करता है केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है इसका मतलब पता है क्या है कि कोई भी चीज हंड्रेड परसेंट ट्रू है हंड्रेड परसेंट ट्रू अच्छा कहीं भी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हर बार की तरह इस बार भी बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने तीन गोल किए इन्होंने बोला कि बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने तीन गोल किए है ना लेकिन ये बात कंक्लूड नहीं की कि हर बार की तरह इस बार भी बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने तीन गोल किए तो इसीलिए हम इसको है ना हंड्रेड परसेंट ट्रू या एज ए कंक्लूजन डिफाइन नहीं कर सकते कि बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था बात, हो सकता बाई चांस गलती से उससे एक मैच में तीन गोल हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि बाएं पैर वाले खिलाड़ी का प्रदर्शन इस मैच में बहुत बढ़िया था ये तो बात सच है लेकिन हम उसको कहते हैं कि वो एक्सपर्ट है गोल करने में तो ये गलत है क्योंकि उससे इस बार गोल किए जरूरी नहीं कि बाकी हर मैचेस में उसने गोल किए हो बाकी के मैचेस की डिटेल यहां पे नहीं दी गई सिर्फ हो सकता है गलती से हो गए हो हाँ इस मैच में बाएं पैर के खिलाड़ी का प्रदर्शन बहुत शानदार था इसमें कोई शक नहीं है इसीलिए आंसर होगा डी भैया मान लो आप क्रिकेट खेलने गए और आपने गलती से मान लो पहली मैच में लगा दिए चार चौके और उसके बाद चार मैच में लगातार चार बार जीरो पॉइंट आउट इस चक्कर में बाकी के मैचेस की डिटेल यहां पर नहीं दी गई है है ना हम्म पिछले दो वर्षों में कंपनी पी के 22 परसेंट कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है ओहो एक कंपनी है बड़ी अफसोस की बात है कंपनी के 22 परसेंट कर्मचारी कंपनी से बाहर हो गए बहुत अफसोस की बात है कंपनी के लिए पिछले दो वर्षों में कंपनी ने अपनी प्रमुख संपत्तियों को ओहो ये भी बड़ी दिक्कत की बात है कि कंपनी को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ गई भाई है ना बाईस परसेंट एम्प्लॉय कंपनी से बाहर हो गए कंपनी ने अपनी संपत्ति बेच दी एक बच्चे ने कंपनी का नाम लिख दिया हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहेंगे जिसके एम्प्लॉय भी बाहर हो गए जिसको संपत्ति भी बेचनी पड़ गई अब बेटा ये क्या है ये है कॉज एंड इफेक्ट आपको पता लगाना है कि इनमें से कारण क्या है और परिणाम क्या है अच्छा ये बताओ क्या ये एक दूसरे के कारण और परिणाम है इनमें से कोई एक कारण और दूसरा परिणाम है नहीं सर इनमें से कोई एक कारण और दूसरा परिणाम नहीं है पूछो क्यों? जब हम कारण और परिणाम को चेक करते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट को तो पता है हमें कैसे पता चलता है जो घटना पहले घटित होती है वो कारण होती है और जो घटना बाद में घटित होती है वो उसका परिणाम होती है जो घटना बाद में घटित होगी वो उसका परिणाम होगी हमेशा याद रखना अगर मान लो दो घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है और आपको पता लगाना इन दोनों में से कारण कौन सा है परिणाम कौन सा है तो जो घटना पहले घटित हो रही होगी वो कारण जो बाद में वो परिणाम दिल्ली में भयंकर ट्रैफिक जैम है दिल्ली में भयंकर ट्रैफिक जैम है दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई है तो अब ये बताओ दिल्ली में पहले बारिश होगी या पहले ट्रैफिक जैम होगा सर ऑब्वियसली बात है पहले बारिश होगी बाद में ट्रैफिक जैम होगा तो बारिश होना कारण है ट्रैफिक जैम होना उसका परिणाम है दिल्ली में ट्रैफिक जैम है दिल्ली में लोग ऑफिस देरी से पहुंचे पहले ऑफिस देरी से पहुंचेंगे पहुंचे, पहले ट्रैफिक जैम होगा हो बाद में लोग ऑफिस देरी से पहुंचेंगे तो ट्रैफिक जैम होना कारण है और ऑफिस देरी से पहुंचना उसका परिणाम है समझ रहे हो और कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कभी कारण नहीं होता वो हमेशा किसी ना किसी का परिणाम होता है है ना हमेशा किसी ना किसी का परिणाम होगा समझ रहे हो कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कभी इंडिविजुअल कॉज नहीं हो सकता हमेशा वो किसी ना किसी का परिणाम होगा कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कॉज तब होता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो जैसे दिल्ली में ट्रैफिक जैम है दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई है, है ना तो दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई है ये स्टेटमेंट कारण तब बन पा है जब उसका परिणाम दिया हुआ है कि दिल्ली में ट्रैफिक जैम है अगर मान लो उसका परिणाम ना दिया होता जैसे मैं आपसे कहूं दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई है शिमला में बहुत तेज बारिश हुई है तो इस समय दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई है कारण नहीं है अभी इसको कारण नहीं बोल सकते ये खुद एक परिणाम है किसी न किसी का तो दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई है शिमला में बहुत तेज बारिश हुई है अब ये दोनों क्या है ये दोनों अलग अलग परिणाम है अलग अलग परिणाम है समझ रहे हो हाँ, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई है दिल्ली में ट्रैफिक जैम है तो अब बारिश होना कारण है क्योंकि उसका परिणाम उसके साथ आ गया तो कोई भी स्टेटमेंट कारण तभी कहलाता है जब उसका परिणाम उसके साथ आ जाए वरना वो खुद एक परिणाम होगा ठीक है हाँ जी चलिए साहब तो ये कभी भी एक दूसरे के कारण परिणाम नहीं बनेंगे क्यों क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी घटना पहले घटित होगी कौन सी बाद में भाई तुम्हें क्या पता कि पहले कर्मचारियों को नौकरी से निकाला कि पहले संपत्ति बेची तुम ये डिफाइन कर सकते हो नहीं कर सकते ना तो हम इनको कारण और परिणाम के तौर पे डिफाइन नहीं कर सकते तो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत क्योंकि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले संपत्ति बेची है कि पहले कर्मचारी निकाले तो इनमें कौन कारण है कौन किसका परिणाम है ये डिफाइन ही नहीं हो सकता इसका मतलब पहला ऑप्शन हटा दो दूसरा हटा दो और मैंने आपसे कहा कि एक और दोनों एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव है दो, कारण है मेरी एक चीज बेटा याद रखना मैं आपको एक संजीवनी बूटी दे रहा हूं एक गुरु मंत्र दे रहा हूं कारण और परिणाम कॉज एंड इफेक्ट वाले चैप्टर में ये वाला ऑप्शन कभी जिंदगी में चूज मत करना क्योंकि ये ऑप्शन कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता ये ऑप्शन कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेस अभी थोड़ी देर पहले यही समझा रहा था कि कभी कोई सिंगल स्टेटमेंट कॉज नहीं बन सकता तो ये वाला ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर देना और ये दोनों कारण परिणाम हो नहीं सकते तो बचा क्या ऑप्शन सी तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इफेक्ट ऑफ अ कॉमन कॉज ये दोनों ही परिणाम हैं किसके परिणाम है एक कारण के क्या कारण कंपनी दिवालिया घोषित हो गई कंपनी की लुटिया डूब गई इनके पीछे का कारण है कि कंपनी की लुटिया डूब गई इसीलिए संपत्ति भी बेचनी पड़ी अपने कर्मचारी भी निकालने पड़े समझ रहे हो कंपनी की लुटिया डूब गई इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया किसी कॉलेज में जो कट ऑफ साठ परसेंट होती थी वो पचास ही रह गई पिछले दो वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज में कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तक तथा स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं ये क्या कह रहे हैं कि कैंटीन में जो भोजन आता है उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जा रही है स्वास्थ्य सेवाएं इंप्रूव की जा रही है कॉलेज में स्वच्छता पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है बहुत बढ़िया क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे के कारण परिणाम हो सकते हैं नहीं हो सकते कट ऑफ घटाई इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटी तो तुम डिसाइड कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो ये कारण परिणाम नहीं है इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन हटा दो और दूसरा ऑप्शन हटा दो ये दो ऑप्शन तो हटा दो कि पहला कारण दूसरा परिणाम या पहला परिणाम दूसरा कारण ये दो ऑप्शन तो हट जाएंगे हंड्रेड हट जाएंगे अच्छा एक और दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है एक और दो दोनों स्वतंत्र कारण है ये वाला ऑप्शन हमें अपनी लाइफ में कभी यूज नहीं करना यह हमारा गुरु मंत्र है कि ऑप्शन ये वाला ऑप्शन बोथ इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ में जिंदगी में यूज मत करना तो बचा क्या ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस ये दोनों ही अलग अलग कारणों के अलग अलग परिणाम है चलिए फिर से बेटा कॉज एंड इफेक्ट का ही क्वेश्चन आपके सामने है अगेन कॉज एंड इफेक्ट देश एक्स ने पिछले पांच वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में छह परसेंट की कमी की है अच्छा दूसरा है देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में तेरह परसेंट की तीव्र गिरावट की है ओके भैया ऑटोमोबाइल का मार्केट ठप और आयात में छह परसेंट की कमी हो गई तो ये दोनों एक दूसरे के कारण परिणाम तो है नहीं अगर एक दूसरे के कारण परिणाम है तो तुम बताओ इनमें से कौन सी घटना पहले घटित हुई है पहले ऑटोमोबाइल ठप हुआ है या पहले निर्यात ठप हुआ है पता ही नहीं तुम्हें कि कौन सी घटना पहले घटित होगी अगर एक दूसरे के कारण परिणाम होते तो पक्का तुम्हें पता होता कि ये पहले घटित हुआ है उसके बाद ये घटित हुआ है बट ऐसा तो तुम्हें लग ही नहीं रहा तो इसका मतलब है कि दो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो गए पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और चौथा फर्स्ट कारण है दूसरा परिणाम गलत दूसरा कारण है पहला परिणाम गलत और ये वाला ऑप्शन ये हमारे पास गुरु मंत्र है कि ये वाला ऑप्शन हमें यूज करना ही नहीं है दोनों ही परिणाम है अलग अलग कारणों के दोनों ही परिणाम है अलग अलग कारणों के चलिए ये क्या आ गया ये आ गया स्टेटमेंट कंक्लूजन कथन और निष्कर्ष कथन और निष्कर्ष कथन और निष्कर्ष भारत में एक दशक पूर्व की अपेक्षा अब कहीं अधिक दुपहिया वाहनों का निर्माण हो रहा है ना इंडिया इज नाउ मैन्युफैक्चरिंग मोर टू व्हीलर इट वॉज डिकेड अगो भैया दस साल पहले से अगर अब की बात करें <coughs> तो टू व्हीलर्स की संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन देयर क्वालिटी हैज अ प्रो ऑल्सो इंप्रूव्ड अलॉट इनकी गुणवत्ता में भी अत्यधिक सुधार हुआ भैया मतलब टू व्हीलर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और इनकी गुणवत्ता भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है तो पहला कंक्लूजन है वी आर एक्सपोर्टिंग टू अच्छा ये बताओ एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो तुम निष्कर्ष कैसे बना सकते हो उन्होंने कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कर रहे हैं क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तो बात नहीं कर रहे हैं दूसरा है हमारे दुपहिया वाहन उद्योग में सराहनीय प्रगति की है हाँ ये बात सच है भैया सराहनीय प्रगति की है ये तो बिल्कुल सच है सराहनीय प्रगति की है बताओ फाइंड आउट वन आउट इनमें से एक विषम छाटो है ना इनमें से एक विषम छांटो बेटा देखो पहला जो पड़ाव पार होगा वो हमारे पचास क्वेश्चन पे होगा ठीक है हमें दो सौ क्वेश्चन करने हैं और हर पचास क्वेश्चन पे एक पड़ाव होगा ठीक है हर पचास क्वेश्चन के बाद आप मुझे बताओगे कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए ठीक है और फिर फाइनल रिजल्ट बताओगे दो क्वेश्चन के बाद ठीक है छब्बीस क्वेश्चन कर चुके हैं सत्ताईस में क्वेश्चन पर पहुंच गए इनमें से बेटा दोनों आंखें इधर है ये निशान है इधर है दोनों नीचे हैं, दोनों इधर हैं, दोनों ऊपर हैं। यहाँ पे आंखों की दशा ही बिगड़ चुकी है तो आंखों की दशा ही बिगड़ चुकी है पहला फिगर हैं? पहला फिगर चलिए साहब पहली फिगर का दूसरे से जो रिलेशन है तो तीसरी का किस साथ रिलेशन होगा पहली का दूसरे बेटा पी को अंदर त्रिभुज में बंद कर दिया पी को त्रिभुज में बंद कर दिया के को बेटा अंदर सर्कल में बंद कर देंगे के को सर्कल में बंद कर देंगे के को सर्कल में बंद कर देंगे के को सर्कल में बंद करेंगे लेकिन इमेज के साथ नहीं एज इट इज नॉर्मल एज इट इज नॉर्मल ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यूज करोगे ना नॉन वर्बल में तो फायदा ज्यादा पहुंचेगा आपको जब हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यूज करेंगे हाँ जी बेटा इसको ना एंड पॉइंट मान लो ये एंड पॉइंट है अब इस एंड पॉइंट को देखते जाओ इस एंड पॉइंट के साथ हो क्या रहा है ये कैसे शिफ्ट हो रहा है ये एंड पॉइंट शिफ्ट कैसे हो रहा है देखो पहले यहां से यहां आ गया फिर सीधा यहां से यहां आ गया यानी कि पहले हाफ शिफ्ट हुआ फिर वन साइड शिफ्ट हुआ फिर ये यहां से यहां आ गया हाफ अब ये वन साइड शिफ्ट होगा यानी कि यहां पे आएगा यहां से यहां वन साइड पहले हाफ शिफ्ट हुआ फिर वन शिफ्ट हुआ फिर हाफ शिफ्ट हुआ फिर वन शिफ्ट होगा यहां आ जाएगा इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है नॉर्थ के बाद डायरेक्शन हो गई ईस्ट ईस्ट के बाद डायरेक्शन हो गई साउथ तो देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है नॉर्थ से ईस्ट ईस्ट से साउथ साउथ से वेस्ट और वेस्ट से आ जाएगा नॉर्थ तो जो एंड पॉइंट है हमारा वो यहाँ आएगा ये गलत है ऊपर शिफ्ट होना चाहिए ये गलत है डायरेक्शन साउथ में नहीं होनी चाहिए ये बिल्कुल सही है ये गलत है एंड पॉइंट यहाँ तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बताइए त्रिभुज कहाँ छुपा हुआ है ये तो यार बच्चा बच्चा ढूंढ लेगा इसको तो इसको तो बच्चा बच्चा बता देगा ये कहाँ छुपा हुआ है ये यहां लुका बैठा है भाई साहब इतने लुकी बैठी है ये हाँ जी ये यहाँ छुपा हुआ है तो ऑप्शन ए एस एसता राइट आंसर चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इस फिगर को कंप्लीट करो इनकम्प्लीट फिगर यहां पर रोटेशन <coughs> अलाउ नहीं है यहां पर रोटेशन अलाउ नहीं है हाँ जी यहां पर रोटेशन अलाउ नहीं है इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे सर अगर मैं बात करूं तो देखो ये दो तो बनेंगे बिल्कुल सही है अच्छा दो से पहले ये लाइन कैसे आ गई ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दो ये दो तो बनेंगे बिल्कुल सही है अच्छा दो के बाद ये गोला नहीं बनेगा दो के बाद स्ट्रेट लाइन बनेगी ये सीधी लाइन बनेगी और ये सीधी लाइन ना ब्रेक नहीं होगी तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ जो बचा वो आंसर ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ छह व्यक्ति A, B, C, D, e, F, दो पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक में तीन व्यक्ति हैं है ना दो पंक्ति हैं और प्रत्येक में तीन व्यक्ति हैं लाइक दिस यदि ई e किसी भी छोर पे नहीं है बनाओ मैं आपको दस सेकेंड का टाइम देता हूं ये क्वेश्चन बनाने के लिए लाइक शेयर कमेंट्स कमेंट तो तुम छोड़ो लाइक like और शेयर यह चीज करना ना भूलना समझ रहे हो चलो आज मुझे लाइक करने की तो कहने की जरूरत नहीं पड़ रही ऑलरेडी अपने आप जितने बच्चे लाइव हैं उससे ज्यादा लाइक है गुड जॉब शाबाश लेकिन शेयर भी करते चलो साथ के साथ सेशन को बना लिया क्वेश्चन बहुत बढ़िया यदि किस यदि ई किसी भी छोर पे नहीं है बाबू जो ई है वो किसी भी छोर पे नहीं है अगर ई किसी भी छोर पे नहीं है यानी कि जो ई है वो बीच में बैठेगा अगर ई छोर पे नहीं है तो ई बीच में बैठेगा या तो ऊपर बैठेगा या नीचे बैठेगा दो संभावना बनेगी दोनों बना ली भैया यही तो कह रहे हैं ई छोर पे नहीं है एंड पे नहीं है एंड पे नहीं है तो मिड में है तो या तो ऊपर है या नीचे है दो पॉसिबिलिटी दोनों बना ली डी एफ के बाय से दूसरे स्थान पर है एफ के सेकेंड लेफ्ट पे डी है अब एफ को कहा बैठाऊ मैं यहां बैठाऊं यहां बैठाऊं पता ही नहीं यहां बैठाऊं यहां बैठाऊं पता ही नहीं तो डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ इस पॉइंट को लिख लो एज हिंट की फॉर्म में इसका यूज हम बाद में करेंगे C, E का पड़ोसी है C जो है, e है. ई e e के साथ बैठेगा सी और और वर्ड किसके लिए है सी के लिए सी डी के तिरछा विपरीत है बेटा अगर सी यहां पर है तो डी यहां पर है और अगर सी यहां पर है तो डी यहां पर है अच्छे एक बार बताओ एफ D डी सेकंड टू D है अच्छा D को नीचे आना ये तो पता चल गया क्योंकि C ऊपर आएगा तो C का तिरछा D जाएगा तो D नीचे आएगा तो F के सेकेंड लेफ्ट पे D है क्या मैं F को यहाँ बैठा सकता हूं F को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि F का बाई और दूसरा D नहीं हो सकता तो हंड्रेड परसेंट एफ का बाई और दूसरा D, D का तिरछा सी बेटा F का बाई और दूसरा अच्छा सॉरी 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 पे हो जाएगा ऊपर एफ को यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि एफ का बाई दूसरा डी नहीं हो सकता एफ यहाँ होगा एफ का बाई दूसरा डी डी का त्रिछा कौन हो गया सी हो गया चलिए सा <coughs> का पड़ोसी है का पड़ोसी बी है एफ का पड़ोसी कौन है बी है, F का पड़ोसी कौन है? B है. B बचा कौन ए बचा कौन ए दोनों संभावनाएं सही है दोनों ही संभावनाएं सही है अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों संभावनाओं को देखकर ही दिया जाएगा आंसर तो हमसे पूछा है बी के विपरीत कौन बैठा है भाई बी के विपरीत तो बी के विपरीत कौन बैठा है बी के विपरीत बैठा है ई e. दोनों में ही ई e है इसीलिए ई इज द राइट आंसर और लगभग एक घंटा हमें होने को आ गया और एक घंटे में टारगेट था पचास क्वेश्चन का लेकिन हम पहुंचे हैं तेतीस तो सत्रह क्वेश्चन को सत्रह सेकंड में खत्म करो बनाओ जल्दी से बनाओ घड़ी की दोनों सुइया ग्यारह से चार के बीच में कितनी बार एक दूसरे से मिलती है ग्यारह से चार बेटा पांच घंटे होते हैं हर घंटे में एक बार जीरो डिग्री का कोण बनता है पांच घंटे में पांच बार जीरो डिग्री का कोण बनेगा लेकिन ग्यारह से चार हम बारह से होके गुजरेंगे जब भी बारह से होके गुजरते हैं वैल्यू एक कम हो जाती है इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर पांच नहीं बेटा चार आएगा हर घंटे में एक बार बनता है पांच घंटे में पांच बार बनना चाहिए लेकिन हम बारह से होके गुजरेंगे तो वैल्यू एक कम होती है जब भी बारह से होके गुजरते हैं वैल्यू एक कम होती है जीरो डिग्री के लिए और न एट्टी डिग्री के लिए अगर हम छे से गुजरते हैं तो वैल्यू कम होती है और नाइंटी डिग्री कहां का कम होता है नाइन्टी डिग्री कम होता है तीन और नौ पर नाइनटी डिग्री कम होता है तीन और नौ पर बेटा यहां पे जो विपरीत वर्ड यूज होता है ना विपरीत बेटा ये तिरछा नहीं होता विपरीत होता है सामने तो बी के सामने कौन है बी के सामने ई है है ना इस आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करो जल्दी से <coughs> हाँ जी वर्ग कितने हैं बेटा ये वाली भुजा बना लो और ये वाली भुजा को पूरा कर लो अब बेटा अब मुझे वर्ग काउंट करके बताओ इस पूरी कंप्लीट फिगर में कितने वर्ग हैं आप जानते हैं बेटा कितने कॉलम है इसमें पांच कॉलम है एक दो तीन चार पांच और कितनी रो है एक दो तीन इस फिगर में पांच कॉलम तीन दो पांच कॉलम तीन दो और स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या होती है बेटा कॉलम और रो इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो पांच गुना तीन फिर प्लस करो दोनों नंबर में एक एक कम करते जाओ दोनों में एक एक कम करते जाओ चार गुणा दो चार गुणा दो फिर प्लस करो फिर दोनों में एक एक कम करो बेटा तीन गुणा एक तीन गुणा एक और जैसी एक आ जाए वही रुक जाओ क्योंकि आगे अगर कम करोगे तो दो गुणा जीरो हो जाएगा यही हमारे टोटल स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक होती है पंद्रह और आठ तेईस और तीन छब्बीस तो टोटल कितने वर्ग है छब्बीस वर्ग है लेकिन छब्बीस वर्ग किस में है छब्बीस वर्ग इस कंप्लीट फिगर में है है ना अब हम करेंगे अपनी फिगर को छोटा एक लाइन यहां से हटाऊंगा एक यहां से तो ये लाइन हटने की वजह से बेटा कितने वर्ग की कमी हो गई कमी कितने वर्ग की हो गई सर एक वर्ग ये कम हो गया एक ये कम हो गया दो तो ये कम हो गए और एक ये कम हो गया एक ये कम हो गया दो ये कम हो गए <कुं>। चार कम हो गए चार ये कम हो गए चार के बाद बेटा ध्यान से देखना एक ये कम हुआ पांच और एक ये कम हुआ है छ एक ये कम हो गया छ है ना कितने कम हो गए बेटा दो और दो चार और दो और एक बड़ा वाला वर्ग कम होगा ये ये सात वर्ग की कमी हो जाएगी लाइन को घटाने के बाद इसीलिए सात हमें घटाना पड़ेगा है ना सात वर्ग कम हो गए कौन कौन से कम हो गए थे बाबू एक और एक दो और एक तीन और एक चार चार तो छोटे हो गए एक ये यहाँ से पांच एक ये यहाँ से छह है ना और एक ये बड़ा वाला वर्ग कम होगा सात तो छब्बीस माइनस का सात कितना हो जाएगा छब्बीस माइनस का सात उन्नीस क्या प्रत्येक शहर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री केवल कुछ आउटलेट्स तक ही सीमित होनी चाहिए ये कह रहे हैं कि भैया देखो प्रत्येक शहर में तंबाकू को करो खत्म टाटा भाई भाई ये जो जुआ केसरी है ना अब मैं भी अब मैं शाहरुख खान भी जुआ केसरी बोलता हूं है या मैं अब मैं अक्षय अच्छा कुमार भी जुमा केसरी बोलता हूँ इस जुमा केसरी को बंद कर देना चाहिए और शहर के कुछ जगह ही है ना एक और कम नहीं होगा बस उतने कम होंगे इसको एक है ना कुछ जगह ही इसके आउटलेट्स होने चाहिए मतलब पूरे शहर में दो चार जगह मिलना चाहिए ताकि लोग तकलीफ करें मान लो तुम्हारे पड़ोस में मिलता है तो तुम तकलीफ नहीं करोगे तुरंत खाओगे डालोगे है ना दूर मिलेगा तो तकलीफ करोगे खरीदने में कह रहे हैं हाँ ऐसा कर दो क्यों इससे क्या होगा इससे तंबाकू उत्पादों की खपत में काफी कमी आएगी बिल्कुल सही बात है एकदम सही बात है जो सही है वो फैक्ट है है ना? जो स्ट्रॉन्ग है कह रहा नहीं ऐसा मत करो जो लोग तम्बाकू उत्पाद खरीदना चाहते हैं, उन्हें सुविधाजनक है स्थानों पर प्राप्त करना चाहिए हाँ जी घर की या होम डिलीवरी करनी चाहिए हैं एक तो बेचारे तमकू खा रहे हैं गलत चीज को खा के खत्म कर रहे हैं दुनिया से हैं तमाकू गलत चीज है तो वो तो तुम्हारा साथ दे रहे हैं उसको कम करने में तुम कह रहे हो कि तम्बाकू बंद कर दो तो ये तो बात बिल्कुल गलत है तुम उनके घर पहुंचा दो है होम डिलीवरी कर दो तो पहला ही तर्क ठोस होगा ओनली फर्स्ट स्ट्रोंग आ ए की बी को सलाह है ए की बी को सलाह मतलब ए जो है वो बी को सलाह दे रहा है क्या दे रहा है अमृतसर के रास्ते जम्बू जाओ सबसे छोटा रास्ता वही है वो कह रहा है कि भैया जम्बू जाना है तो अमृतसर के रास्ते जाओ सबसे छोटा रास्ता है कौन दे रहा सलाह ए किसको दे रहा बी को तो पहली रहा है पहली पूर्व है। पूर्व धारणा धारणा है है बेटा क्या कि बी जम्बू जाना चाहता है अबे जम्बू जाना चाहता है तभी को उसको सलाह दी जा रही है अब वो थोड़ी वो मान लो वो जाना चाहता है केरला उसको जम्मू जाने की सजा वो सलाह दे रहा है जाना चाह रहा है केरल तो जम्बू जाना चाहता तभी तो वो एस, ए सभी को सलाह देता ए सभी ए गिफ्ट्स एडवाइस टू एवरी हो सकता है देता हो लेकिन ये बात इलॉजिकल है क्योंकि हो सकता है बी को सलाह दे रहा है, तो वो उसका दोस्त होगा अब तुमने यार इतना लालचन उस पर लगा रहे हो कि सभी को सलाह दे देता है वो तो ओनली फर्स्ट इम्प्लीसेट धर्म शास्त्र शांति प्राप्त करने के उपाय प्रदान करते हैं मनुष्य को इन उपायों को अपमान अपो नाना चाहिए है ना रिलीजन्स प्रोवाइड वे टू अटेन इंटरनल पीस मैन शुड अडोप्टीस मेजर्स है ना पहला है धर्म शास्वत जीवन सुनिश्चित करते हैं रिलीजन एनश्योर प्रोस्परस लाइफ दूसरा है रिलीजन हेल्प पीपल टू एन पॉवर्टी धर्म निर्धनता समाप्ति में लोगों की सहायता करते हैं ये कह रहे हैं कि धर्म अपनाओ हरिओम हरिओम राधे राधे जय श्री राम है जय शिव शंकर शंभुनाथ ईश्वर अल्लाह एक ही नाम है हाँ जी तो ये कह रहे हैं कि धर्म जो होता है वो शांति प्रदान करने के लिए होता है कथन में बोला जा रहा है लेकिन निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं कि अगर तुम धर्म को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सुनिश्चित समृद्ध जीवन जियोगे खुशहाल जीवन जियोगे है ना दूसरा कह रहा है कि गरीबी समाप्त हो जाएगी बेटा खुशहाल जीवन जियोगे गरीबी समाप्त हो जाएगी ऐसा कुछ भी धर्म नहीं करने को कह रहा वो तो सिर्फ इंटरनल पीस है ना मानसिक शांति मानसिक संतुलन के लिए है ना कह रहे हैं कि जो रिलीजन है है ना जो धर्म है वो आपकी मानसिक शांति लाती है ये थोड़ी गरीबी गरीबी दूर कर देगी तुम्हारी या फिर तुम्हें धन धान्य बना देगी ये गलत है एक गोल्फ क्लब के सभी सदस्य है, है ना क्रियाशील गोल्फ खिलाड़ी हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ ए गोल्फ क्लब आर एक्टिव गोल्फर्स ओके परंतु वे सभी धनमान है आपको पता ही होगा गोल्फ के बारे में आपने बचपन से सुना होगा कि जो गोल्फ खिलाड़ी होते हैं वो काफी पैसे वाले होते हैं है ना गोल्फ कौन खेलता है जिनके पास काफी पैसा होता है <स्थाथ> सुश्री वाई सुश्री सॉरी सुश्री सुश्री नहीं सुश्री यूपी में तो भैया सुश्री का मतलब ही गलत निकल जाता है ए ससुर के ससुरा सुश्री ये सुश्री नहीं है ये सुश्री है सुश्री सु, सुश्री वाई भी सदस्य है मतलब वाई जो है एक फीमेल है ये भी सदस्य है किसकी सदस्य है क्लब की सदस्य है तो अबे यहां लिख रहा है सुश्री मतलब मिस और यहां लिख रहा है ही बेटा ही नहीं है तो शी है शी शी इज अ गोल्फर बिल्कुल सही बात शी इज अ गोल्फर शी इज अ रिच बिल्कुल सही बात अगर वो मेंबर हैं तो भैया वो गोल्फर भी होंगे और वो धनवान भी होंगे दोनों सही हो गए शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला भैया शहर के लोगों में ना मलेरिया रोग फैल गया बहुत बुरी तरह पहला कोर्स ऑफ एक्शन है शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए तुरंत बेटा धुआं धुआं कर दो धुआं धुआं कर दो शहर को धुआं धुआं है ना मच्छरों का नामो निशान मिटा दो क्योंकि मलेरिया किससे होता है है? डेंगू डेंगू मैं मैं नहीं मच्छर मेरा नाम मलेरिया फैलाना मेरा काम चलिए दूसरा है पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट सही बात है बेटा सलाह देनी चाहिए लोगों को कि वो मच्छर के काटने से बचे फुल स्लीप्स के कपड़े पहन के जाए है ना मच्छरदानी का यूज करें और <coughs> औरो मास लगाएं कंपनी को बाजार में क्या है किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में काफी कमी आई है भैया किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में ना बहुत कमी आई है जिससे कंपनी को बड़ी चिंता है कोई एक प्रोडक्ट है जो सेल नहीं हो रहा फंस गए कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा <coughs> <coughs> कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों का सूचित उचित अध्ययन करना चाहिए बिल्कुल सही बात था। है अगर मान लो कोई तुम्हारा उत्पाद की बिक्री नहीं हो रही किसी उत्पाद की बिक्री में कमी आई है तो तुम अपने कंपटीटर को तो चेक करोगे मान लो तुमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ तुम्हारा बिक नहीं रहा तो तुम देखोगे मार्केट में कोई और प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा ये है तो उसके हाँ जी दूसरा कंपनी को बाजार में द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस एंड क्वालिटी इंप्रूव बेटा ये कंपनी को घाटा पहुंचा सकता है कि हम प्रोडक्ट का प्राइस तो घटा दें और क्वालिटी इंप्रूव कर दे तो ऐसा करना कंपनी को घाटे जायत हो सकता है कंपनी को घाटा पहुंचा सकता है दूसरा सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो का एक अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी निभाने के लिए रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त हुई है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसीव द कंप्लेन ऑफ एन ऑफिसर टेकिंग ब्राइव टू डू द ड्यूटी ओके ओके ही सपोज टू मतलब एक ड्यूटी उसको करनी थी उसी में वो रिश्वत ले रहा था अपनी ड्यूटी करने के लिए तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है सीबीआई शुड ट्राई टू कैच द ऑफिसर एट हेंडेड एंड देन टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन हिम बिल्कुल सही बात है सीबीआई शुड वेट फॉर सम मोर कंप्लेंट्स वो कह रहा है उसको वेट करना चाहिए कि कुछ और शिकायत आनी चाहिए है वेट करना चाहिए कि कुछ और शिकायत आनी चाहिए कैसे भाई साहब तुम लोगों की बत्ती को लोती जा रही है बेटा 200 क्वेश्चन का टारगेट है अभी तो 50 क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं <coughs> और तुम लोग लाइव कम होते जा रहे हो ये गलत बात है, है? चलिए साहब अगर मैं इस पे देखूं इस फुलजड़ी पे ध्यान दूं तो ये फुलजड़ी पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज ओके फिर यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज फिर यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये फुलजड़ी ऐसे दिखेगी 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होके ऑप्शन ए इज द राइट right आंसर है चलिए साहब इनमें से एक विषम छांटना है तीनों इनमें से एक विषम छांटना बेटा अगर मैं इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं अगर मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं तो बिल्कुल ये फिगर बन जाएगी डिटो सेम एज इट इज सेम है ना बिल्कुल सेम और इस, इस फिगर को इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो तो ये बन जाएगी इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो तो बिल्कुल सेम ये बन जाएगी देखो ऐसे और फिर इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो तो ये बन जाएगी तो ये वाली जो फिगर है सबसे अलग है ये इस सीरीज का पार्ट नहीं है ये वाली जो फिगर है ये इस सीरीज का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है ये अलग फिगर हो गई भाई बाकी सारी एक ही फिगर है।, है ना जो ये फिगर है वही ये फिगर है वही ये फिगर है वही ये फिगर है बस 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री इसको नहीं बना सकते बेटा कैसे भी घुमा के इसको घुमा के तुम ये ये जो डायरेक्शन है ना ये इस साइड नहीं आ सकती कभी नहीं आ सकती तुम कैसे भी घुमाओ ये इस साइड नहीं जा सकते कभी भी इसीलिए ये सबसे अलग हो गई फिगर है ना <coughs> बेटा चार हजार से नीचे लाइव कम नहीं होने चाहिए है दो सौ क्वेश्चन करा रहे हैं और तुम बेटा लाइव कम नहीं होगी क्योंकि आपकी लाइव संख्या कम होगी हमारी एनर्जी डाउन होगी सीधी सी बात है, है? है? हाँ जी तो मेरे दोस्त मेरे भाई बताओ छांटो इनमें से एक सबसे डिफरेंट है डिफरेंट को छांटो जल्दी से छांटो बेटा कौन सी फिगर है जो सबसे अलग है हां सबसे अलग है सबसे अलग सबसे अलग कौन सी है बेटा ये इनमें एक है इसमें 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 सब में एक एक भरा हुआ है कट्टा जीरो कट्टा जीरो कट्टा 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 0 0 0 0 कट्टा 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 लेकिन यहां पर ये पूरा खाली छोड़ा हुआ है तो यही सबसे अलग है फिर है ना हर फिगर में हर कॉलम में एक कट्टा या एक जीरो है हर फिगर में हर कॉलम में या तो एक कट्टा है या एक जीरो है ये एक ऐसी फिगर है जिसका एक कॉलम पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया जैसे ही इसको खोलोगे बेटा एक बार तो पेपर को खोल दिया जैसे ही इसको खोलोगे इन दोनों की इमेज ऊपर बनेगी इन दोनों की इमेज ऊपर बनेगी और ये इसकी इमेज नहीं हो सकती है और ये 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 इसकी इमेज है परफेक्ट यहाँ पे तो ये आकृति ही बदलती भाई साहब ये आकृति को इस आकृति में बदल दिया गलत जवाब और ये इसकी इमेज नहीं हो सकती है इमेज बनती है जैसे ही पेपर को खोलते हैं ना पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में क्या होता है जैसे जैसे पेपर को हम खोलते जाते हैं वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाते हैं समझ रहे हो वैसे वैसे उसकी <tcióँ> इमेज बनाते जाते हैं पास वाली पिक्चर पास दूर वाली पिक्चर दूर है ना यही है मिरर इमेज का पास वाली पिक्चर पास दूर वाली पिक्चर दूर पहले आ रहा आएगा बी की इमेज गलत पहले आ रहा आएगा पहले आ रहा आएगा पहले आ रहा आएगा फिर बी आएगा पास वाली पिक्चर पास दूर वाली पिक्चर दूर इनमें से एक विषम वर्ड है छाटो कौन सा वर्ड है जो सबसे अलग है विड्रॉल डिडक्शन डिपोजिट डेबिट हम जानते हैं डिपोजिट अलग है सास, निकासी डिडक्शन डेबिट तीनों ने पैसे काट लिए इसने जमा कर दिए हाँ जी, ये सीरीज है नंबर सीरीज सॉल्व करो बेटा फटाफट से <coughs> जल्दी से सॉल्व करो चलो ऐसे सॉल्व कर लो लिखने की जरूरत क्या है दो एक दो चार चार पांच छह सात आठ आठ दस ग्यारह हाँ दो एक दो ऐसा नहीं लग रहा सर ये मिक्स्ड कर दी है दो तीन सीरीज ऐसा नहीं लग रहा आपको ये दो तीन सीरीज मिक्स्ड की हुई हैं हाँ है? मिक्स्ड की हुई हैं दो के बाद दो तो मत उठाओ दो के बाद सीधा चार उठाओ दो के गैप के बाद यानी कि तीन सीरीज को मिक्स कर दिया दो चार छः आठ आहा दो चार छः आठ दस दो चार आठ, दस यानी कि यहां पे तीन मिक्स सीरीज करी हुई है भैया तीन सीरीज को मिक्स किया हुआ है जैसे दो चार छ आठ दस यह है बेटा एक और तीन चार और तीन सात और तीन दस यह है दो और तीन पांच और तीन आठ और तीन ग्यारह लाइक दिस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है फाइंड द मिसिंग वैल्यू यहाँ पे कौन सी वैल्यू आने वाली है जल्दी से बताइए भाई और बहनों जल्दी से बताइए पच्चीस और सत्ताईस होते हैं बावन ये हिंट है तुम्हारे लिए सॉल्व करो जल्दी से बेटा बारह नहीं आएगा दस आएगा ना बारह कैसे आ जाएगा मेरे भाई बारह कैसे आ जाएगा बारह तो तब बारह थोड़ी आएगा दो और दो चार चार और दो छह और दो आठ आठ और दो तो दस दस ही तो आएगा है ना इसके बाद चाहिए था एक और तीन चार और तीन सात और तीन दस और तीन तेरह आता है इसके बाद दो और तीन पांच और तीन आठ और तीन ग्यारह और तीन चौदह आता तो दस तेरह चौदह की बनेगी बारह थोड़ी आ जाएगा नंबर है बारह नहीं आएगा हाजी बनाओ बेटा लॉजिक क्या है बनाओ पूरे पूरे ब्लॉक का यूज करो जल्दी से कमाल पच्चीस और सत्ताइस बावन तेईस और तीस त्रेपन तेतीस और इक्कीस बेटा चौवन तो ये कितना होगा ये पचपन होगा या इक्यावन होगा भाई इक्यावन बावन त्रेपन चौवन या फिर बावन तिरपन चौवन पचपन तो या तो इक्यावन बनाओ या इसको पचपन बनाओ अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो क्या बनाना चाहता है उन्नीस जोड़ के पचपन बन जाएगा इक्यावन के लिए और छोटा नंबर चाहिए और छोटा नंबर है नहीं हमारे पास है ना <risque> और छोटा नंबर है नहीं बनाओ बेटा फटाक से फाइंड द मिसिंग वैल्यू लाइफ कम नहीं होने चाहिए चार हजार से आग लगा देंगे धुआं धुआं कर देंगे पचास क्वेश्चन पूरे हो गए दो में से पूरे पचास क्वेश्चन हुए कंप्लीट भाई साहब एक पड़ाव हमने पार कर लिया आज चलेगी जंग भारी है हाँ जी ये 200 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं हर बच्चे को अगर कोई सरकारी नौकरी का पेपर देने जा रहे हो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हो है ना तो इन 200 क्वेश्चन को करना ना भूले ये आपके है ना एग्जाम में जब आप इन 200 क्वेश्चन को कर जाओगे तो जब पेपर देने बैठोगे ना तो आपको लगेगा यार इतना हलुआ है रीजनिंग इतनी आसान आई थी सर इसकी तो कोई हद ही नहीं ये आपका सारा तनाव ये पेपर सारा है ना तनाव आपका दूर कर देगा चलिए साहब सर सत्तो सत्तु उनचासता दूनी अट्ठानवे इक्कीस का अच्छा सात का स्क्वायर इस, उनचास अट्ठानवे इक्कीस का स्क्वायर चार सौ इकतालीस दूनी पंद्रह का स्क्वायर दो सौ पच्चीस दूनी लेकिन ये एक सौ चालीस कैसे बना बाबू सर लग रहा है ना पहले तीन नंबर को यूज करके ये एक सौ चालीस बनेगा उनचास और अट्ठानवे कितना होता है एक सौ सैतालीस <coughs> माइनस का सात एक सौ चालीस माइनस का इक्कीस तेरह सो दो चार सौ पचास और ये कितना हो गया छह सौ पिचहत्तर माइनस का पंद्रह कितना हो जाएगा छ सो साठ ऑप्शन डी द राइट आंसर बताओ भैया पचास में से स्कोर अपना पूरे पचास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आउट ऑफ टू हंड्रेड क्या बना है स्कोर आपका पचास में से देखो मैं आपको कहूं तो आपका स्कोर कम से कम बेटा फोर्टी रहना चाहिए फोर्टी प्लस होना चाहिए स्कोर तीस <coughs> से चालीस वाले भी चल जाएंगे लेकिन तीस से कम वाले नहीं चलने चाहिए तीस से कम वाले बच्चे नहीं होने चाहिए है ना अगर आपका स्कोर तीस से कम जा रहा है उसके दो ही कारण है या तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपका स्कोर तीस से कम है तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है अगर कंप्लीट है सिलेबस उसके बावजूद भी आपका स्कोर तीस से कम है तो भैया एक बार आपको रिवीजन की जरूरत है तो आप रिवीजन कर ले और जिसका स्कोर 30-40 के बीच में वो बच्चा परफेक्ट है और जो मार गया 40 प्लस वो है सुप वो है सुपाव उस बच्चे को ना तो रिवीजन की जरूरत है ना प्रैक्टिस की बस इन 200 क्वेश्चन की जरूरत है आज की क्लास की ठीक है लेकिन जो 30-40 है वो अगले 50 क्वेश्चन में परफेक्ट बन जो तीस चालीस है अगले अगले पचास क्वेश्चन में सुपर पाने की कोशिश करना और जो इस कैटेगरी में नहीं पहुंचे वो अगले अगले पचास क्वेश्चन में इस कैटेगरी में पहुंचने की कोशिश करना ठीक है चलिए तो दूसरा पड़ाव शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम जयसियारा हाँ जी तो भैया दूसरे पड़ाव का पहला क्वेश्चन आपके सामने है <coughs> जी कमान हाँ जी पासे के तीन रूप नीचे दिखाए गए हैं इस पासे में कौन सी आकृति त्रिभुज के विपरीत सतह पर होगी त्रिभुज के विपरीत सतह पर आकृति याद करो बेटा वन ट्रिक और टू ट्रिक दो ट्रिक लगती हैं वन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम प्लस प्लस को ऊपर नीचे लिख के प्लस से क्लॉकवाइज घूम सकते हैं प्लस इन सर्कल प्लस से क्लॉकवाइज घूम सकते हैं प्लस त्रिभुज और डिवाइड तो जो सिंबल एक दूसरे के ऊपर नीचे है डाइस में यही एक दूसरे की के विपरीत है प्लस के विपरीत वो सिंबल होगा जो दिख नहीं रहा माइनस तो हमसे क्या पूछा त्रिभुज के विपरीत क्या होगा त्रिभुज के विपरीत होगा चलिए साहब जैसे इसका इससे रिलेशन है वैसे इसका किससे रिलेशन होगा जल्दी से आइडेंटिफाई करो फटाक से <coughs> हा, पहले फिगर का दूसरे फिगर से रिलेशन है तो इसका रिलेशन किससे होगा तो मेरे दोस्त मेरे भाई एरो एरो की डायरेक्शन इन्होंने देखो ये देखो एस ये इन्होंने एस की मिरर इमेज बना के यहां रख दिया एस की मिरर इमेज बना के यहां रख दिया तो डी डी की मिरर इमेज बना के डी <coughs> की मिरर इमेज बना के यहां रख दो डी की मिरर इमेज बना के यहां रख दो तो ये बच गया ये बच गया ये गलत ये गलत हमारे दो ऑप्शन गलत हो गए मेरे भाई दो ऑप्शन गलत हो गए चलिए साहब सर ये जो है ना इसको घुमा दिया इन्होंने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज त्रिभुज को घुमा दो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अरे यार ये तो एक बिंदु दो बिंदु एक स्टार दो स्टार एक स्टार दो स्टार एक स्टार वाला भी गलत हो जाएगा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो चलिए साहब ये बिंदु यहां जाना चाहिए गलत बच गया बच गया बच गया ये दो आने चाहिए गलत बच गया चलिए साहब अब लास्ट की जो कॉर्नर है कॉर्नर में ये एल कहां से बन गया एल तो बनेगा ही नहीं तो कौन सा ऑप्शन बचा ऑप्शन बी हां जी इनमें से एक डिफरेंट फिगर है उस डिफरेंट फिगर को आइडेंटिफाई करो चार के से कम वॉचिंग नहीं होनी चाहिए आज के सेशन में कम से कम चार के बना फटाफट से कौन सी फिगर है जो सबसे अलग है सर सर्कल सर्कल स्टार हैज एंटी क्लॉक वाइज सर्कल स्टार हैज एंटी है सर्कल स्टार हैज एंटी है यहां पर सर्कल स्टार हैज एंटी क्लॉक नहीं है सर्कल स्टार एंटी क्लॉक नहीं है बाकी सभी में सर्कल स्टार है सर्कल स्टार एंटी है पास पास वाली वाली पिक्चर pass, दूर वाली पिक्चर दूर दूर पहले डी की इमेज बनेगी फिर ई e की इमेज बनेगी बेटा डी ऐसे थोड़ी दिखता है मिरर में ये डी थोड़ी है डी दिखेगा हाँ बिल्कुल बी की तरह ये डी थोड़ी है पास वाली पिक्चर पास दूर वाली पिक्चर दूर ऑप्शन को एलिमिनेट करो जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ पेपर पहले पेपर को ऐसे खोलोगे पहले पेपर को ऐसे खोलोगे ऐसे खोलोगे तो ये त्रिभुज बनेगा कैसे बनेगा त्रिभुज है इस त्रिभुज की इमेज बना दो ये त्रिभुज दिखेगा कुछ इस तरीके से है ना ये इसकी परफेक्ट इमेज बनेगी और ये सर्कल नजदीक है तो नजदीक ही बनाई देगा तो ऑप्शन ये वाला फिगर बच गया बच गया बिल्कुल ऐसी बनेगी सब ये वाला भी बच गया ये वाला भी बच गया ये वाला भी बच गया ये गलत हो गया ऑप्शन डी तो हमने एक बार पेपर खोल दिया एक बार पेपर खोल दिया एक बार पेपर खोल दिया एक बार पेपर खोलते ही इसकी इमेज यहां बन गई अब हम क्या करेंगे अब हम दोबारा पेपर खोलेंगे इस एक्सिस के अराउंड और जब, के जब मैं इस एक्सिस के अराउंड पेपर खोलूंगा समझ रहे हो जब मैं इस एक्सिस के अराउंड पेपर खोलूंगा बेटा मैं इतनी धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं और एक ही सेंटेंस को चार बार बोलता हूं इतनी देर में आप अपना सोल्यूशन अपने दिमाग में ले आया करो समझ रहे हो तो जब मैं ये एक्सिस के अराउंड खोलूंगा तो इनकी इमेजेस बन जाएंगी यहाँ बता दो कौन सी इमेज बनेंगी क्या ये इमेज सही बनी है गलत जवाब क्या ये इमेज सही बनी है गलत जवाब अबे सारी सही है सही है सही है ये तो सही है इसकी इमेज यही बनेगी हाँ दो ऑप्शन बच गए हमारे पास ये गड़बड़ हो गया ये गड़बड़ हो गया ये, ये इमेज गलत है बाकी ये सब सही है ऑप्शन ए ऑप्शन ए द राइट आंसर ऑप्शन इज द राइट आंसर हाँ जी ये जो सर्कल है ना ये चारों सर्कल ऐसे दिखाई देंगे बिल्कुल परफेक्ट चारों सर्कल की शेप दे सकते हो अगर आपको त्रिभुज की शेप समझ नहीं आ रही तो आप सर्कल की शेप दे सकते हो सर्कल की शेप से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो मिनट की सुई कितने डिग्री चलती है उसी समय में जितने देर में सेकंड की सुई 480 डिग्री चलती है बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ बेटा फटाख से हम्म जितनी देर में सेकंड की सुई 480 डिग्री चलती है सेकंड की सुई को 480 डिग्री चलने में कितना समय लगता है सेकंड की सुई 360 डिग्री चलती है एक मिनट में सेकंड की सुई 360 डिग्री चलती है एक मिनट में तो सेकंड की सुई 480 डिग्री कितनी देर में चलेगी एक बटा तीन सौ आठ गुना चार सौ अस्सी बारह चौक अड़तालीस बारह या छत्तीस तो सेकेंड की सुई चार बटे तीन मिनट में चलती है चार सौ अस्सी डिग्री सेकेंड की सुई को चार सौ अस्सी डिग्री चलने में चार बटे तीन मिनट लगा अच्छा मिनट की जो सुई होती है एक मिनट में छह डिग्री चलती है जितने मिनट होते हैं उसका छे गुना चलती है तो चार बटे तीन मिनट में कितने डिग्री चलेगी मिनट की सुई जितने मिनट होंगे उसका छह गुना चलेगी तीन दूनी छ तीन दूनी छ तो चौक आठ चली साहब नेक्स्ट किसी भाषा में किसी भाषा में बहुत देर बाद आया कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है ना एफ वी टी यू जी सॉल्व करो बेटा उन्नीस नौ सात आठ बीस क्या ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर बेस्ड है? है क्या ये पोजीशन पैटर्न है नहीं सर क्या ये अपोजिट लेटर का पैटर्न है नहीं सर क्या ये कॉमन कोडिंग है नहीं सर तो फिर पक्का प्लस माइनस है अब प्लस माइनस के तीन तरीके हैं फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस चलो बताओ क्या लॉजिक है लॉजिक बताना ऑप्शन मत बताना जल्दी से लॉजिक बताओ बेटा फटाफट से क्रॉस पैटर्न नहीं है लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में समझ आ गया लॉजिक तो मेरे दोस्त मेरे भाई प्लस वन माइनस वन अभी क्या कह रहे हो तुम क्रॉस का लॉजिक वन, वन कहाजिक नहीं है देखो नौ से बना बाईस नौ और तेरह बाईस सात से बना बीस सात और तेरह बीस आठ से बना इक्कीस आठ और तेरह इक्कीस बीस से बना बीस और तेरह कितना होता है बीस और तेरह होता है तेतीस तेतीस का मतलब छब्बीस से सात ज्यादा छब्बीस से सात ज्यादा उन्नीस और तेरह कितना होता है तेतीस उन्नीस और तेरह होता है बत्तीस उन्नीस और तेरह बत्तीस बत्तीस का मतलब छब्बीस से छह ज्यादा तो छठा अक्षर है तो फॉरवर्ड पैटर्न और प्लस थर्टीन का लॉजिक है तेरह जोड़ते चले जाओ बाबू अठारह और तेरह कितना होता है अठारह और तीन इक्कीस और दस इकतीस इकत्तीस का मतलब छब्बीस से कितना ज्यादा पांच छब्बीस से कितना ज्यादा पांच हमारा ऑप्शन ई e से स्टार्ट होगा और बेटा ई e से कौन सा ऑप्शन है ई e से सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन है बात खत्म तो फॉरवर्ड पैटर्न में प्लस करना है और आप जानते होंगे कि छत्तीस से छबीस से ज्यादा कैसे जोड़ा जाता है और नेगेटिव वैल्यू कैसे निकाली जाती है कोडिंग डिकोडिंग में समझ रहे हो आप लोग जानते हैं कि हम उन्नीस में तेरह जोड़ के उन्नीस में तेरह जोड़ के बत्तीस बनना चाहिए तो बेटा बत्तीस ये एफ कैसे है क्योंकि ये छब्बीस से छ ज्यादा है है ना ये छब्बीस से कितना ज्यादा है छे तो ये छठा अक्षर हो गया बीस और तेरह तेतीस होता है तेतीस बेटा सात कैसे है क्योंकि छब्बीस से कितना ज्यादा है सात तो ये सातवां अक्षर हो गया चलिए साहब ओहो पेयर फॉर्मेशन पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है यहां तो पेयर बनाने पड़ेंगे आपको फटाफट से पेयर बना दो टी का पेयर किसी भी लेटर से नहीं बन सकता क्योंकि सारे लेटर टी से छोटे हैं पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनता है बनाओ बेटा पेयर बनाओ जल्दी से तुम पेयर बनाओ फटाफट से जी बन गए पेयर देखो ई e का पेयर बनाओ ई e के बाद क्या आना चाहिए ई e के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं बनेगा सी के बाद आना चाहिए डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बनेगा एच आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बनेगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू एन का पेयर उससे बनेगा सी डी ई एफ जी एच आर एस टी है ना ए बी सी डी नहीं बनेगा आई नहीं सिर्फ और सिर्फ दो पेयर बनेंगे जब हम लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे दो पेयर बनेंगे लेकिन हमें पीछे से भी काउंट करना है सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस बच गया टी का पेयर तो किसी से नहीं बन सकता सारे टी से छोटे लेटर हैं ए बी सी डी एफ जी एच आई ए का सी से बन गया आर एस टी बस आगे नहीं बनेगा ओ पी क्यू आर एस टी ओ का पेयर टी से बन गया बाकी तो कोई पेयर बनता दिख नहीं रहा कितने पेयर बन गए <coughs> चार पेयर बनेंगे चार हाँ जी बनाओ इस क्वेश्चन को बेटा टोटल कितने लेटर हैं एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सोलह लेटर है तो बेटा बल्ले बल्ले क्योंकि सोलह लेटर में चार चार लेटर की ग्रुपिंग होती है सोलह लेटर में चार चार लेटर की ग्रुपिंग होती है क्या सारे ग्रुप सेम है सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है पहला लेटर आ रहा है पहला लेटर आ लास्ट में ऐसे लास्ट में ग्रुप बन गया आर 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 टी 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 यू 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 एस एस आरटीयूएस 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 आंसर आ गया आर एस यू आर टी एस आर एस यू आर टी एस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से हम्म जल्दी से बना बेटा <coughs> यदि उपरोक्त वर्णों को दो बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाए A से एम, A से एम और एन से जेड तो बाद के आधे हिस्से में कौन सा अक्षर जे अक्षर के अनुरूप है अच्छा जी A से एम और एन से जेड ये पता क्या कह रहे हैं बाद के आधे हिस्से में कौन सा अक्षर जे अक्षर के अनुरूप है जैसे पहले हाफ में जे अक्षर आता है दसवा स्थान पर तो दूसरे हाफ में बेटा दसवें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा एन से दसवां अक्षर कौन सा होगा ए से हम होंगे तेरह तेरह और दस होगा तेईस तो तेईसवा अक्षर क्या होता है तेईसवा अक्षर होता है डब्ल्यू अक्षर क्या होता है तेईसवा अक्षर डब्ल्यू अबे एक्स नहीं होगा एक्स कहां से आंसर दे रहे हो तुम जैसे फर्स्ट हाफ में लेटर जे होता है वैसे ही सेकेंड हाफ में क्या होता है डब्ल्यू होगा ना क्योंकि सेकेंड हाफ का दसवा लेटर चाहिए तो बेटा ए से एम दस ए से हम तेरह तेरह और दस तेईस तो एक्चुअल में तेईसवा अक्षर है डब्ल्यू चलिए साहब फाइंड द वन आउट लाइक एंड शेयर कम नहीं होने बता रहा हूं दो सौ क्वेश्चन है चार के लाइक like बने रहने चाहिए दो सौ क्वेश्चन तक समझ रहे हो है ना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी तो इतना काम कर ही सकते हैं हमारे लिए क्यों भाई क्योंकि आप ही हमारी एनर्जी हो <laughs> बताओ ऑड वन आउट इनमें से एक और छांटो बेटा दो खाली एक भरा दो खाली एक भरा दो खाली एक भरा लेकिन ये दो भरा एक दो भरा एक अरे गड़बड़ हो गई अब क्या दिक्कत है अब कैसे और छाटे चार हुँ? क्या लॉजिक लगाएं क्या लॉजिक लगाएं इस क्वेश्चन में अंदर एक भरा दो खाली एक भरा एक मतलब एक खाली एक खाली एक भरा क्या लॉजिक लगाए भाई सब कोई लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में लॉजिक बताओ मुझे लॉजिक सेंटर का गोला सेंटर का गोला क्या है सेंटर में गोला <स्थारी> सेंटर में एक गोला है 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 यहां सेंटर में दो दो गोले हैं सेंटर में दो दो गोले हैं बहुत बढ़िया ये आकृति कहा छिपी हुई है फिगर को देखते ही पता चल गया होगा तो मैं कहा छिपी हुई है ये आकृति तुम्हें तो फिगर को देखते ही समझ आ गया होगा ये आकृति कहा छिपी हुई है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी फिगर को देखते ही समझ गए होंगे ये आकृति कहा छिपी हुई है बताओ अगर इसका, इसका रिलेशन इससे है कितने डिग्री मैंने इसको घुमा दिया मैंने इसको कितने डिग्री घुमा दिया मैंने इसको घुमा दिया सिर्फ अगर मैं इस वाले एरो की बात करूं तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज है इसको मैंने घुमा दिया 45 डिग्री क्लॉकवाइज लाइक दिस तो इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो बिल्कुल ये गलत बना हुआ है 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 सारे ऑप्शन गलत हो गए तो हमने जो लॉजिक लगाया वो बिल्कुल गलत लगाया एकदम गलत लॉजिक क्योंकि इस लॉजिक से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो अच्छा गलत लॉजिक इसलिए लगाया क्योंकि हमने इसको नहीं घुमाना था ये बेटा ये एरो घुमा है इसको घुमाया है 45 डिग्री एंटी क्लॉक इस चीज को है ना इसको देखो इसको कहां घुमाया है 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाया है 45 डिग्री एंटी क्लॉक सिर्फ हाफ को पीछे का नहीं घुमाया फिर इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाकर तो इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा दो लाइक दिस बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब ये गलत और ये गलत है ना और इसके पीछे ये जो है ना इसको नहीं जोड़ना है इसको जोड़ देना है इसको लाइक दिस तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सी 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 नहीं बेटा, सी नहीं सी नहीं बेटा ऑप्शन ऑप्शन डी डी क्योंकि इसको जब घुमाओगे तो इसके पीछे ये, ये 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 चेंज हो जाएंगे स्वैप ये सर्कल ये आ जाएगा स्क्वायर के नीचे स्क्वायर के नीचे सर्कल आ जाएगा ठीक है जी चलिए साहब सीरीज पैटर्न को फॉलो करना है पहले बेटा एक बिंदु है फिर दो है फिर तीन है फिर चार है फिर पांच है तो आप छह आ जाएंगे गलत जवाब छ छ अब इन छह में से कौन सा सही होगा पहले बेटा इस कॉर्नर पर है फिर यहां से यहां फिर यहां से यहां फिर यहां से यहां फिर यहां से यहां अब यहां से यहां पहुंचेंगे यहां पर होने चाहिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलिए साहब सेलेक्ट फिगर बताओ इनमें से एक और फिगर छांटनी है जल्दी से छांटो और फिगर हाँ जी इनमें से एक और फिगर छांटनी है जो इनमें से सबसे अलग हो कौन सी फिगर है सबसे अलग हाँ? फिगर छांटो लाइव कम हो रहे हैं भाई साहब तुम्हारे अभी तो दूसरा पड़ाव है बेटा चार पड़ाव पार करने पूरे 200 क्वेश्चन खत्म करने है तुम्हें इतनी जल्दी हार मत मानो बेटा ये तीनों ही तीनों फिगर में से दो फिगर एक जैसी है एक अलग है ये दो एक जैसी है एक अलग है ये तीनों ही अलग है ये तीनों ही अलग है ये दो एक जैसी है और ये दो एक जैसी है मतलब ये एक ऐसी फिगर है कौन सी फिगर है ये ये एक ऐसी फिगर है जहां तीनों ही फिगर अलग है बाकी हर फिगर में दो एक जैसी है चलिए एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा बताओ बेटा क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इन लेटर्स का जब यूज करेंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा बताओ वो मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा जल्दी से बताओ मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा भाई साहब मीनिंगफुल वर्ड होगा प्रैक्टिस क्या होगा मीनिंगफुल वर्ड प्रैक्टिस पी फो पी की वैल्यू फोर है आर की वैल्यू क्या है आर की वैल्यू सिक्स है फोर सिक्स फोर सिक्स से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन डी करेक्ट है अगले क्वेश्चन पे आ जाओ हाँ जी द यूज ऑफ क्लोरो फ्लोरो फ्लोरो कार्बन इज बैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बैन हो चुका है हैं जो बैन हो चुका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग आजकल पूरी दुनिया में प्रतिबंधित है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है है ना दूसरा कि ये रसायन त्वचा के कैंसर का कारण बनते हैं बेटा त्वचा के त्वचा का कैंसर का कारण नहीं बनता स्किन कैंसर का कारण नहीं है ये तो हमारी ओजोन लेयर को खत्म कर देता है ये तो ओजोन लेयर को खत्म करता है तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन है क्या हमें बताना है किसको 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 रिप्रेजेंट करना है वर्ड कहां है भाई साहब किस वर्ड को रिप्रेजेंट करना है किसके ऑप्शन दे रखे ट्रू 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 यह बताओ ट्रू को कैसे रिप्रेजेंट करोगे हाँ जी ट्रू की कोटिंग क्या होगी इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो इंडिविजुअल ऑप्शन को अगर ऑप्शन ए सही है तो जीरो थ्री बेटा ई के लिए होना चाहिए जीरो थ्री जीरो थ्री बेटा किसके लिए है टी के लिए गलत जवाब टू जीरो टू यहाँ जीरो यहां, टू जीरो ई को रिप्रेजेंट करेगा सही जवाब एट्टी सेवन यू के लिए होना चाहिए एट या सेवन या एट्टी सेवन यू के लिए है नाइनटी फाइव नाइन या फाइव या नाइनटी फाइव आर के लिए है अच्छा थर्टी तो तीन या जीरो या थर्टी टी के लिए है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हाँ जी जैसे जैसे पेपर खोलते जाएगा वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाए जैसे जैसे पेपर को खोलते जाए वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाए बेटा ये हाफ कट है जैसे मैं एक बार पेपर को खोलूंगा जैसे मैं एक बार पेपर को खोलूंगा तो ये जो हाफ कट है ये फुल कट में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही एक बार पेपर ओपन होगा तो बेटा हाफ कट फुल कट में कन्वर्ट हो जाएगा तो मुझे पूरा गोला दिखाई देगा और फिर जब दोबारा पेपर खुलेगा जब दोबारा पेपर खुलेगा तो ये पूरा गोला यहां भी दिखाई देगा तो दो गोले दिखाई देंगे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी की तरह हाँ जी पहला कंक्लूजन है सभी हाउस फ्लैट है सभी हाउस बेटा पहली बात तो ऑल हाउस कभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि सम हाउस है यहाँ पे हाउस की वैल्यू क्या है पचास तो पचास ही रहेगी सौ तो कभी हो ही नहीं सकती तो पहला कंक्लूजन गलत नो फ्लैट इज हाउस हाउस की वैल्यू सौ बना दी फिर नेगेटिव में तो फिर ये भी गलत हो गया तो दोनों ही गलत हो गए क्योंकि हाउस की वैल्यू ऊपर क्या है पचास तो नीचे पचास ही रहेगी सौ नहीं हो सकते चलिए साहब पहले फिगर का दूसरे से रिलेशन है तो वही रिलेशन तीसरी का चौथी से हमें बनाना है बताइए जो रिलेशन पहली का दूसरी से है वही तीसरी का चौथी से रिलेशन क्या होगा जल्दी से बताइए फटाफट से बताइए हाँ जी पहली का दूसरी से रिलेशन है और बेटा अगर आपके सौ क्वेश्चन में बेटा तीन के वॉचिंग से कम हुई तो हम अपनी क्लास डिसकंटिन्यू कर देंगे सौ क्वेश्चन पे फिर वो सौ क्वेश्चन हम कल पढ़ाएंगे समझ रहे हो अरे कहते डिसकंटिन्यू करते तुमने तो बहुत पिटोगे तुम सारे <coughs> बनाओ बेटा जल्दी से बताओ कोई एक सिंबल पकड़ लो जैसे कि दिल को उठा के यहां रख दिया तो तुम इसको फैन को उठा के यहां रख दो फैन को उठा के यहां रख दो बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो हा चलिए नेक्स्ट 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 अगर हम नेक्स्ट चले तो डी तो, 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 डी उठा के बेटा यहां चला गया तो ये ए उठा के इस कॉर्नर में पहुंचा दो इस कॉर्नर में ए को पहुंचा दो ये भी गलत जवाब तो जो बचा वो आंसर यहां पे ना सिंबल्स की रोटेशन चेक कर लो कि कौन किससे रिलेटेड है कौन किससे रिलेटेड है इनमें से क्या छाटना है सेलेक्ट ऑड ऑड फिगर फिगर बेटा देख लो इसी, देख लो, के इसी का बेस गड़बड़ है बेटा इसका बेस गड़बड़ है बाकी सबका बेस एकदम परफेक्ट है इसका बेस गड़बड़ है बाकी सबका बेस एकदम पूरा पूरा है तो यही फिगर सबसे अलग होगी कंप्लीट द फिगर अगर इस फिगर को कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे हम बाबू कंप्लीट हाँ जी कैसे करेंगे सर ये लाइन बढ़ा दो ये लाइन यहाँ से बढ़ा दो तो ये यहाँ कट आना चाहिए यहाँ पॉइंट रोटेशन अलाउ नहीं होती है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे नहीं आ रहा यहाँ पे नहीं आ रहा यहाँ पे रोटेशन अलाउ तो करते नहीं है है ना हाँ जी ये किसके अंदर है किसके अंदर छिपी हुई है फिगर अरे सर ये तो यहां से छांट लेते हैं हम फस गए ना 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 ना, ना। यहाँ ये गोला नहीं बन पाएगा ये जो बननी चाहिए ना शेप ये वाली ये नहीं बन पा रही यहाँ और कोई कुछ ऊपर त्रिभुज त्रिभुज के नीचे एक गोला ये रहा ये रहा मेरे भाई त्रिभुज फिर ये सर्किल और फिर ये हाँ जी त्रिभुज के साथ ये जाएगी ऑप्शन डी के साथ हाँ जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओगे समझ रहे हो पेपर को पहले एक बार खोलोगे फिर पेपर को दो बार खोलोगे पहले पेपर को एक बार खोलो फिर पेपर को दो बार खोलो बताओ जल्दी से तो जैसे ही पेपर को हम एक बार खोलेंगे इसकी परफेक्ट इमेज यहां बनेगी अब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो फटाफट से ऑप्शंस तो को एलिमिनेट करो ये इसकी इमेज बनी हुई है परफेक्ट सब बिल्कुल परफेक्ट इमेज बनी हुई है ये इसकी परफेक्ट इमेज बनी हुई है ये इसकी परफेक्ट इमेज बनी हुई है ये सारी परफेक्ट इमेज बनी हुई है ये तो सारी सही है अब जैसे ही पेपर को ऊपर खोलोगे तो नीचे वाले की इमेज ऊपर बनेगी नीचे वाले की इमेज ऊपर बनेगी और ऊपर ये वाली जो इमेज है ये गलत बनी हुई है देखो ये इसकी इमेज गलत है है ना? और और ये इमेज गलत बनी हुई है ठीक है ये इमेज गलत बनी हुई है ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देखो इसकी इमेज ये बनी परफेक्ट और फिर इन दोनों की इमेज ऊपर बनेगी इन दोनों की इमेज ऊपर बनेगी ये इसकी इमेज है ये इसकी इमेज इमेज है वाटर पेपर कटिंग फोल्डिंग का जो क्वेश्चन होता है ना वो पेपर वाटर एंड मिरर इमेज चैप्टर को भी रिवाइज करवा देता है वाटर एंड मिरर इमेज को भी रिवाइज करवा देता है फटा फटाफट से लॉजिक आइडेंटिफाई करो क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो हाँ जी जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो क्या लॉजिक है सर पांच तीन नौ का यूज करके तीन सौ पैतालीस कैसे बनेगा सर हमें एक चीज समझ आ रही है नौ पंजे पैतालीस नौ पंजे पैंतालीस तीन सौ पैतालीस है दस छिके साठ चार सौ साठ ग्यारह सत्ते सतहत्तर पांच सौ सतहत्तर अरे पांच सौ सतहत्तर है ना बन गया भैया नौ पंजे पैतालीस तीन सौ पैतालीस चार सौ साठ और पांच सौ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है या नहीं है विच कैन और कैन नॉट बी फॉर्म अच्छा यानी कि हमें वो वो वर्ड छांटना है जो बाकी तीन से अलग हो तो कहने का मतलब यह है इनमें से तीन ऐसे वर्ड होंगे जो बनाए जा सकने वाले होंगे और इनमें से तीन ऐसे वर्ड होंगे जो ना बनाए जा सकने वाले होंगे तो हमें वो छाटना है जो बिल्कुल डिफरेंट होगा है ना हमें बिल्कुल डिफरेंट वाला वर्ड छाटना है कौन सा वर्ड है जो डिफरेंट है कंसन बन सकता है सीओ एन सी आर एन बन सकता है नेशन बन सकता है एन एच सी आई एन बन सकता है ट्रेन बन सकता है थी आर एन बन सकता है सेंटर बन सकता है आ, सेंटर के लिए सर हमें दो बार ई का प्रयोग चाहिए लेकिन ऊपर हमारे पास सिर्फ एक ही बार ई है तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम इनमें से सबसे जो अलग होगा वो ऑप्शन चूज करेंगे एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते देखो स्टेटमेंट किसने कहा है महिला ने कहा है तो आप सभी को महिला बनना पड़ेगा क्या बोला है उसके भाई के पिता यानी कि जो पुरुष है है ना पुरुष है उसके भाई इसके भाई इसके भाई के पिताजी है ना क्वेश्चन में क्या बोला है उसके भाई के पिता उसके भाई के पिता मेरे मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं अच्छा मेरे दादा के इकलौते पुत्र आप अगर एक महिला हो आप अगर एक महिला हो तो आपके दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे आपके पिताजी अगर आप एक महिला हो या फिर आप एक लड़के भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके दादा के इकलौते पुत्र आपके पिताजी होंगे तो पुरुष के भाई के पिता इसको इसको महिला इसको जो महिला है अपने पिता बता रही है अपने पिता बता रही है तो महिला यहां कहीं होगी है ना उसके भाई की जो पिताजी हैं वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं तो तस्वीर में महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है महिला पुरुष की कौन हो गई महिला पुरुष की बहन हो गई महिला पुरुष की कौन हो गई बेटी अबे बेटी बेटी कहां से तुम बता रहे हो महिला पुरुष की बहन होगी भाई ऑप्शन ए एक तस्वीर में इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी इसके दादाजी है ना इसके पिता के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं किसके उस पुरुष के भाई के पिता तो महिला पुरुष की कौन है महिला पुरुष की बहन ही तो होगी भाई बेटी कहां से होगी बहन होगी बहन आप इस क्वेश्चन को अपने और अपने भाई के ऊपर अप्लाई करके कर कर देखो आप इस क्वेश्चन को अपने और अपने भाई के ऊपर अप्लाई करके कर कर देखो बराबर क्वेश्चन को फटाफट से जल्दी से हाँ जी मनाओ फटाफट सटा सट निपुण को याद है कि इशिता का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर के बाद यानी कि 11 है ना 11 12 18 दिसंबर से पहले यानी कि 11 से 17 कभी भी हो सकता है जबकि करुणा को याद है कि इशिता का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद लेकिन 12 दिसंबर से पहले 12 दिसंबर से पहले यानी कि 11 फिर दस डॉट 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 तो इन दोनों की जो कॉमन डेट होंगी उस दिन उसका बर्थडे होगा कॉमन डेट क्या है ग्यारह तो ग्यारह दिसंबर को बर्थडे है चलिए यह क्वेश्चन आपके सामने है एक घनाव जिसकी विमाई चार गुना तीन गुणा तीन है डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट किए जाते हैं <coughs> अब घनाफ को एक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है एक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है बेटा ये एन वन की वैल्यू ये एन टू की वैल्यू ये एन थ्री की वैल्यू एन वन एन टू एन थ्री पूछा गया है कोई रंग नहीं लगा होगा रंगहीन घनों की संख्या पूछी है कलरलेस क्यूब की वैल्यू होती है एन माइनस टू का होल क्यूब लेकिन क्यूबॉइड के केस में ये वैल्यू फॉर्मूला क्या बन जाता है एन वन माइनस टू इंटू एन टू माइनस टू इंटू एन थ्री माइनस टू एन वन की वैल्यू क्या लगा देंगे बेटा चार माइनस दो तीन तीन माइनस माइनस दो दो और 3 -2. तो फॉर्मला गया बन गया दो गुणा एक गुणा एक दो गुणा एक दो गुणा एक, एक यानी कि दो दो होंगे कलरलेस क्यूब रंगहीन घन कितने होंगे दो बेटा एन माइनस टू का होल क्यूब होता है रंगहीन घनों की संख्या एन वन माइनस टू इंटू एन टू माइनस टू टू एन थ्री माइनस टू एन वन की वैल्यू है चार एक चार, तो चार माइनस का तो दो होगा दो गुना एक गुणा एक दो होगा दो होगा एक आंसर कैसे दे रहे हो तुम रंगहीन घनों की संख्या यहां पर कितनी होगी दो होगी चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट काउंट करते रहना तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत बनाओ जल्दी से बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट से ये एंड पॉइंट देख लो एंड पॉइंट यहां पर था फिर एंड पॉइंट यहां पर आ गया फिर एंड पॉइंट यहां पर आ गया और फिर एंड पॉइंट यहां पर आ गया अब कहा जाएगा पहले हाफ शिफ्ट हुआ फिर वन शिफ्ट हुआ फिर वन एंड हाफ शिफ्ट हुआ देखो पहले हाफ शिफ्ट हुआ फिर यहां से यहां पहुंचा सीधा वन हो गया फिर वन एंड हाफ यहां से यहां आ गया सीधा अब होगा टू यानी कि हाफ वन हाफ यानी कि ये आएगा एंड पॉइंट यहां से शुरुआत होगी यहां से शुरुआत होगी गलत यहां से शुरुआत होगी गलत यहां से शुरुआत होगी गलत यहां से शुरुआत होगी बिल्कुल सही जवाब एंड पॉइंट को देख लिया करो इस क्वेश्चन में तो एंड पॉइंट से हम अपना क्वेश्चन बना सकते हैं शिफ्टिंग कैसे हो रही है ये यह यहां से यहां शिफ्ट हो गया यहां से यहां शिफ्ट इस तरीके से ठीक है चलिए पास वाली पिक्चर पास दूर वाली पिक्चर दूर आई की इमेज आई बनेगी आई से शुरू होगा एच एच भाई साहब एच जी बिल्कुल सही एच की इमेज गलत और 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 I, H, G, हाँ, e, e, ये सॉरी है 9, 9, 8, 5, T, B, और सॉरी डी की इमेज बी और फिर ई e. अरे बिल्कुल सही यार पहला ही ऑप्शन सही है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सारे सही है सारे बेटा यहां पर ये गड़बड़ कर दी ये नौ की इमेज गलत बना दी नौ की इमेज गलत बना दी भाई नौ ऐसे बना हुआ है नौ ऐसे बनाई देगा ठीक है नौ की इमेज गलत बना दी बताओ चयन समिति के एक अध्यक्ष दस मिनट से साढ़े बारह बजे साक्षरता आयोजित करने के कक्ष में पहुंचे वह बोर्ड के अन्य सदस्यों की तुलना में बीस मिनट पहले थे दस मिनट से साढ़े बारह बजे का मतलब समझते हो बारह बज के पच्चीस मिनट पर बारह बज के पच्चीस मिनट पर द चेयरमैन ऑफ द सेक्शन कमेटी अराइव एट द इंटरव्यू रूम फॉर द कंडक्टिंग एन इंटरव्यू एट मिनट्स टू एटी यानी कि पच्चीस पर सॉरी माइनस दस बारह बीस है ना बारह बीस पर पहुंचा ही वॉज अर्लियर वाई ट्वेंटी मिनट देन द अदर मेंबर वो मिनट पहले था दूसरे मेंबर्स की तुलना में यानी कि दूसरे मेंबर आएंगे इसके बीस मिनट बाद यानी कि बारह चालीस पर दूसरे मेंबर इसके बीस मिनट बाद आएंगे बारह बीस पर पहुंचा है दूसरे मेंबर इसके बीस मिनट बाद आएंगे यानी कि पर है ना हाँ जी जो तीस मिनट देर से पहुंचे और यह तीस मिनट देरी से पहुंच रहे हैं, और जो बारह चालीस पर आएंगे वो मिनट देरी से पहुंचे हैं तो सही टाइमिंग क्या होगी इसमें तीस मिनट कम कर दो यानी कि बारह दस बारह दस देखो एक मेंबर बारह तीस से दस मिनट पहले पहुंचे यानी कि बारह बीस पर वो दूसरे से वो दूसरे से 20 मिनट आगे था यानी कि दूसरा पहुंचेगा बारह चालीस पर और जो बारह चालीस पर पहुंचा है वो वो 30 मिनट लेट है तो यानी कि इसमें से माइनस तीस कर दो तो निर्धारित टाइम कितना आ जाएगा बारह दस आ जाएगा ठीक है बारह दस बारह चालीस कहां से आ जाएगा भाई चलिए नेक्स्ट अंगूठी ढूंढने की उम्र में एग्जाम सेंटर ढूंढ रहा हूं हाँ किसकी अंगूठी ढूंढनी है तुम्हें बटा? अगर तुम एग्जाम सेंटर नहीं ढूंढोगे ना तो किसी की उंगली तुम्हें मिलने नहीं है वाली अंगूठी पहनाने के लिए समझ रहे हो तो फिर तुम खाओ में अंगूठी पहनाते रहना या फिर उसको अंगूठी पहनाना जो किसी की नहीं हुई है हाजी निम्नलिखित आकृति में से ऐसे कितने त्रिभुज हैं ज्ञात कीजिए बेटे हाँ जी बताओ ऐसे कितने त्रिभुज है यहाँ पर टोटल 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 त्रिभुज काउंट करो वन टू थ्री फोर फोर का डबल एट आठ त्रिभुज है और जैसे ही मैंने ये लाइन खींची तो कितने त्रिभुज और आ गए तीन त्रिभुज और आ गए यानी कि इसी फिगर में नीचे नीचे कितने त्रिभुज हैं ग्यारह त्रिभुज हैं नीचे नीचे कितने त्रिभुज हैं ग्यारह त्रिभुज हैं ग्यारह अच्छा ऊपर देखते हैं ऊपर कितने हैं अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखू ये वाला फिगर देखो इस फिगर में वही ट्रिक लगेगी वन टू थ्री फोर फोर का डबल एट आठ ये एक ये नौ और एक ये आ गया दस तो ऊपर कितने हैं ऊपर दस है ऊपर कितने हो गए ऊपर दस हो गए नीचे हो गए ग्यारह ग्यारह और दस हो गए इक्कीस है ना ऊपर कितने हैं आठ ये एक ये नौ और एक इन दोनों को मिलाकर ये बन गया दस तो ऊपर दस नीचे ग्यारह हो गए आठ इसमें और तीन इससे आ गए ग्यारह और दस इक्कीस <kllä> अब आपको पता है कौन से काउंट करने अब आपको वो त्रिभुज काउंट करने जो इन दोनों फिगर को मिलाकर बने होंगे अब आपको वो त्रिभुज काउंट करने हैं जो इन दोनों फिगर को मिलाकर बने होंगे है ना कुछ ऐसे त्रिभुज जो मन की आंखों से काउंट करने हैं ठीक है एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं जो इन दोनों फिगर को मिलाकर बने हैं मैं लेजर पेन से आपको दिखा दूं देखो एक त्रिभुज तो ये बना दोनों को मिलाकर और एक त्रिभुज ये बना दोनों को मिलाकर दो त्रिभुज ये बन गए और दो के बाद बेटा एक त्रिभुज ये बनेगा दो के बाद एक त्रिभुज ये बनेगा है ना कितने त्रिभुज बन गए तीन त्रिभुज बन गए और जी, हाँ पच्चीस आंसर है इन दोनों को मिलाकर कितने त्रिभुज बनेंगे आठ त्रिभुज यहां पर हैं, ग्यारह यहां पर हैं, मतलब आठ ये आठ ये तीन ये एक ये और एक इन दोनों को आठ और एक नौ और एक दस दस तो ऊपर आ गए और ग्यारह नीचे आ गए ग्यारह और दस इक्कीस हो गए अब इन दोनों को मिलाकर कितने बनेंगे बेटा एक तो ये बनेगा है ना एक ये बनेगा दो और एक ये बनेगा तीन तीन ही बनेंगे क्या इन दोनों को मिलाकर कुछ और भूल रहे क्या हम बड़ा वाला हाँ कौन सा बड़ा वाला रह गया भाई कौन सा बड़ा वाला त्रिभुज भूल रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा एक बड़ा वाला एक भाई सेंटर तिरछा एक लंबा वाला है क्या हो गया हमारी आंखों को है? थक गई ये लगता है काफी देर से एक त्रिभुज तो ये बनेगा दोनों को मिलाकर इन दोनों बॉक्सेस को मिलाकर है ना और उसके अलावा एक ये बन जाएगा तो और एक ये बन जाएगा तीन ये तीन ही तो त्रिभुज निकल कर आ रहे हैं भाई है लेफ्ट से बड़ा वाला तो काउंट कर तो लिया हमने तीन और एक ये चार तो चार अगर काउंट करोगे तो चार अगर बनेंगे तो बेटा इक्कीस थोड़ी तो फिर तो बीस हो गए ना वन टू थ्री फोर एट ये हो गए वन टू थ्री फोर एट ये हो गए एक ये हो गया और तीन ही हो गया आठ और आठ सोलह और तीन उन्नीस और एक बीस फिर तो बीस ही त्रिभुज हुए बीस और चौबीस हुए कौन सा वाला बड़ा वाला रह गया साइड ऊपर वाला अच्छा ओ माय गॉड ओ माय गॉड हाँ जी आखे दर्द कर करके हमारे जी यस 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 हाँ तो कभी कभी एग्जाम में यही हो जाती है फ्रस्ट्रेशन चीजें दिखती नहीं है आठ और आठ सोलह और तीन उन्नीस और एक बीस बेटा बीस तो इंडिविजुअल है बीस के बाद एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं हमारे पास एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है दो त्रिभुज ये एक्स्ट्रा दो तो देखो ये हो गया एक्स्ट्रा और एक तीन ये हो गया एक्स्ट्रा इसी पॉइंट से तीन आ गए इस पॉइंट से कितने आ गए तीन आ गए और एक ये चार और एक ये पांच तो यहां पर पांच त्रिभुज ऐसे हैं जो हमारे एक्स्ट्रा बनेंगे पांच त्रिभुज ऐसे हैं जो हमारे एक्स्ट्रा बनेंगे और बीस और पांच कितने हो गए पच्चीस बीस और पांच पच्चीस हो गए है ना पांच त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा बनेंगे यहां पर पांच इस पॉइंट से तीन बनेंगे एक्स्ट्रा ठीक है जी चलिए साहब अगली फिक्राप कीजिए बेटा जैसे पहली का दूसरे से रिलेशन है तीसरी का किससे रिलेशन होगा जल्दी से कम ऑन तो यहां पर चल गया रहा यहां पे एक दो तीन तीन लाइन को बंद कर दिया तीन लाइन को बंद कर दिया एक दो तीन चार पांच छ चाहिए एक दो तीन चार पांच गलत जवाब एक दो तीन चार गलत जवाब एक दो तीन चार पांच छोटे सही जवाब हेक्सागन बना दो हेक्सागन बना दो भैया जैसे उनचास पच्चीस नौ का रिलेशन है तो कौन सा ऑप्शन चूज करें सात स्क्वायर पांच स्क्वायर तीन स्क्वायर तीन और दो पांच और दो सात तो चार दो दो और दो चार और दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ जी तो माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड है बेटा में पांच का पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा माइनस का अर्थ डिवाइड है चार में दो का पूरा भाग जाएगा पहले इसी ऑप्शन को चेक करो प्लस का अर्थ इंटू है डिवाइड का अर्थ माइनस है इंटू का अर्थ प्लस है तो बेटा ये और ये सॉल्व करो तो बारह गुणा बारह गुना पंद्रह कितना होगा बारह पंजीय साठ बारह गुणा पंद्रह होगा एक सौ अस्सी और ये कहगा चार बटा तो दो और प्लस का चार माइनस दो प्लस का चार एक सौ अस्सी नहीं हो पाएगा गलत जवाब तो माइनस का अर्थ डिवाइड है इन टू का अर्थ प्लस है, है ना और प्लस का अर्थ इन टू है डिवाइड का अर्थ माइनस है और इसको सॉल्व करना बेटा दस बटा पांच दो तीन चौक बारह दो प्लस का बारह दो प्लस का बारह चौदह चौदह माइनस एक तेरह गलत जवाब ये दो ऑप्शन तो गलत हो गया ये हो गए पक्का यही सही है इन टू माइनस और प्लस और डिवाइड तो बेटा ये सॉल्व करना आरछिंग अड़तालीस और पंद्रह बटा तीन पांच अड़तालीस माइनस का दो छियालीस छियालीस प्लस का पांच इक्यावन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हम्म क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन को सॉल्व करो <coughs> जल्दी से क्वेश्चन नंबर 89 नाइन तीन हजार से अगर नीचे लाइफ पहुंचे तो बेटा मैं दो सौ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा हाँ जी फिर आज की सेवा सौ क्वेश्चन पे ही समाप्त कर दी जाएगी फिर अगले सौ क्वेश्चन कल करोगे आप तीन हजार से नीचे लाइफ पहुंचते याद रखना तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर आज ही दो सौ क्वेश्चन तुम्हें करने हैं जी तो तीन हजार से नीचे लाइव नहीं पहुंचने चाहिए अगर आज ही दो सौ क्वेश्चन करने है तो तीन दस उस छियासठ एक सौ सत्ताईस दो सौ अट्ठारह अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यदि पहला ब्रैकेट यदि ब्रैकेट किए गए दोनों शब्द सही हैं, ओके ये कह रहे हैं अगर है ना अगर अगर ब्रैकेट की दोनों संख्याएं सही हैं तो ऑप्शन ए को चूज करो यदि पहला ब्रैकेट सही है दूसरा गलत है तो बी को चूज करो यदि पहला गलत है दूसरा सही है तो सी को चूज करो अगर दोनों ब्रैकेट की संख्याएं गलत है तो ऑप्शन डी को चूज करो अब बताओ कौन सा ऑप्शन हम यहां पे चूज करेंगे जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करें सर पहले तो ये सीरीज बेटा बेसिक सीरीज है ये बेसिक ये बेसिक सीरीज है दीज ऑल आर क्यूब्स वन क्यूब प्लस टू टू क्यू प्लस टू थ्री क्यू प्लस टू फोर क्यूब प्लस टू फाइव क्यू प्लस टू सिक्स क्यू प्लस टू तो सेवन क्यूब प्लस टू आएगा सेवन क्यूब प्लस टू सॉरी 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 फाइव क्यूब प्लस टू बिल्कुल सही है और फोर क्यूब प्लस टू यह भी सही है यहाँ पे दोनों ही ब्रैकेट सही है ऑप्शन ए इज राइट आंसर यहाँ पे दोनों ही ब्रैकेट एकदम सही है ऑप्शन एज का राइट आंसर हाँ जी बताओ इन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है पहले तीन लेटर तो बेटा हर वर्ड में एक जैसे हैं तो चौथे लेटर के हिसाब से कंपेयर करो एस एस टी टी तो पहले ये दोनों आएंगे एस 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 में भी आई और पी में आई छोटा है पी बड़ा है तो पहले तीन आएगा फिर चार आएगा अच्छा पहले चार लेटर दोनों में सेम है तो ई और आई में ई छोटा आई बड़ा तो दो और एक आएगा थ्री फोर टू वन थ्री फोर टू वन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हां जी सात पंद्रह इकतीस सात पंद्रह इकतीस बताओ सात पंद्रह इकतीस कौन सा ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा सात पंद्रह इकतीस ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी जल्दी से बताओ सात पंद्रह इकतीस जो रिलेशन सात दूनी चौदह और एक पंद्रह सात दूनी चौदह एक पंद्रह पंद्रह दस रो ग्यारह नौ दूनी अठारह नहीं 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 तो फिर डिफरेंस से निकाल सकते हैं भैया आठ का डिफरेंस सोलह डिफरेंस डबल हो गया छह का डिफरेंस गलत Uh, क्योंकि यहां पे पंद्रह का डिफरेंस है ये सात का डिफर नहीं आठ का डिफरेंस है और ये सोलह का नहीं ये पंद्रह का डिफरेंस है ये भी गलत हो गया चार का डिफरेंस देख नहीं ये सोलह का डिफरेंस आठ सोलह आठ सोलह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एक आदमी के चित्र को देखते हुए राम ने कहा राम ने कहा एक आदमी के चित्र को देखते हुए क्या कहा आदमी की ओर देखते हुए उसकी मां उस आदमी की जो मम्मी है उसकी जो मां है ये कौन है ये ये कौन है उस आदमी की मां कौन है मेरे पिता के बेटे की पत्नी अच्छा ये बताओ आपका आप एक आदमी हो आपके पिता आपके पिताजी भैया आप एक आदमी हो आपके पिताजी है और आपके पिताजी के बेटे कौन हुए आप खुद हुए या आपका भाई हुआ और उसकी पत्नी या तो आपकी पत्नी हुई या आपकी भाभी हुई अगर आपका कोई भाई बहन नहीं है तो यानी कि वो आपकी पत्नी हुई फिर तो आपके पिता के बेटे आप खुद हुए और उसकी पत्नी आपकी पत्नी हुई तो आप क्या कहना चाह रहे हो उस आदमी की मां को अपनी पत्नी बनाना चाह रहे हो आप किसी आदमी की मां को अपनी पत्नी बनाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब यह है राम किसका चित्र देख रहा है तो आदमी कौन है उसका बेटा हो गया ना तो वो अपने बेटे का चित्र देख रहा है, है ना अपने बेटे का चित्र देख रहा है दी गई आकृति में वर्ग और त्रिभुज की संख्या ज्ञात करो वर्ग की संख्या ज्ञात मत करना हर ऑप्शन में वर्ग की संख्या आठ दी हुई है यह तो बेवकूफ बनाने के लिए उसने लिख दिया कि वर्ग और त्रिभुज की संख्या ज्ञात करो आपको वर्ग की संख्या काउंट करनी ही नहीं है आपको वर्ग की संख्या काउंट करनी ही नहीं है क्योंकि हर ऑप्शन में वर्ग की संख्या समान है सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज की संख्या काउंट करो हम जानते हैं वन टू थ्री फोर फोर का डबल एट इसमें कितने त्रिभुज होंगे आठ त्रिभुज होंगे और अगर मैं देखो इसमें कितने होंगे आठ होंगे और इसके अंदर एक और बना दू तो आठ और एक और होंगे तो आठ और आठ सोलह समझ रहे हो तो ऐसी कितनी फिगर है एक फिगर दो तीन चार पांच छह छह फिगर है एक फिगर में आठ छह अठे अड़तालीस तो आठ अड़तालीस <coughs> आठ अड़तालीस भैया देखो इसके अंदर होंगे आठ और आठ सोलह त्रिभुज सोलह त्रिभुज होंगे आठ इसके अंदर होंगे वन टू थ्री फोर फोर का डबल एट और इसके अंदर हो जाएंगे सोलह आठ बाहर वाले, वाले में और इसके अंदर हो जाएंगे आठ और इसके अंदर हो जाएंगे सोलह समझ रहे हो हाँ जी पास वाली पिक्चर पास दूर वाली पिक्चर दूर पास वाली पिक्चर पास दूर वाली पिक्चर दूर ये गलत ये तो क्या कर दिया ये ऊपर कहां पहुंचा दिया ये कैसे खड़ा कर दिया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर चलिए जैसे जैसे पेपर को खोलेंगे वैसे वैसे, वैसे उसकी इमेज बनाएंगे जैसे जैसे पेपर को खोलेंगे वैसे वैसे उसकी इमेज बनाएंगे पेपर को पहले ऐसे खोलो तो ऊपर ये कट दिखाई देगा इस कॉर्नर में दिखाई देगा जैसी खुलेगा ना ये यहां दिखाई देगा तो ये ये गलत जवाब ये बिल्कुल सही ये टीढ़े कैसे कर दिए इधर इधर आने चाहिए ना गलत जवाब ये इधर क्यों कर दिए ये ऐसे आने चाहिए गलत तो ऑप्शन सी क्योंकि इसके बाद अगर तुम ऐसे खोल दोगे तो ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे हाँ जी ए और एच बेटा ए से एच तक जा रहे हो तो ग्रेटर तुम्हारे रास्ते में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा बहुत बढ़िया W से H अगर W से H जा रहे हो तो बेटा W से H भी ग्रेटर तुम्हारे रास्ते में W की तरफ देखो मुंह खुला हुआ है तो W से H भी ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा R से W R से W जा रहे हो तो लेस देन है बेटा R से W लेस देन है बिल्कुल सही जवाब और M से Y अगर मैं M से Y को देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर भी है और मेरे रास्ते में लेस देन भी है दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए, नो रिलेशन नो रिलेशन तो पहले तीन कंक्लूजन सही है चौथे में नो रिलेशन है हाजी तिरसठ नौ सत्य तिरसठ सत्तू सत्तू उनचास और पांच सत्त्य पैंतीस ओके तीनों सात के फैक्टर है गुणा पांच गुणा सात गुणा गुणानो गुणा पांच गुणा सात गुणा गुणा गुणान गुणा सात और गुणा पांच ऐसी बात है क्या पांच निम पैंतालीस सात निम तिर नौ निम इक्यासी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मधु अपने घर को साफ सुथरा रखना पसंद रखती है मधु जो है अपने घर को साफ सुथरा रखना पसंद रखती है निष्कर्ष है मधु का अगर साफ सुथरा रहेगा मधु जब अपने घर को साफ सुथरा रखना पसंद करती है तो मधु का घर तो साफ सुथरा रहेगा ही मधु अपने घर को अच्छी तरह साफ करती है मधु अपने घर को साफ सुथरा रखना पसंद करती है तो मधु अपने घर को साफ सुथरा रखती है सही बात है और ये तो हमें दिख ही नहीं रहा क्या कहना चाह रहे हैं <coughs> दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए विंडो एसी की कुल संख्या कितनी है विंडो एसी विंडो एसी ये वाले हैं यानी कि ये ये नंबर हमें दिख नहीं रहा है बाई डिफॉल्ट फिगर गलत हो गया इन नंबर्स को तुम्हें जोड़ना है और कुछ नहीं करना विंडो एसी की संख्या बतानी है इन नंबर्स को जोड़ना है और कुछ नहीं करना पेपर में घबरा मत जाना ये क्वेश्चन देखते ही फिगर नहीं रहा इसलिए हम इसको स्किप कर दे रहे हैं और बाय डिफॉल्ट ये ये मान लो कि ये दोनों क्वेश्चन सबके सही है तो भैया पूरे सौ क्वेश्चन हो चुके कंप्लीट अब ये बता दो दो पड़ाव हो गए पूरे है ना हाँ जी पूरे सौ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो पहले पचास क्वेश्चन हमने किए थे उसमें आप लोगों ने देखा था अब अब जो हमने पचास क्वेश्चन किए हैं अब किस किस बच्चे के तीस से चालीस के बीच में सही है जिसके तीस से चालीस के बीच में सही है वो बच्चा तो परफेक्ट है और जिसके चालीस प्लस सही है वो बच्चा सुपर है भैया मेहनत उन बच्चों को करनी है जो तीस से कम सॉल्व कर पाए जिन बच्चों के तीस से कम सही थे इस बार उन बच्चों को रिवीजन करना है उनको प्रैक्टिस की जरूरत है है ना जिनके तीस से चालीस सही है उनको रिवीजन की नहीं उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और जिनके 40 प्लस सही हैं 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 जिनके 40 प्लस सही वो बच्चे तो एकदम परफेक्टम परफेक्टम चल रहे है।, है ना वो तो एकदम परफेक्टम परफेक्टम चल रहा है सुपर है वो तो आ बहुत बढ़िया चलिए तो अगला पड़ाव शुरू करें क्योंकि तीन हजार वाचिंग देखो बढ़ा दी तुमने तेज हो रहे हो तो क्योंकि तीन हजार प्लस लाइव वॉचिंग बनी हुई है इसीलिए हम अगले पड़ाव को शुरू करने जा रहे हैं लेके प्रभु का नाम जय जयसराम चलिए साहब बनाइए फटाक से कौन सा ऑप्शन हम यहां पे अप्लाई कर दें कौन सा ऑप्शन हम यहां पे अप्लाई कर दें कि हमारी इक्वेशन परफेक्ट हो जाए है ना इंटू प्लस इंटू प्लस नौ आठ बहत्तर और छह अठहत्तर है ना अठहत्तर ये वैल्यू कितनी आ गई ऑप्शन बेटा हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा माइनस बारह बटा चार तीन इक्कीस माइनस इक्यासी माइनस का तीन अठहत्तर ऑप्शन ए किस्मत अच्छी थी जब काम शुरू किया जाता है भगवान का नाम लेके तो किस्मत अच्छी होती ही है।, है ना तो किस्मत अच्छी थी हमारी किस्मत अच्छी थी ऑप्शन ए सर राइट आंसर आज रविवार है तो छिहत्तर दिन पहले क्या था सात का भाग दो सात कितने बचे सात भाई सत्तर छह बचा बेटा छिहत्तर दिन पहले क्या था तो पहले का मतलब क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं और माइनस छ को हम प्लस वन भी कर सकते हैं संडे प्लस वन मंडे क्योंकि जो छह दिन पहले था वो एक दिन बाद भी तो आएगा माइनस छह या प्लस वन का मतलब एक ही बात होती है चलिए साहब एक और उन्नीस बीस और ग्यारह बीस और ग्यारह इकतीस लेकिन ये तो बना है पच्चीस कैसे बना है पच्चीस सोचो बाबू <coughs> जल्दी से पटाख से जब तक हम कुछ खा लें थोड़ा सा पानी वानी पी लें ली लॉजिक बताओ लॉजिक थर्टी फोर आंसर दे रहे हो बेटा कैसे आंसर दे रहे हो अपोजिट लेटर के प्लेस का समय लॉजिक पैंतीस भी आंसर बता रहे हो चौबीस और एक पच्चीस हम्म अपोजिट लेटर के प्लेस का सम तो हो ही नहीं सकता वो तो छब्बीस हो जाएगा प्लेस बेटा हाजी तुक का मत लगाओ बाजी मत किया करो सर अपोजिट से हाफ है छब्बीस और आठ कितना होगा छब्बीस और चार तीस चौतीस चौंतीस और सोलह कितना है चौंतीस और सोलह हो गया छब्बीस और आठ चौतीस और सोलह चौतीस सौ सोलह पचास पचास का आधा पच्चीस स्कूल इवनिंग ड्यू आठ और बाईस तीस तीस और सात चौतीस चौतीस का आधा कितना होगा सत्रह बिल्कुल सही कहा आपने अपोजिट लेटर के प्लेस का सम उसका कर दो हाफ अपोजिट लेटर के प्लेस का सम उसका कर दो हाफ, हाफ। छह किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाइर पाँग मुड़ा और देखा क्या देखा कि यहां पे तो रीजनिंग पढ़ाई जा रही है छह किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बायोर मुड़ा और नौ किलोमीटर चला फिर वह बायूर मुड़ा और सत्रह बेटा सत्रह तो बहुत आगे निकल गया हम तो चला भी नहीं पाएंगे तो ना यदि अंत में वह उत्तर दिशा की ओर मुक्कर के खड़ा है तो वह पहले छह किलोमीटर किस दिशा में गया था मेरे भाई अंत में इधर जा रहा है तो पहले इधर गया था अंत में नॉर्थ में जा रहा है तो अब पहले कहाँ गया था पहले साउथ में गया था ठीक उसके विपरीत कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी जीपी का योगफल ज्ञात कीजिए हमें पता है जीपी का योगफल कैसे निकलता है ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर ए क्या है पहला पद है दो बटा तीन दो बटा तीन है ना वन माइनस आर की वैल्यू कितनी होगी आर की वैल्यू होगी दो बटा नौ अपॉन दो बटा तीन दो से दो कट गया तीन ऊपर नौ नीचे ये हो गया एक बटा तीन तो वन बाई थ्री की पावर एन अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन थ्री तीन माइनस एक दो ये दो बटा तीन दो बटा तीन से दो बटा तीन कट जाएगा दो बटा तीन से दो बटा तीन कट जाएगा वन माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन आ जाएगा ठीक है अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से फटाख से जी जल्दी से आंसर दीजिए देखते ही देखते ही देखते ही देखते ही देखते ही बेटा सारे में इक्वल लग रहा है सारे में इक्वल लग रहा है माइनस अरे इंटू कर दोगे तो नहीं होगा चौरासी बेटा सात कितना होगा बारह बारह सत्तर चौरासी और बीस माइनस का बारह कितना होगा बीस माइनस का बारह आठ होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बहुत बढ़िया जल्दी से बेटा लॉन्ग को हमने एनक्यू पी आई में कोड किया तो ईस्ट की कोडिंग क्या होगी बारह और दो चौदह पंद्रह और दो सत्रह चौदह और दो सोलह सात और दो नौ पांच और दो सात एक और दो तीन उन्नीस और दो इक्कीस बीस और दो बाईस जी सी यूवी जी सी जी सी यूवी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलिए साहब आई हाई कोई एक अर्थपूर्ण बताओ क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा जल्दी से बताओ मीनिंगफुल वर्ड अच्छा वो मुझे वर्ड लिख के बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा मीनिंगफुल वर्ड बताओ बेटा इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा कमॉन हाँ जी कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डर्टी डी यू आर डी सर डी बन गया मीनिंगफुल वर्ड डी लेटर फोर है फोर है फोर है आई फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चलिए साहब नेक्स्ट क्या पुलिस को बॉडी कैमरा लगाना चाहिए जल्दी से बताओ पुलिस वालों को बॉडी कैमरा लगाना चाहिए हां जी पुलिस को बॉडी कैमरा लगाना चाहिए यस yes, लगाना चाहिए यस शरीर पर लगाए जाने वाले कैमरे से बेहतर साक्ष्य संग्रह और अधिकारी की बड़ी हुई जवाबदेही सुनिश्चित होती है सही बात है देखो अगर मान लो कैमरे के साथ आजकल आपको पता है कितने क्राइम है मतलब जो कितने रिश्वत खोरी है या मतलब सही गलत ऑन स्पॉट पता चल जाता है कैमरे रिकॉर्डिंग से तो कैमरा बहुत जरूरी होता है कहते नहीं यह पुलिस और जनता के बीच संचार में सुधार नहीं करता वाह भाई वाह कम से कम कम से कम कैमरा लगा है तो चीजें जेनुअन तो होंगी है हाँ जी लीगल तरीके से होंगी कैमरा नहीं होगा तो जो तोड़ाई होगी ना तो <coughs> केवल पहला तर्क ठोस है अगला क्वेश्चन है सभी अक्षर शब्द हैं सभी अक्षर शब्द हैं संख्याओं से संख्या कट गया सभी अक्षर शब्द हैं बिल्कुल सही जवाब सभी शब्द संख्याएं हैं बेटा शब्द की वैल्यू पचास है शब्द की वैल्यू सौ नहीं बन सकती गलत जवाब पहला सही है केवल सम डॉक्टर्स आर मशीन सम डॉक्टर्स आर मशीन बेटा दोनों इंजीनियर की वैल्यू क्या है दोनों इंजीनियर की वैल्यू पचास है यानी कि डॉक्टर मशीन में कोई रिलेशन नहीं है नो डॉक्टर इज मास्टर ठीक है तो मशीन इंजीनियर इंजीनियर को जोड़ ही नहीं सकते मशीन मशीन को तो जोड़ सकते हो सॉरी मैकेनिक मैकेनिक को तो जोड़ सकते हो मैकेनिक मैकेनिक को जोड़ सकते हो इंजीनियर इंजीनियर को नहीं जोड़ सकते इसलिए डॉक्टर और मास्टर में कोई रिलेशन नहीं है डॉक्टर और मैकेनिक में भी कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि इंजीनियर इंजीनियर जुड़ नहीं पा रहा दोनों गलत हो गए पास वाली इमेज पास दूर वाली इमेज दूर और लाइव हो चुके हैं तीन हजार से कम बंद कर देंगे बेटा से कम नहीं होने चाहिए लाइव ऐसा मत करो हम आपके लिए बैठे हैं तो आप भी हमारे लिए बैठे हो गए है ये मेहनत किसके लिए की जा रही है पिछले दो घंटे से लाइव है किसके लिए लाइव है किसका पेपर है कौन वर्दी पहनेगा किसके कंधे पे सितारे लगेंगे है किसके मां बाप का नाम रोशन होगा तुम्हारे या मेरे किसकी है ना किसके घर वालों का सीना चौड़ेगा गर्व से जब तुम सरकारी वर्दी पहन के उनके सामने आओगे तो यू मानो मेरे जिगर के पास वाली पिक्चर पास दूर वाली पिक्चर दूर पहले नौ दिखेगा फिर सात दिखेगा फिर दो दिखेगा फिर आठ दिखेगा फिर तीन ये सारे ही सही कर दिए बस एक छह गलत किया जाके ये गलत जवाब है ना और ये पांच गलत जवाब तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा प्रश्न अरे यार बी दो एफ एम छेरह अठारह तो ये एक्स चौबीस किसका प्लेस है अब तो बेटा जल्दी जल्दी बनाओ क्वेश्चन थोड़ी स्पीड बढ़ाओ है ना बहुत देर होगी तुम्हें एक पुरुष की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा महिला ने क्या कहा उसकी माँ की माँ उसकी मां की मां की इकलौती बेटी मेरी मां है कह रहे हैं उसकी मां पुरुष पुरुष की मां इसकी माता जी हो गई पुरुष की मां की मां पुरुष की मां की मां ठीक है उसकी मां की मां की इकलौती मा मा, मा मा। मा मा, बेटी इसकी इकलौती बेटी ये खुद ही हो गई उसकी मां की मां की इकलौती बेटी ये कौन है मेरी मां महिला इसको अपनी मां बता रही है महिला इसको अपनी मम्मी बता रही है पुरुष की माँ की माँ की इकलौती बेटी मेरी मम्मी है तो इस महिला का इस पुरुष से क्या संबंध है तो महिला पुरुष की कौन है महिला पुरुष की बहन है समझे उल्टा आंसर मत देते ना महिला पुरुष का पिता या भाई है महिला के बारे में पूछ रहा महिला पुरुष की कौन है महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है बहन का है ना हाँ जी वे नरे में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पन्ना और हीरे को दर्शाती है लेकिन रूबी को नहीं पन्ना हीरा रूबी नहीं रूबी 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 ठीक है इसको हटा दो बेटा इसको हटा दो इसको हटा दो बाकी दोनों का जो कॉमन है बाकी दोनों का जो कॉमन है वो छह है बाकी दोनों का जो कॉमन है वो छ है बहुत बढ़िया अगला <coughs> यदि एस्ट्रोनोमर शब्द के बाएं छोर से शुरू होकर प्रत्येक एकांतर अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाए बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाए इस प्रकार बनने वाले नए शब्द को क्रम में लिखा जाए तो बाएं से दूसरे अक्षर के दाई और क्या होगा बेटा बाया और दाया दोनों पोजीशन डिफरेंट है डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं दो और सात नौ नवा अक्षर कहां से होगा बाएं से बाएं से नवा लेकिन बेटा ये सीरीज विपरीत क्रम में लिखी गई है तो यानी कि पीछे से नवा काउंट करना है तुम्हें पीछे से नवा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ यानी कि एस लेटर क्या होगा एस होगा क्योंकि पीछे से नवा काउंट करना है ना इनको अल्फाबेटिकल सीरीज में अरेंज तो नहीं किया गया नहीं नहीं अल्फाबेटिकल सीरीज में अरेंज नहीं, नहीं किया हमारा आया है बेटा लेफ्ट फ्रॉम सेवंथ लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है इसलिए हम राइट एंड से काउंट कर लेंगे चलिए निम्नलिखित शब्द को अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार होगा हो वर्ड कौन सा होगा इन्हीं को, इन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो और बताओ थर्ड वर्ड कौन सा होगा हो बेटा इनमें से पहला कौन सा होगा देखो सी आर सी आर वाले पहले दूसरे होंगे इन दोनों में से कोई एक एक और एक दो होगा तो जो तीसरा वर्ड होगा वो पक्का इन दोनों में से होगा तो सी यू आर सी आर तो है एस और वी में बेटा एस छोटा है वी बड़ा है तो एस आएगा तीसरे स्थान पर वी आएगा चौथे स्थान पर है ना बहुत बढ़िया चलिए साहब तो एम प्लस एन प्लस का मतलब क्या ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिताजी हैं तो एम किसके पिताजी हैं एम किसके पिताजी हैं एम एन के पिताजी हैं एन माइनस ओ माइनस का मतलब ए बी की माता जी है तो एन किसकी माता जी है ओ की माता जी है ओ इन क्यू इन का मतलब है ए बी की बहन है तो ओ किसकी बहन जी है ओ क्यू की बहन जी है देन इफ क्यू इज अ मेल इफ क्यू इज अ मेल देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एन बेटा अगर क्यू मेल है तो क्यू कौन है एन का क्यू एन का बेटा हो गया पुत्र हो गया पुत्र क्यू एन का पुत्र हो गया चलिए साफ श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई की ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना क्या करना है स्टेप बना लो भाई साहब कर दो शेयर बता रहा हूं तुम्हें तीन तुम 45 से शुरुआत करे तो तुमने फोर पॉइंट फाइव के से और घटते घटते बेटा टू पॉइंट सेवन तक पहुंच गए तुम। गलत बात ऐसे नहीं करो भाई कितना आ गया सत्ताईस का डिफरेंस है उनतालीस का डिफरेंस है सत्ताईस का डिफरेंस है उनतालीस का डिफरेंस है, का डिफरेंस होगा तो बेटा पहले सत्ताइस चौबीस पूरा नंबर जोड़ने की जरूरत नहीं है पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है तेरह चौदह चौदह सोलह सत्रह सत्रह उन्नीस अबे तो ये वो हो सकती है अल्टरनेट सीरीज तेरह चौदह सत्रह उन्नीस वॉट तेरह और एक चौदाह चौ और तीन सत्रह सत्रह उन्नीस गलत जवाब अल्टरनेट सीरीज नहीं है है ना तो बताओ पहले एक जोड़ा फिर दो जोड़ा फिर एक जोड़ा फिर जीरो जोड़ा ये कर क्या रहे हैं? पहले एक जोड़ रहे हैं, फिर जीरो फिर दो फिर एक फिर जीरो फिर दोके वन जीरो टू वन जीरो टू का सीन है पहले वन जीरो टू वन जीरो टू फिर क्या आएगा वन आ जाएगा वन जीरो उन्नीस और बीस आ जाएगा हाँ जी कौन सा स्टेटमेंट है जो हमें बताएगा कि ओ एम की बहू है ओ एम की बहुरिया है भाई कैसे पता चलेगा किसमें पता चलेगा ओ एम की बहू है हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है एम प्लस एन ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है एम किसकी माता है एम एन की माता है हमको कुछ नहीं आता है एन इंटू ओ ए इंटू ओ का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी एन किसकी पत्नी है ओ की ये पत्नी है अगर ये पत्नी है तो ओ बन गए पति तो ओ इसका दामाद बन गया ओ एम का बहू नहीं बन पाया एम एन की माता है एम एन की माता है M, एन मतलब है A B के पतिदेव हैं तो एन ओ का पति है अब बनाओ एनओ का पति अब बनेगी की बहू अब बनी की बहू चलिए साहब नेक्स्ट यदि शब्द में सभी व्यंजन को वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए और सभी स्वर को वर्णमाला के पिछले स्वर में बदल दिया जाए फिर सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा काम करना पड़ेगा का क्वेश्चन में सारे

तो इस क्वेश्चन इस को स्टार्टिंग में हम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये क्वेश्चन कम से कम कम से कम पचास साठ सेकंड से पहले सॉल्व हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता <coughs> लेकिन सॉल्व दुनिया का हर बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन को तो हम इस क्वेश्चन को बाद में ट्राई करेंगे एग्जाम में अगर हमारे पास समय बचेगा तो छह क्योंकि पता चले इतनी देर में हम चार क्वेश्चन और बना दे रीजनिंग के छह पांच आठ इक्कीस बीस क्वेश्चन मार्क बताओ यहां पे चल क्या रहा मल्टीप्लाई हो रहा है सर लग तो रहा है ट्रिपल ट्रिपल डबल कुछ हो रहा हो ट्रिपल डबल सर इंटू वन माइनस वन इंटू टू माइनस टू इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू फोर माइनस फोर इंटू फाइव पांच अट्ठे चालीस चार सौ चार सौ माइनस का पांच चार सौ माइनस का पांच तीन सौ पचानवे एक सौ बीस विद्यार्थियों की कक्षा में बताओ रैंकिंग का क्वेश्चन है लाइव वाचिंग बहुत कम हो रही है भाई है? ऐसा मत करो हम्म कम से कम डेढ़ सौ क्वेश्चन तक तो लाइव बने रहो भाई डेढ़ सौ क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो क्यों भाई हम्म लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है ये बताओ लड़कियां कितनी होंगी अगर लड़कियों की संख्या दोगुनी है लड़कों से तो लड़कियां कितनी होंगी जल्दी से बताओ लड़कियां कितनी होंगी अगर लड़कियों की संख्या दोगुनी है लड़कों से तो लड़कियां कितनी होंगी बताओ टू रेशो वन आ गया तो अस्सी और चालीस का रेशो हो गया ठीक है एक लड़का शीर्ष से बीसवें स्थान पर है एक लड़का शीर्ष से बीसवें स्थान पर है यदि दस लड़कियां उस लड़के के आगे हैं देखो ये ऊपर से बीसवें स्थान पर है इसके आगे कितने बच्चे होंगे उन्नीस क्योंकि तो ये खुद होगा और उन्नीस में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं और कितनी लड़कियां हैं यदि दस लड़कियां उसके आगे हैं इसके आगे उन्नीस बच्चे हैं जिसमें से दस लड़कियां हैं बस क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया 19 में से 10 लड़कियां हैं, तो 19 माइनस का 10 कितने लड़के बचे 19 माइनस का 10 नौ लड़के बचे समझ लो टोटल टोटल लड़के कितने हैं? चालीस नौ लड़के आगे हैं एक ये खुद लड़का है नौ और एक दस नौ और एक दस कितने लड़के बचे चालीस माइनस दस तीस लड़के तो बेटा तीस लड़के होंगे पीछे लड़कियां कितने होंगी पीछे इसके भैया दस लड़कियां आ गए हैं अस्सी माइनस दस सत्तर लड़कियां है पीछे हैं बहुत पॉपुलर है भाई ये सत्तर लड़कियां हैं इसके पीछे समझ रहे हो और टोटल बच्चे कितने पीछे हैं सौ इसके पीछे टोटल सौ बच्चे हैं सौ समझ रहे हो तो नीचे से ये कितने स्थान पर है एक सौ एक में स्थान पर एक सौ एक अब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे आंसर आप दे सकते हो एग्जाम में क्या पूछा है तो उसके बाद के स्थान में लड़कों की संख्या कितनी है उसके बाद कितने लड़के है तीस उसके बाद कितनी लड़कियां सत्तर उसका नीचे से स्थान एक सौ एक उसके नीचे कितने बच्चे सौ उसके ऊपर कितने बच्चे उन्नीस हर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा यहां से है ना चलिए दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं वर्ग 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 है कितने वर्ग है दी गई आकृति में हमें बता है वर्गों की संख्या निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है एक दो तीन दो तीन गुणा दो तीन दूनी छह दोनों में एक एक कम करो दो गुणा एक एक आते ही रुक जाओ तो भैया इसमें तो कितने वर्ग हो गए आठ आठ हो गए और पांच और पांच और पांच नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पर सिर्फ तीन होंगे और पांच पांच और पांच दस और पांच पंद्रह और तीन अठारह और एक उन्नीस और एक बीस बीस तो ये हो गए आठ ये हो गए बीस और आठ बीस और आठ अट्ठाईस भाई आठ तो हो गए इस वाले के अंदर है ना पांच पाँच पंद्रह तीन अठारह उन्नीस बीस बीस हो गए अलग से <coughs> तो बीस और आठ अट्ठाईस है ना और कोई मिलकर थोड़ी बॉक्स बनेगा यहां पर कोई भी और मिलकर बॉक्स नहीं बनेगा चलिए साहब आठ कैसे हुए बेटा इस वाले फिगर में आठ होते हैं जैसे ये जो फिगर है ना ये जो फिगर है ये वाली जो फिगर है और ये वाली फिगर ये ये वाली जो फिगर है ये वाली फिगर ये वाली फिगर इसमें आठ होंगे ना तीन गुणा दो प्लस दो गुणा एक तो और दो आठ हाँ जी बहुत पुराना क्वेश्चन है भाई कई बार करा चुके हम प्रैक्टिस में सॉल्व नंबर्स के बीच का जो गैप है वो चल गया रहा है सर बहुत कम गैप है यहां पे तो एकदम बहुत अगला पद ज्ञात कीजिए सीरीज का चलिए ऑन सीरीज का अगला पद ज्ञात कीजिए जल्दी से सीरीज का अगला पद क्या होगा नवासी नब्बे सर लॉजिक अगर मैं देखूं तो प्लस वन है फिर इंटू टू है फिर माइनस थ्री है ओके फिर प्लस वन है तो प्लस वन इंटू टू माइनस थ्री प्लस वन इंटू टू आ जाएगा दो अठे सोलह है दो सत्ते चौदह और एक पंद्रह दो एक कम दो और एक तीन तीन सौ छप्पन प्लस वन इंटू टू माइनस थ्री प्लस वन इंटू टू माइनस थ्री एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर पांच किलोमीटर चलता है वह दाई और इसका दाया हमारा बाया भाई इसका जो दाया होगा हमारा बाया होगा मुड़कर दस किलोमीटर चलता है फिर दाइ और मुड़ता है और पांच किलोमीटर दाया बेटा ऊपर जाएगा समान दूरी चलता है पांच का पांच और उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा भैया घर पहुंचने के लिए इधर भागना होगा राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है हाँ जी बताओ यहां पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा कौन सी संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पहले ये यहां था सर्किल फिर यहां से यहां पहुंचा फिर यहां से यहां पहुंचा फिर यहां से यहां पहुंचा अब यहां से यहां पहुंचेगा यहां पहुंचेगा यहां यहां पहुंचेगा बच गया यहां पहुंचेगा गलत यहां पहुंचेगा गलत तो तीसरा फिगर अबे इस पे ध्यान दो ना इसकी रोटेशन पे ध्यान दो इसकी रोटेशन पे इसकी रोटेशन पे ध्यान दो पहले यहां है यहां से इसके आगे गया फिर यहां से यहां पहुंचा फिर यहां से यहां पहुंचा इसके आगे फिर यहां से यहां पहुंचेगा ना इसके पीछे लगेगा पीछे लाइक दिस हाँ जी इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो सबसे है ना रैपिड फायर क्विक रैपिड क्विक ब्रिस्क भैया रैपिड क्विक ब्रिस्क।, ब्रिस्क स्लो स्लो सबसे डिफरेंट है रैपिड क्विक इन सबका मीनिंग होता है फास्ट स्लो का मतलब स्लो बारह देखो हमें पता बारह और ग्यारह का क्यूब है छह और पांच का क्यूब है छ और पांच का क्यूब है चलिए साहब एक महिला पूर्व की ओर दस किलोमीटर चलती है पूरा बेटा है पूर्व की ओर दस किलोमीटर चलती है दाई और मुड़ती और छह किलोमीटर चलती है अच्छा, मुड़, सॉल्व करो चलो आप सॉल्व करो बनाओ फिगर फटाफट से बनाओ फिगर सॉल्व करो हम्म जल्दी से एक सौ क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं और जोश आप लोगों का बरकरार है कुछ बच्चे भाग चुके हैं ढाई घंटे हो चुके हैं क्लास चलते चलते पूरे ढाई घंटे कंप्लीट हुए हैं हां जी एक महिला पूर्व की और दस किलोमीटर चलती है दाया दाया नीचे चलती है दाई और मुड़कर छ किलोमीटर चलती है एक बार फिर दाया अब दाया क्या हमारा बाया होगा और तीन किलोमीटर चलती है पीछे रह गई फिर वह उत्तर उत्तर ऊपर है बेटा तेरह यानी कि छे और सात सात निकल जाती है और फिर दाई और है और तेरह किलोमीटर चलती है अब ओर इधर और कितना चलती है तेरह चलती है तो तीन तो ये है तीन तो ये आ गया और दस और चल देती है कहां भागी जा रही है ये और फिर अंत में यानी कि नीचे और सात किलोमीटर चलती है सात यानी कि इसके सामने आ गई वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है आरंभिक बिंदु बेटा ये है प्रारंभिक बिंदु यहां से दूरी कितनी है यहां से दूरी कितनी है ये दूरी कितनी थी ये दूरी दस थी और ये दूरी कितनी है ये भी दूरी दस है तो दस और दस बीस हो गई है ना <coughs> हाँ जी नेक्स्ट निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने दो हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले चार है ऐसे कितने दो हैं ऐसे कितने दो हैं जिनके ऐसे कितने दो हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले चार है लेकिन ठीक बाद में छह नहीं है ठीक पहले चार है बिल्कुल काउंट हो गया इसके ठीक बाद में छ नहीं है ठीक पहले चार नहीं है ठीक पहले चार है और ठीक बाद में ठीक पहले भी नहीं है ठीक पहले, पहले चार तो है लेकिन ठीक बाद में छह भी है ठीक पहले चार है ठीक बाद में छ नहीं है एक दो तीन चार कितने काउंट होंगे एक दो तीन चार यदि z इज इक्वल टू एट है सॉरी क्वल टू पंद्रह इक्वल टू एट है t इज टू डब्लू ये बताओ बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करो आठ बेटा तो होता है चार पंद्रह चौका, साठ साठ और कितना होता है साठ और छठ यदि टेन को उनतालीस लिखा जा रहा है तो एज की कोडिंग क्या होगी मेरे भाई बीस और पांच पच्चीस और चौदह उनतालीस एक और सात आठ और पांच 13।

ए e के विपरीत है एफ सी के विपरीत है इसका मतलब 100 परसेंट बी और डी एक दूसरे के विपरीत होंगे इस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है तो डी इज बिटवीन सी एंड ए अगर डी सी और ए के बीच में है अगर डी सी और ए के बीच में है तो सी और ए एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए क्या सी और ए एक दूसरे के विपरीत है नहीं है ना ए इज बिटवीन डी एंड बी अगर ए डी और बी के बीच में है तो डी और बी एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए बिल्कुल सही डी इज एडजेसेंट टू बी क्या डी बी के एडजेसेंट है? है क्योंकि D, B के लेटर्स बच गए वो उन दोनों के बीच में ही होंगे सीधी सी बात है बेटा अगर हम बोल रहे हैं कि ए डी और बी के बीच में है समझ रहे हो तो बीच का मतलब है कि डी और बी खुद एक दूसरे के विपरीत होंगे और इनके बीच में बाकी के चारों लेटर्स होंगे चलिए साहब इंटीमेट फ्रेंडली भैया इंटीमेट का रिलेशन फ्रेंडली से है तो रेस का रिलेशन किससे होगा रेस का रिलेशन किससे होगा देखो अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आता है आपको इंटीमेट का मीनिंग नहीं पता फ्रेंडली का मीनिंग नहीं पता रेस का मीनिंग नहीं पता आप नहीं जानते कि ये एंटोनिम है या सिनोनिम है बाहर में जाने दो तो, आप ऑप्शंस को देखो इनमें से जो एक डिफरेंट ऑप्शन होगा ना वही आंसर है सिंक ड्रॉप और लोअर इन तीनों का मतलब एक होता है भाई सिंक सुकड़ना ड्रॉप गिरना लोअर गिरना मतलब ये सारे लिफ्ट उठना ऊपर तो जो अलग वर्ड है इन सब में लिफ्ट था तो लिफ्ट को चूज करो आगे बढ़ो चलिए साहब क्या लॉजिक है व्रेव की कोडिंग है व्रेव की कोडिंग है भैया जो भी वर्ड दे रखा है तो उसी भाषा में देखो ना तो ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है ना अपोजिट लेटर है ना कॉमन कोडिंग ना पोजीशन ना अपोजिट ना कॉमन कोडिंग फिर तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस है वही प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा हाँ सर प्लस माइनस होगा प्लस माइनस करने के तीन तरीके फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉक्स सर दो और दो चार अठारह और दो नहीं नहीं अठारह माइनस का दो सोलह एक और दो एक और दो तीन और बाईस माइनस का दो बीस और पांच और दो सात तो प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू है तो प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू है सी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलिए साहब पी क्यू के ठीक बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से दस सेकेंड का समय आपके पास है बनाओ हाँ जी डेढ़ सौ क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं बेटा तो तीन घंटे में तीन घंटे में डेढ़ सौ क्वेश्चन तुम तीन घंटे में कितने क्वेश्चन बनाते हो पचास यहां हो गए तुम्हारे डेढ़ सौ है? बनाओ जल्दी बनाओ पी क्यू के ठीक दाए बैठा है पी तीन दाएं स्थान और जाता है और क्यू चार स्थान दाई जाता है तो वे दोनों छोर पे पहुंच जाते हैं दोनों छोर पे पहुंच जाते हैं पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या बताओ जल्दी से सॉल्व करो बेटा अब तक तो सॉल्व हो गया पी क्यू के ठीक दाई और है पी जो है वो क्यू के ठीक दाई और है क्यू के ठीक दाई और कौन है क्यू के ठीक दाई और पी है है ना क्यू के ठीक दाई दाइर पी है पी क्यू के ठीक दाई दाइर है अच्छा पी तीन स्थान दाई दाइयोर जाता है पी को तीन स्थान दाई दाइयोर खिसका दो पी को तीन स्थान दाई दाइयोर खिसका दो तो पी आ गया यहां अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस एक हो जाएगी क्योंकि इनके बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं है और क्यू जो है चार स्थान बाई और जाता है क्यू चार स्थान बाई और जाता है तो क्यू आ जाता है यहां तो टोटल डिस्टेंस कितनी है चार और एक पांच और तीन आठ आठ की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी पंक्ति में तो क्वेश्चन ही गलत हो गया भाई चार और तीन सात गलत जवाब है हाँ जी ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया नौ कैसे हो जाएंगे व्यक्तियों की संख्या तो एक कम होती है दूरी से हम्म वो ठीक दाई और है तो उनके बीच में तो कोई वही नहीं बचेगी एक सेकेंड <laughs> क्यों चार स्थान बाई ओर जाता है क्यू चार स्थान बाई ओर जाता है और वे दोनों छोर पे पी तीन स्थान दाई ओर जाता है अच्छा ओके 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 कितनी बड़ी भूल हमसे हो रही है बेटा ये अगर छोर पे पहुंचा है ये किनारे पे पहुंचा है तो इसकी दूरी तो एक है कि नहीं है क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज में जो लेटर ए है वो पहले स्थान पे है किनारे पे है तो ये एक डिस्टेंस मानी जाती है कि नहीं ये पहला लेटर है तो ऐसे ही जो Q है वो भी किनारे पे पहुंचा है तो इसकी भी तो दूरी एक ही है क्योंकि किनारे वाले की एक दूरी काउंट बस ये भूल गए थे हम तो टोटल डिस्टेंस कितनी है एक और चार पाँच और एक और छीन नौ और एक दस टोटल दूरी दस हो गई चार और तीन सात आठ नौ दस और जितनी दूरी होती है पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है क्योंकि किनारे वाला जो होता है ना वो पहली दूरी पे होता है जो भी व्यक्ति किनारे पर होगा मोए मोई हो गया है जो भी व्यक्ति किनारे पर होगा वो पहली दूरी पर होगा हमेशा याद रखना जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज में एक का प्लेस कितना होता है एक होता है जबकि एक किनारे पर होता है तो उसकी दूरी कितनी लेते हैं एक लेते हैं तो किनारे वाले को एक लेते हैं हम ठीक है किनारे वाले को क्या लेते हैं एक लेते हैं हाँ जी चलिए साहब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र को पूर्ण करता है तो बेटा चित्र को पूर्ण कैसे करेंगे बना दो बना दो बना दो बना दो ये एरो कहां से आ गया ये तो गलत जवाब इन दोनों में से कौन सा सही है पूरी लाइन खींचो लाइक दिस ये तो अधूरी सी खींच रखी है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वे आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल आम की आइसक्रीम को दर्शाती है जहां सबसे बड़ा त्रिभुज आम को दर्शाता है सबसे बड़ा त्रिभुज दूसरा बड़ा त्रिभुज जूस को दर्शाता है दूसरा बड़ा त्रिभुज जूस को दर्शाता है और व्रत कैंडी को दर्शाता है वर्ग आइसक्रीम तो देखो वर्ग है आइसक्रीम और आम है सबसे बड़ा त्रिभुज तो केवल आम की आइसक्रीम सबसे बड़ा त्रिभुज और वर्ग का कॉमन पार्ट क्या है सबसे बड़ा त्रिभुज और वर्ग का कॉमन पार्ट क्या है सबसे बड़ा त्रिभुज और वर्ग का कॉमन पार्ट एट है एच से आई अगर मैं एच से आई की बात करूं, हाँ यहां कुछ गड़बड़ कर दी और आई की बात करें बेटा, A से I, तो less than, less than है, A से I, तो ग्रेटर देन नहीं बना सकते ये यह यहां पे सिंबल नहीं दिया हुआ एच और ओ के बीच में अगर एच और ओ के बीच में इक्वल सिंबल है तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा क्योंकि इक्वल लेस देन में लेस देन इक्वल आ जाएगा हाँ जी वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो समूह से बाहर है है ना बताओ कौन सा है वर्ड जो समूह से बाहर है इंग्लिश वो है थोड़ी सी पढ़ लो भैया इंग्लिश अंग्रेजी की नॉलेज भी थोड़ी सी पढ़ लो बताओ कौन सा वर्ड है जो हमारे इस समूह से बाहर है जल्दी से पता लगाओ कौन सा वर्ड है जो हमारे इस समूह से बाहर है हा जी कौन सा वर्ड है जो समूह से बाहर है और क्यों बाहर है हैं hey? सरप्लस सरप्लस समूह से बाहर है क्योंकि सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट बचत और बाकी सब दिखा रहा है नुकसान को बाकी सब दिखा रहा है नुकसान को एक डिब्बे में एक रुपए दो रुपए और दस रुपए के कुछ सिक्के हैं एक रुपए के भी सिक्के हैं दस के भी सिक्के हैं एक के सिक्के हैं दो के सिक्के और दस के भी सिक्के हैं एक रुपये दो रुपए दस रुपये जिनकी टोटल वैल्यू बनती है दो हजार सात सौ तीस रुपए तेरह एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई दो हजार सात सौ तीस रुपए तो जो एक्स की वैल्यू आ गई तेरह दूनी छब्बीस तेरह तेरह जीरो दो सौ दस रुपए तो दस रुपए के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है दस रुपए सिक्कों की कुल संख्या कितनी है दो सौ दस हो गए दो दस हो गए दो सौ दस ही दस रुपए के सिक्के हैं और दो सौ दस ही दो रुपए के सिक्के हैं दो सौ दस ही एक रुपए के सिक्के हैं क्योंकि सभी के सिक्कों की संख्या समान है एक महिला के फोटो के इशारा और करते हुए एक लड़की ने कहा वह वह कौन है भैया कौन है एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते एक लड़की कह रही है वह कौन है मेरी मां की मां की बहन आपकी माँ की माँ आपकी माँ की माँ कौन हो गई नानी एक महिला के फोटो की ओर इशारा करते एक लड़की ने कहा आप एक लड़की हो और आप किसी और महिला की तरफ इशारा कर रहे हो आप कह रहे हो कि मेरी माँ की मां आपकी मां की मां यानी कि आपकी नानी और आपकी नानी की बहन कौन हो गई आपकी नानी की बहन <laughs> तो महिला कौन है आपकी नानी की बहन लड़की की मां का तो लड़की की मां उस महिला से कैसा संबंधित है तो आपकी मम्मी आपकी नानी की बहन की कौन होगी आपकी भतीजी होगी मतलब मम्मी आपकी जो मम्मी है आपकी नानी की बहन की कौन हो गई नीस हो गई आपकी नानी की बहन की है ना हाँ जी आपकी मम्मी के बारे में पूछ रहा है तो लड़की की मां का यानी कि आपकी जो मम्मी है उनका उस महिला से क्या संबंध है कौन सी महिला जो आपकी नानी की बहन है आपकी मम्मी का आपकी नानी की बहन से क्या संबंध है आपकी मम्मी आपकी नानी की बहन की भतीजी हो गई हाँ जी बताइए क्या सरकार को कला पर पैसे खर्च करने चाहिए क्या सरकार को कला पर पैसे खर्च करने चाहिए हाँ समाज में हर कोई कला की सराहना करता है नहीं 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 करदाताओं का पैसा सांस्कृतिक प्रयासों के बजाय व्यवहारिक रूप में खर्च किया जाना चाहिए अच्छा तुम बताओगे टैक्स पेयर का पैसा कहां लगाएं बिल्कुल करना चाहिए सरकार को कला पे खर्च कला को हर कोई पसंद करता है जैसे लिजार्ड का रिलेशन रेप्टाइल से है वैसे ही रेट का रिलेशन किससे होगा भैया छिपकली रेप्टाइल होती है छिपकली होती है सरी चूहा क्या होता है चूहा चूहा होता है रोडेंट चूहा क्या होता है पक्षी नहीं होता कीट नहीं होता परजीवी नहीं होता ना पैरासाइट होता है चूहा ना बर्ड होता है ना इंसेक्ट होता है हाँ जी एबीसी कंपनी में वर्तमान में रिक्त पदों के लिए इलेक्ट्रिक्स इंजीनियर आवेदन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर आवेदन कर सकते हैं एक कंपनी में इलेक्ट्रिक इंजीनियर मनु जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है देखो ये है ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हाँ मनु एक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है एबीसी कंपनी में पद के लिए आवेदन कर सकता है जब मनु इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही आवेदन कर सकते हैं तो दिक्कत क्या मनु को ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये गलत है ऐसा तो कहीं नहीं कहा कि केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही अप्लाई कर सकते हैं चलिए साहब पास वाली पिक्चर पास दूर वाली पिक्चर दूर बेटा q पास में तो पहले q दिखेगा q की इमेज परफेक्ट है ये क्या बना दिया ये क्या बना दिया फिर p दिखेगा q की तरह बहुत बढ़िया फिर n n देखो n की इमेज पलट जाएगी n बिल्कुल n नहीं दिखेगा n n कैसे दिखेगा तो ऑप्शन ए इस द राइट आंसर वर्ष 1665 का कैलेंडर किस वर्ष के समानता हमारा जो कैलेंडर होता है वो हर 11 साल में रिपीट होता है और जो 11 साल में रिपीट नहीं होते जैसे कि ये ये 11 साल में रिपीट क्यों नहीं होगा क्योंकि ये ईयर नॉर्मल ईयर के तुरंत बाद है जो नॉर्मल ईयर के तुरंत बाद होता है जो नॉर्मल ईयर के तुरंत बाद होता है वो रिपीट होता है छह साल सॉरी 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 ये लीप ईयर ये के तुरंत बाद है और जो लीप ईयर के तुरंत बाद होता है जो लीप ईयर के तुरंत बाद होता है वो रिपीट होता है छ साल में तो ये छह साल में रिपीट होगा सोलह में है ना ये ना ग्यारह में रिपीट होगा ये रिपीट होगा छह साल में क्योंकि ये लीप ईयर के तुरंत बाद है और एक अच्छी ट्रिक एक और बेहतरीन बात बताऊ आपको बताना अठारह सो अठारह सो कब रिपीट होगा अठारह अब आप अब जोड़ दो 11 साल जोड़ दो इसमें क्योंकि सर कोई भी ईयर 11 साल में रिपीट होता है या 6 साल में रिपीट होता है तो इसमें 11 जोड़ दो जैसे इसमें 11 जोड़ोगे तो बनेगा 1903 जबकि 1903 होगा गलत आंसर क्यों क्योंकि अब जो हम सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं वो 1900 क्रॉस कर रहे हैं और लीप ईयर नहीं है तो जब हम ऐसी शताब्दी क्रॉस करें जो जो ईयर ना हो वहां पे 11 और 6 का ट्रिक हो जाती है फेल वहां पर जो ईयर है वो रिपीट होता है बारह साल बाद फिर ये रिपीट होगा बारह साल बाद और बेटा बयासी और बारह हो जाएगा उन्नीस चार लेकिन 1904 होगा गलत जवाब क्योंकि 1904 क्या हो जाएगा 1904 हो जाएगा लीप ईयर 1904 लीप ईयर हो जाएगा इसीलिए 1904 के आगे कहानी खिसक जाएगी यानी कि फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ऑप्शन से जिन दो जिन दो वर्ष के बीच में ऑर्डेज हमारे जीरो निकलेंगे जिन दो वर्ष के बीच में ऑड डेज जीरो निकलेंगे वही इसका कैलेंडर सेम बताएगा ये बारह के भी आगे चला जाएगा बारह बेटा तब जोड़ते जब मैं अठारह सो तिरासी हाँ अठारह सो बारह साल बाद रिपीट होगा पक्का ये उन्नीस सौ पांच में रिपीट होगा ये कब रिपीट होगा ये रिपीट होगा बारह साल बाद यानी कि उन्नीस पांच में यहां बारह जोड़ने पर दिक्कत क्या है उन्नीस सौ चार बन गया जो कि एक लीपियर है और नॉर्मल ईयर का पूरा कैलेंडर लीप ईयर से समान नहीं कर सकते इसलिए यहां पे बारह का फेल होगा होगा फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ऑप्शन हमें हर दो को मैच कराना होगा जिन दो ऑप्शन के बीच में ऑडियस की वैल्यू जीरो आएगी अठारह का कैलेंडर उसी से सेम होगा ठीक है एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड मैं क्या कर रहा हूं ज्यादा पढ़ा दिया मैंने शिट क्या बोले जा रहे हैं हम इतनी देर से 1982 तो 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा अठारह सो तिरानवे में अठारह सो हा क्या बोले जा रहे थे हम बयासी में 11 जोड़ोगे अठारह सो तिरानवे और अठारह सो अठारह नहीं वो अठारह सो तिरानवे है एक्चुअली अठारह सो तिरानवे रिपीट होगा 12 साल बाद 1905 में शिट हाँ अठारह सो बयासी तो 11 साल बाद ही रिपीट होगा ज्यादा पढ़ा दिया हमने बहुत देर हो गई हमें पढ़ाते पढ़ाते तीन घंटे हो गए ना हाँ जी बहुत देर हो गई थोड़ा पानी पी लें यार दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा अठारह बयासी रिपीट होगा बेटा ग्यारह साल बाद ग्यारह साल बाद रिपीट होगा कितने में अठारह में लेकिन अगर मैं अठारह सो तिरानवे

लीप ईयर के तुरंत बाद है तो ये तो 1999 में ही रिपीट हो जाएगा अगर मैं पूछता 1994 तो ये 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा ठीक है 2005 में और मैं पूछूंगा अठारह हाँ अठारह कितने साल बाद रिपीट होगा तो ये 11 साल बाद रिपीट नहीं होगा ये 12 साल बाद रिपीट होगा 1906 में 1906 में ठीक है हाँ जी सोलह तो सौ का कैलेंडर बेटा किस वर्ष के समान है सोलह लीप ईयर के तुरंत बाद है क्योंकि सोलह एक लीप ईयर होता है और जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं वो छह साल बाद रिपीट होते हैं सोलह और छह कितना हो जाएगा सोलह ठीक है हाँ जी भूख लग गई और ये हो गए पूरे डेढ़ सौ क्वेश्चन समाप्त पूरे डेढ़ सौ क्वेश्चन समाप्त पहले तीन लेटर को उल्टा लिख दिया नहीं उल्टा नहीं लिखा हाँ उल्टा लिख दिया नहीं पहला लेटर पहले चार लेटर को उल्टा लिखा यहां पे सी एन ए सी सी एन ए सी तो पहले चार लेटर एन यू एच टी N एच टी T एच टी H एच टी एन यू एच टी U एच टी बहुत बढ़िया अब क्या किया हमने अगले चार लेटर को ए एल L एल -L E, A -L -L -E अगले चार लेटर डी एस आर एस एस आर डी ऑप्शन डी राइट आंसर और पूरे हुए डेढ़ सौ क्वेश्चन समाप्त क्या आप तैयार हैं आखिरी पड़ाव को पार करने के लिए क्या आपने जोश है उस वर्दी का जो आपको पहननी है क्या आपने अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के देखा है कि उनके सपने क्या है क्या चाहते हैं आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं आपके फैमिली मेंबर्स कि एक दिन आप उनका नाम रोशन करो आप भी एक दिन उनके लिए कुछ कर जाओ तो ये आखिरी पड़ाव है डेढ़ सौ क्वेश्चन हम कर चुके हैं पूरे डेढ़ सौ क्वेश्चन तीन पड़ाव हमने पार कर लिए और मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चा पहले पड़ाव में परफेक्ट नहीं हुआ होगा दूसरे में हो गया होगा दूसरे में नहीं तीसरे में तीसरे में नहीं तो अब ये फाइनल पड़ाव आएगा चौथा पड़ाव ये आखिरी के पचास क्वेश्चन होंगे जो इस सेशन के 200 क्वेश्चन को खत्म करेंगे और ये हमारी लास्ट जंग है लास्ट लड़ाई है, ये आखिरी के 50 क्वेश्चन आपको उड़ाने हैं और हर बच्चे को सुपर कैटेगरी में आना ही आना है पानी पी लो चाहो तो थोड़ा सा और एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो सारे क्योंकि आखिरी के पचास क्वेश्चन कराने में वही जोश होना चाहिए जो पहले पचास क्वेश्चन कराने में था पहले पचास में साढ़े चार हजार बच्चे लाइव थे लाइव थे ना? तो आखरी है।, तो कर, है ना तो आखिरी के पचास क्वेश्चन में भी साढ़े चार हजार बच्चे लाइव होने चाहिए तो दबाकर है ना आखिरी के पचास क्वेश्चन करने से पहले इस शेयर को लाइव कर दो शेयर इस सेशन को शेयर कर दो दबाकर हाँ जी कम मत हो जाओ बेटा कम होते चले जा रहे हो तुम तो उल्टी बातें कर रहे हो चलिए साहब फटाक से एक सौ इक्यावन क्वेश्चन आपके सामने है सम स्टूडेंट आर लेक्चरर सम स्टूडेंट्स आर लेक्चरर टीचर और टीचर को हम जोड़ ही नहीं सकते स्टूडेंट लेक्चर में कोई रिलेशन नहीं नो स्टूडेंट इज प्रोफेसर नो स्टूडेंट इज प्रोफेसर है ना प्रोफेशनल नो स्टूडेंट इज प्रोफेशनल टीचर से टीचर जुड़ी नहीं सकता लेक्चर से लेक्चर तो जुड़ गया लेकिन टीचर से टीचर नहीं जुड़ पा रहा है तो स्टूडेंट और प्रोफेशनल में कोई रिलेशन नहीं है स्टूडेंट और लेक्चर में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि टीचर टीचर जुड़ ही नहीं पा रहा है ना तो दोनों ही कंक्लूजन गलत हो गए हमारे चलिए साहब स्टूपिड को अरे यार पोजिशन बेस्ड कोडिंग है तुरंत पता चल गया पोजिशन बेस्ड कोडिंग है इन दोनों को पलट के लिख दिया इन दोनों लेटर को पलट के लिख दो एच सी एच सी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है एच सी से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है पोजीशन बेस्ड कोडिंग है है ना चलिए कंप्लीट करो बिल्कुल सेम आकृति ढूंढ लो बिल्कुल सेम रोटेशन वोटेशन कुछ अलाउ नहीं होती बिल्कुल सेम नहीं ढूंढो ना ना, ना 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 ये खाली है तो इसी की कॉपी ढूंढो इसी की कॉपी एक खाली एक बरा ये क्या है <coughs> एक खाली एक बरा ये दो तो वैसे ही गलत हो गए अब इन दोनों में हाँ जी देखो यहां से ये लाइन तो बनेगी ये वाली तो बनेगी ये गलत ये ऑप्शन डी इस सो 256 का आधा कर दिया फिर हमने 10 जोड़ दिया फिर हमने हाफ कर दिया फिर हमने 10 जोड़ दिया बन गया 79 नाइन हाँ जी मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जरूरत है नंबर्स का गैप बहुत कम है नंबर्स का गैप क्या है नंबर्स का गैप बहुत कम है तो जब गैप कम है तो हम क्या निकालेंगे स्टेप फॉर्म निकालेंगे जल्दी से बेटा स्टेप फॉर्म निकालो कितना अंतर आ गया सोलह और तीन उन्नीस का अंतर आ गया कितना अंतर आ गया चौदह में से छह गए आठ तीन में से एक 28 गया दो अट्ठाईस का अंतर आ गया कितने का अंतर आ गया ग्यारह में से चार गए सात सात में से चार गए सैंतीस का अंतर आ गया कितने का अंतर आ गया और छियालीस का अंतर आ गया नहीं समझ आया सर 19 ये डिफरेंस कितना है 9 का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है छियालीस और 9 कितना होता है 55 तो बेटा 55 इसमें जोड़ दो 5 और 7 12 यानी कि तीन यूनिट डिजिट दो हो गई यूनिट डिजिट क्या हो गई यूनिट डिजिट दो हो गई चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं सात छह दस सत्ताईस एक सौ चार क्वेश्चन मार्क नंबर्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं मल्टीप्लाई कर दे कर दो मल्टीप्लाई सर ये नंबर अचानक से तेजी से बढ़ा है मल्टीप्लाई कर दो कर दो कर दो कितने का मल्टीप्लाई कर दे इसके नजदीक कर दो चार सत्तर माइनस फोर सर इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू टू माइनस टू और ये है इंटू वन माइनस वन तो ये आ जाएगा इंटू फाइव पांच बीस पांच सौ बीस माइनस का पांच पांच पंद्रह चलिए साहब जैसे लड़ाई का रिलेशन शांति से है लड़ाई शांति अग्रिम का रिलेशन किससे होगा अग्रिम मतलब आगे अग्रिम मतलब आगे लड़ाई शांति अग्रिम आगे पीछे अग्रिम वापस ए जो सबसे बाईयोर है ए बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को ए जो सबसे बाईयोर है ए का स्थान एक है वह आठ स्थान दाई ओर चलता है और वह दोनों दाए छोर पर और वे दोनों दाए छोर पर पहुंच जाते हैं दोनों दूसरा कहा भाई ए हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट मूव इट प्लेस टू द राइट एंड एंड रीच इज एक्सट्रीम राइट अच्छा यही पहुंच जाता है ए जो सबसे बाई ओर पर है सबसे बाई ओर पर यानी कि इसका स्थान अभी बताया था

डायमंड हैज़ हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताओ डायमंड हैज़ हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या फिर हीरे का उपयोग कांच को काटने के लिए किया जाए यह बात तो भाई साहब बिल्कुल सच है डायमंड इज यूज फॉर कटिंग ग्लास ये तो मैंने सुना भैया डायमंड कटर देखा आपने डायमंड कटर कि हीरे का उपयोग किया जाता है किसके लिए किसके लिए उसको काटने के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का बताओ भैया ये हमारी फिजिक्स में थोड़ा सा हाथ तंग है कि डायमंड का हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है कि नहीं होता इसके बारे में हम देखो श्योर sure नहीं है और अगर होता भी होगा तो इसका कोई यूज नहीं है डायमंड मतलब कांच को काटने में इसका क्या लेना देना है ना हाँ जी या तो ऑप्शन बी चूज करेंगे या फिर सी इन दोनों में से एक ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं होता है बॉस होता है बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी ना हाँ तो बी ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं बहुत सही चलिए साहब तीन चार नौ छ तुरंत बताओ तुरंत 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 समझ में आ गया होगा तीन चार जीरो नौ छह छब्बीस दस बारह ये देखो ये तुरंत समझ आ गया होगा वन क्यूब माइनस वन थ्री क्यूब माइनस वन नौ माइनस का छह तीन चार माइनस का तीन एक आठ बारह माइनस का आठ चार क्यूब माइनस वन बारह माइनस का दस दो दो क्यूब माइनस वन दो क्यूब माइनस वन चलिए साहब नेक्स्ट बताओ इनमें से सबसे एक डिफरेंट है उसको छांटो सबसे डिफरेंट है उसको छांटो ए बी सी ए बी सी एक दो तीन ए बी सी ए बी सी ए बी सी देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी साइकिल दो तीन एक दो तीन एक दो तीन, तीन साइकिल ऑर्डर में और ये क्या है ये तो दो ही सिंबल है यही कर दो यार सब में तीन तीन सिंबल है यार दो दो सिंबल है कैसी बातें कर रहे हो रवि की घड़ी की दुकान में दो घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई कौन है रवि किसकी दुकान में आई है दो घड़ियां मरम्मत के लिए एक घड़ी में हर 16 मिनट में बस्ती है दूसरी घड़ी हर 18 मिनट में बस्ती है एक बस्ती है, है। हर 16 मिनट में दूसरी बस्ती है हर अठारह मिनट में दोनों घड़िया दोपहर बारह बजे एक साथ बसती है दोनों घड़ियां दोबारा एक साथ कब बजेंगी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा कैसे सॉल्व होगा क्या निकाल दो बेटा दोनों नंबर का दोनों का एलसीएम निकाल दो भाई दो घड़ियां लाई गई एक घड़ी हर 16 मिनट में बज रही है एक घड़ी हर 18 मिनट में बज रही है बज रही है तो दोनों का एलसीएम निकाल दो 16 और 18 का एलसीएम है ना दो अट्ठे सोलह दोनों में अठारह तो ये आ गया नौ आठ बहत्तर धूनी एक 144, तो हर 144 मिनट बाद दोनों घड़ियां एक साथ बजेंगी साठ धूनी 120 यानी कि दो घंटे 24 मिनट बाद दोनों घड़ियां एक साथ बजेंगी तो 12 घंटे के 2 घंटे 24 मिनट बाद यानी कि दो बजकर चौबीस मिनट पर दोनों घड़ी एक साथ बजेंगी। चले नेक्स्ट छ चौदह छह दूनी बारह और दो तो चौदह चार दूनी आठ और सात दूनी चौदह छह दूनी पांच दस और बारह छह तो दूनी बारह और चौदह पांच दुनी तो दस और तो बारह बहुत बढ़िया छह पंच लेकिन ये पांच सौ बीस आ गया है डिफरेंस कर ले आठ का डिफरेंस सोलह का डिफरेंस आठ सोलह का डिफरेंस है सर ये कितने का डिफरेंस है ये डिफरेंस है बारह का और ये डिफरेंस है बारह का गलत जवाब ये डिफरेंस है पांच का और ये डिफरेंस है दस का ये डिफरेंस है छ का और ये डिफरेंस है दस का ये डिफरेंस है सात का और यह डिफरेंस है आठ का तो भाई यही ऑप्शन चूज कर लेते हैं और क्या है क्यों भाई डिफरेंस डबल हो रहा है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलिए दो पंच दस दो पंच दस दो पंज दस दो पंच दस दो पंचदस या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्यूब नहीं क्यूब नहीं है स्क्वायर वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब ना 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 क्यूब नहीं जा रहा दो पंजे दस चार पंजे बीस सात पंजे बयालीस ओके दो पंजे दस और चौदह धुनी अट्ठाईस चौदह चौक छप्पन ओके बढ़िया 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 <coughs> यही मैं छोड़ा और तो कुछ नहीं है चले साहब किसी सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता न नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अचुरी देखो अगर आप सेंचुरी की बात करो तो आप जानते हैं कैलेंडर में सिर्फ चार प्रकार की शताब्दियां इनके अलावा कोई शताब्दी है ही नहीं इन चार के अलावा कोई शताब्दी है ही नहीं और ये शताब्दी के ऑर्डेज होते हैं फाइव थ्री वन जीरो और यही शताब्दी के अंतिम दिन भी होते हैं पांच का मतलब क्या होता है फ्राइडे थ्री का मतलब वेस्डे वन का मतलब मंडे और जीरो का मतलब संडे दीज आर द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी जितनी भी पहली टाइप की शताब्दी है उनके आखिरी दिन होते हैं फ्राइडे जितनी दूसरी टाइप की शताब्दी है उनका आखिरी दिन होता है जितनी तीसरी टाइप की शताब्दी है आखिरी दिन मंडे जितनी पहली चौथी टाइप की शताब्दी है उनका आखिरी दिन होगा संडे तो विच कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे ये कभी किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते हैं ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे चलिए जैसे मिस्त्री यूज करता है पाना को बड़े ही क्या यूज करेगा पेड़ को लकड़ी को फर्नीचर को आरी को मिस्त्री का हथियार है पाना बड़े का हथियार है आरी बड़े का हथियार क्या है आरी आह कोई जीन प्रोटीन नहीं है नो जीन इज प्रोथीन नो जीन इज प्रोटीन नो जीन इज प्रोटीन नो जीन इज ओनली अ फ्यू जीन का मतलब है कि जीन की वैल्यू पचास है जबकि यहां हम जीन की वैल्यू सौ बना रहे हैं पचास को तो सौ बना ही नहीं सकते बाकी जाए भाड़ में पढ़ने की जरूरत नहीं है सम प्रोटीन आर जीन सम प्रोटीन आर जीन प्रोटीन वैल्यू बेटा सौ है ये नेगेटिव है नेगेटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना सकते जो भी प्रोटीन का रिजल्ट होगा वो नेगेटिव ही होगा सम जीन आर नॉट डीएनए सम जीन आर नॉट डीएनए देखो ओनली अ फ्यू जीन्स आर डीएनए केवल कुछ ही जींस डीएनए इसका मतलब पता क्या होता है कुछ जीन डी है और कुछ जीन डीएनए नहीं है सम आर डीएनए सम आर नॉट डीएनए तो ये बिल्कुल सही है सम जीन आर नॉट डीएनए तो ओनली क्या आ गया अच्छा जीन प्रोटीन जीन प्रोटीन बेटा ये आइदर और का केस हो गया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए पहले दूसरे तो इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो बहुत बढ़िया इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो पहले दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए देखो पॉजिटिव नेगेटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम दोनों कंक्लूजन गलत इधर इधर और बन गया बहुत बढ़िया इधर और बन गया अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार पड़ा था बताओ अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार पड़ा था इसके लिए तुम्हें एक अप्रैल 2001 का दिन पता होना चाहिए एक अप्रैल 2001 का दिन पता होना चाहिए तभी तुम बता पाओगे कि अप्रैल 2001 में किन किन तारीखों को बुधवार पड़ा था एक अप्रैल दो का दिन पता लगा लो देखो ऑल का मतलब होता है सौ ऑल का मतलब होता है सौ और सम होता है पचास और जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है ना उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू होती है पचास नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू होती है सौ जैसे चार सेंटेंस होते हैं सिलोक्स में एक तो होता है ऑल ऑल ए आर बी सभी ए बी हैं सभी कुत्ते बिल्ली हैं सभी घरे घोड़े हैं सभी कुत्ते सुगर हैं है ना ऑल का एक होता है नो का रिलेशन जैसे कोई भी घा घोड़ा नहीं है कोई भी घा घोड़ा नहीं है। एक, है, 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 है एक होता है सम का रिलेशन जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ घदे घोड़े हैं कुछ लड़के हीरो हैं कुछ लड़के जीरो हैं एक होता है सम नॉट ये चार सेंटेंस होते हैं ठीक है ठीके? तो इनमें होता क्या है सॉरी <coughs> इनमें होता क्या है जो ऑल होता है ना ऑल उसकी वैल्यू सो होती है और नो no जो है इसी की नेगेटिव फॉर्म है अच्छा सम की जो वैल्यू होती है वो पचास होती है अब ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू पचास होती है और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी सौ होगी नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू सौ पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू पचास तो जो कथन में सौ है उसको निष्कर्ष में सौ और पचास दोनों लिख सकते हैं लेकिन जो कथन में पचास है उसको निष्कर्ष में कभी सौ नहीं बना सकते पचास का पचास ही रहेगा चलिए तो तुमने एक अप्रैल 2001 का दिन पता किया एक अप्रैल 2001 को कौन सा दिन है कैसे पता करेंगे यहां से टोटल ऑर्डेस कैलकुलेट करो बेटा जनवरी में कितने होते तीन फरवरी दो हजार एक की है जीरो मार्च में कितने होंगे तीन अप्रैल में कितनी तारीख दे रखी है एक और बेटा ईयर हो जाएंगे दो हजार. बस कितने वर्ष कंप्लीट हुए दो हजार अच्छा दो हजार में कितने ऑर्डेस होंगे जीरो क्योंकि ये सीधा चार सौ का मल्टीपल आ गया टोटल कितने आ गए जीरो, जीरो मतलब संडे और एक अप्रैल यानी कि एक को संडे था एक अप्रैल 2001 को संडे था संडे तो वेन्सडे कब आया होगा दो का मंडे एक का संडे दो का मंडे तीन का ट्यूसडे चार का वेंसडे है चार तारीख को वेंसडे है अब हर सात दिन बाद वेंसडे होगा चार और सात ग्यारह और सात अठारह और सात पच्चीस है ना चार और सात ग्यारह और सात अठारह और चार तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा उसके बेटे के पिता है ना यानी कि महिला के महिला के बेटे के महिला के बेटे के पिता है ना तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा उसके 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 बेटे उसके बेटे के पिता उसके बेटे के पिता है ना महिला के बेटे के पिता यानी कि महिला के पति के बारे में कुछ कह रही है मेरी माँ के दामाद है इसको कौन बता रही है वो अपनी माँ का दामाद बना रही है है ना सीमा महिला से किस प्रकार संबंध है सीमा जो है अपनी मम्मी का दामाद बना रही है इसको तो सीमा खुद ही महिला हो सकती है या सीमा इसकी बहन हो सकती है <violet league> सीमा इसकी बहन है तभी तो सीमा की जो मम्मी है उसकी मम्मी का दामाद होगा ये तो सीमा या तो बहन है या सीमा खुद वो महिला हो सकती है तो बहन ऑप्शन आ गया माँ नहीं है बेटा देखो तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते तो हुए सीमा ने कहा एक महिला की ओर इशारा करते तो हुए सीमा ने कहा कि उसके बेटे के पिता यानी कि मेरी बहन के बेटे के पिता यानी कि जो मेरी बहन के बेटे के पिता यानी कि मेरी बहन के पति यानी कि मेरे जीजा जो है वो कौन है मेरी माँ के दामाद तो सी बात है सीमा का जीजा सीमा की माँ का दामाद होगा कि नहीं होगा सीमा का जीजा सीमा की माँ का दामाद होगा कि नहीं होगा एक सौ अड़सठ क्वेश्चन को बेटा आज की डेट से भी कंपेयर कर सकते हो लेकिन वहां टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा मैंने स्टैंडर्ड मेथड से कर दिया बताओ बेटा दो आ, बीस और दो बाईस इक्कीस और एक बाईस तेईस और एक चौबीस बाईस और दो चौबीस तैतालीस और दो पैंतालीस पांच और चालीस पैंतालीस हाँ जी एक सौ इकहत्तर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करो एम ओ डी एम ओ डी एम ओ डी चौथा लेटर जो छोटा है वो ए है ये सबसे पहले आएगा ए से बड़ा है ई e। फिर तीन आएगा अच्छा आई आई सी और एफ में सी छोटा आई बड़ा यानी कि वन फोर आएगा टू थ्री वन फोर टू थ्री वन फोर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बारह दुनिया चौबीस बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस दस स दूनी बीस पंद्रह दूनी तीस चौदह दूनी अट्ठाईस चौदह का स्क्वायर नहीं है तेरह दूनी छब्बीस बहुत बढ़िया चलिए पास वाली पिक्चर पास दूर वाली पिक्चर दूर यहां पे ये दिखाई देगा बिल्कुल सही जवाब ये दिखाई देगा बिल्कुल सही ये दिखाई देगा बिल्कुल सही ट्राइंगल उल्टा नहीं होगा बिल्कुल गलत um ये दोनों तो एक जैसे ऑप्शन हो गए ट्राइंगल उल्टा नहीं होगा ये दोनों सही है ये दोनों सही हो गए चलिए साहब अब क्या करना है यहां इन्होंने त्रिभुज काटा कहा भाई त्रिभुज का काटा कोई बात नहीं त्रिभुज नहीं काटा कोई बात नहीं तो यानी कि तुम परफेक्ट शेप बना दो ये तो बनेगी नहीं दो अलग अलग ये भी नहीं बनेगी है ना त्रिभुज तो इन्होंने काटा नहीं क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई कोई त्रिभुज यहाँ पे कट ही नहीं दिया हुआ इनको एक लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो हाँ जी लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो फटाफट से लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो <clears throat> जल्दी से हाँ जी तीन घंटे पार हो गए बेटा क्लास को और एक सौ क्वेश्चन में पहुंच गए हमारा टारगेट था दो सौ क्वेश्चन का पहले दुर्घटना होगी पहले डॉक्टर आएगा वकील पुलिस न्यायाधीश सर पहले होगा एक्सीडेंट एक्सीडेंट के बाद है ना एक्सीडेंट के पास क्या होगा पहले होगा एक्सीडेंट एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे फिर डॉक्टर बुलाएगा पुलिस को पुलिस बुलाएगा लॉयर को लॉयर बुलाएगा लॉयर सीधा जज के पास जाएगा लॉयर सीधा जज के पास चलिए तीन सात पंद्रह तीन दूनी छह और एक सात, सात दूनी चौदह एक पंद्रह तीन दूनी छह और एक सात सात दूनी चौदह एक पंद्रह दो ती छूनी आठ पांच दूनी ना ना गलत तो फिर डिफरेंस ही निकाल लो फिर तो चार और आठ का डिफरेंस तो भैया चार और चार का डिफरेंस है गलत जवाब चार और दस का डिफरेंस है गलत जवाब चार और आठ का डिफरेंस है सही जवाब जी लाल चेहरा काले चेहरे के विपरीत है लाल चेहरा काले चेहरे के विपरीत है लाल काला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ग्रीन फेस इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक देखो रेड एंड ब्लैक के बीच बीच में बात कर रहा है तो इसका मतलब रेड और ब्लैक एक दूसरे के विपरीत है ये पहले से पता चल गया हमें ये पहले से पता चल गया तो ये इंफॉर्मेशन तो हमारे लिए बकवास है बकवास ब्लू फेसेस एडजेसेंट ये भी बेकार है एडजेसेंट से क्या मतलब है? ब्लू व्हाइट के एडजेसेंट है अच्छा 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 हमें एक चीज पता चली यहां से ब्लू अगर व्हाइट के एडजेसेंट है ब्लू यानी कि नीला नीला अगर सफेद के एडजेसेंट है तो नीला जो है सफेद के विपरीत नहीं हो सकता देखो नीला लाल के विपरीत नहीं हो सकता काले के विपरीत नहीं हो सकता नीला सफेद के विपरीत नहीं हो सकता तो नीला भूरा या हरा में से किसी एक के विपरीत है ब्राउन एडजेसेंट टू ब्लू अब देखो ये ना नीला जो है ब्राउन के एडजेसेंट है तो नीला अगर भूरे के एडजिस्टेंट है तो नीला भूरे के विपरीत नहीं हो सकता देखो नीला अगर इसके निकट है तो नीला इसके विपरीत नहीं है नीला भूरे के निकट है इसके विपरीत नहीं है लाल काले के विपरीत हो नहीं सकता तो हमें पता चल गया जो नीला है वो हरे के विपरीत है और फिर बचा क्या क्या लाल काला हरा नीला भूरा सफेद तो भूरे के विपरीत क्या है भूरे के विपरीत सफेद आ गया भूरे के विपरीत सफेद आ गया चले रेड फेस इज इन बॉटम <coughs> लाल चेहरा तली पर है बेटा लाल चेहरा तली पर है अगर लाल चेहरा तली पर है तो सबसे ऊपर क्या होगा जो लाल के विपरीत है लाल के विपरीत क्या है काला तो अगर लाल चेहरा सबसे नीचे है अरे भाई साहब कितना टाइम वेस्ट कर दिया हमने इस क्वेश्चन को पढ़ने में है ना कितना टाइम वेस्ट कर दिया इस क्वेश्चन को पढ़ने में इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ पहले कथन से आ जाएगा सिर्फ पहले कथन को पढ़ो और सीधा पांचवा कथन पढ़ो और आंसर दे दो पहला कथन पढ़ो रेड फेस इज अपोजिट टू द ब्लैक फेस इफ रेड फेस इज इन बॉटम बेटा रेड ब्लैक के विपरीत है रेड ब्लैक के विपरीत है रेड बॉटम पर है तो टॉप पे क्या होगा अबे रेड ब्लैक के विपरीत है रेड बॉटम तो पे तो टॉप पे ब्लैक नहीं होगा लाल नीचे तो काला ऊपर लाल नीचे काला ऊपर हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी तो कभी कभी एग्जाम में ना ये समझना पड़ता है है ना हाँ फालतू होशियारी हमें नहीं दिखानी है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए बेटा इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं हम जानते हैं दस त्रिभुज बनते हैं है ना इसमें कितने बनते हैं इसमें आठ त्रिभुज बनते हैं तो इसमें बनते हैं दस त्रिभुज जो कि यहां ऑलरेडी बने हुए हैं और ये जो बीच में आकृति बनी हुई है इसमें कितने बनेंगे वन टू थ्री फोर फोर का डबल एट तो दस और आठ अठारह दस और आठ अठारह एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड इस ऑप्शन की खास बात है जब भी ये ऑप्शन आया कभी गलत नहीं हुआ एग्जाम में आज तक गलत नहीं हुआ तो हमें चेक करना पड़ेगा कुछ बड़े त्रिभुज भी हैं हम्म चेक करो कुछ बड़े त्रिभुज भी हैं देखो ये रहे बड़े त्रिभुज एक बहुत बढ़िया दो बहुत बढ़िया तीन बहुत बढ़िया चार बहुत बढ़िया और भी कई सारे त्रिभुज बड़े तो हमने तो भैया दस पहुंच गए थे आठ या अठारह चार मैंने दिखाई दिया बाईस तो बाईस से ज्यादा आंसर है बात खत्म अब तुम एग्जाम में परफेक्ट आंसर बंद निकालना चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं के समूह के समान है बताओ फटाफट से जल्दी से सात और पांच बारह बारह और दस बाईस बाईस और पंद्रह सैतीस पांच दस पंद्रह का डिफरेंस है पांच दस का डिफरेंस नहीं है पांच दस पंद्रह पांच दस पंद्रह का डिफरेंस है पांच दस पंद्रह ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सॉल्व करो इस क्वेश्चन को क्या इस सीरीज को ध्यान से देखो ये बेसिक नंबर की सीरीज है कि नहीं है दीज ऑल आर बेसिक नंबर देखो ये सारे के सारे नंबर बेसिक है कि नहीं यस yes, सर जी हाँ बिल्कुल दीज ऑल आर बेसिक ये सभी के सभी बेसिक नंबर्स है सारे के सारे बेसिक नंबर है भाई टू क्यूब माइनस थ्री थ्री क्यूब कुछ नहीं है फोर क्यूब माइनस थ्री फाइव क्यूब माइनस थ्री सिक्स क्यू माइनस थ्री सेवन क्यूब एट क्यूब माइनस थ्री तो बस यही रॉन्ग नंबर है रॉन्ग नंबर ही हमें पता लगाना था जल्दी से बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर छत्तीस इक्यासी बारह एक सौ चौलह छोबिस नौ सत्तर तिरसठ सर छह दूनी बारह बारह और चौबीस कितना होगा छत्तीस नौ दूनी अठारह अठारह और तिरसठ कितना होगा इक्यासी बारह दूनी चौबीस चौबीस में कितना जोड़ू कि एक सौ चौबालीस बन जाए चौबीस में कितना जोड़ू कि एक सौ चौवालीस बन जाए चौबीस में कितना जोड़ू 144 <coughs> एक सौ चौवालीस बन जाए एक ऐसा युग्म करो जो बाकी सबसे अलग है हाँ जी कौन सा ऐसा युग्म है जो बाकी सबसे अलग है नौ का स्क्वायर इक्यासी नौ का स्क्वायर सात का स्क्वायर पांच का स्क्वायर ग्यारह का स्क्वायर नौ का स्क्वायर इक्यासी और चार है ये प्लस चार प्लस चार प्लस चार, प्लस चार, प्लस चार, प्लस चार. तो यही सबसे अलग है एक सौ इक्कीस और छह है ना दिमाग काम नहीं कर रहा अब तो हमारा भी चलिए साहब पास हो गए निम्नलिखित दो भिन्न स्वरूपों की संख्या ज्ञात कीजिए पांच के विपरीत कौन सा है पांच के बेटा दो तीन दो तीन टू कॉमन ट्रिक लगा दी टू कॉमन ट्रिक लगा दो टू कॉमन ट्रिक पांच के विपरीत क्या आएगा पांच के विपरीत छ आएगा अबे ये वही क्वेश्चन आ गया रिपीट हो गए ये तो होगा हो गया बॉटम देन व्हाट इज दा, तो भूरे रंग के विपरीत चेहरा होता है तो भूरे रंग के विपरीत ओहो देखो खेल गए कितने उस्ताद हैं इस बार कुछ और पूछ लिया हमसे हम सोच रहे थे रेड बॉटम पे है तो ब्लैक अपोजिट होगा रेड बॉटम पे है तो ब्लैक अपोजिट होगा समझ रहे हो क्या निकला था बेटा ब्राउन भूरे के विपरीत सफेद निकला था ना भूरे के विपरीत क्या निकला था भूरे के विपरीत सफेद निकला था है ना ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम है अर्थपूर्ण अर्थ पहले तना बनता है पहले फूल बनता है पहले जड़ पहले पत्तियां पहले फल ये बताओ सबसे पहले क्या बनता है सर सबसे पहले फल नहीं बनता पांचवा ऑप्शन हटा दो सबसे पहले पत्ती नहीं बनेगी चौथा ऑप्शन हटा दो तो सबसे पहले आएगी जड़ सबसे पहले आएगी जड़ जड़ से निकलेगा तना और तने में निकलेगा फूल नहीं तने में निकलेंगी पत्तियां फूल कहां से तने में पत्तियां पत्तियों में फूल और फूल में निकलेगा फल फूल में निकलेगा फल थ्री वन फोर टू फाइव थ्री वन फोर टू फाइव थ्री वन फोर टू फाइव भैया सबसे पहले पत्तियां पत्तियों सही सबसे पहले जड़ भैया जड़ कोई भी तुम बीज डालोगे तो जड़ बनती है फिर जड़ के बाद जड़ के बाद क्या बनती है जड़ के बाद हमारा बनता है तना फिर तने में पत्तियां निकलना शुरू होती हैं पत्तियों में फूल निकलता है और फिर लास्ट में सबसे लास्ट में निकलता है फल फल सबसे लास्ट में निकलता है बी ऑप्शन नहीं हो सकता बेटा फल जो है वो सबसे आखिर में आएगा तो सबसे लास्ट में पांच आएगा सबसे लास्ट में पांच आएगा सबसे लास्ट में पांच आएगा हम इस हिसाब से भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे हम ऑप्शन एलिमिनेट इस हिसाब से भी कर सकते थे है ना मेरेकल मेरेकल हो गया भाई मेरेकल मेरे को कोट किया एन के यूच आर एल से तेरह नौ अठारह एक तीन बारह पांच चौदह ग्यारह इक्कीस पांच आठ अठारह बारह क्या लॉजिक है यहाँ पर हाजी लॉजिक बताओ फटाफट से क्या लॉजिक है यहाँ पर हाँ क्या लॉजिक है सर तेरह और एक चौदह लिखने की जरूरत ही नहीं थी नौ और दो ग्यारह अठारह और तीन इक्कीस एक और चार पांच तीन और पांच आठ बारह और पांच और सात प्लस वन, प्लस तू, प्लस तू, प्लस प्लस, प्लस फाइव तो प्लस पांच जी प्लस वन एच एच बेटा एक ही ऑप्शन है हटा सावन की घटा बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है और एक सौ छियासी में क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं ग्लेमा ग्लेमर ग्लेमर को कोड किया हमने आई जे सी एन एमडब्ल्यू पी सोचो क्या लॉजिक है फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस हाँ जी तीन घंटे से ऊपर हो गए आप लोग चॉकलेट खाओगे थोड़ी सी एनर्जी ले रहते हैं चॉकलेट खा गए दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि भाई साहब लगभग तीन घंटे बीस मिनट हो गए दौड़ाते दौड़ाते तो मैं ये चॉकलेट मेरी तरफ से आप सभी को आपके सिलेक्शन की मिठाई है ये आपके लिए लॉजिक बताओ लॉजिक चॉकलेट पे ध्यान मत दो तुम लॉजिक पे ध्यान दो भाई क्या लॉजिक लगा फॉरवर्ड है रिवर्स है क्रॉस है प्लस टू माइनस टू है क्या सर प्लस टू माइनस टू प्लस टू ये तो प्लस वन है ओहो धोखा हो गया तुम्हारे साथ बाबू धोखा ऐसा धोखा को ही नहीं देगा ये प्लस वन हो गया देखो प्लस टू माइनस टू प्लस टू लेकिन ये प्लस वन हो गया और ये माइनस टू है ये प्लस टू है ये <coughs> माइनस टू धोखा हो गया प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू नहीं था गड़बड़ हो गया लास्ट में जाके टाओ तो आप चेक कर सकते हो यहां पर देखना ये माइनस टू प्लस टू माइनस टू होगा इक्कीस माइनस दो उन्नीस बिल्कुल सही जवाब बारह और दो चौदह बिल्कुल सही जवाब पांच माइनस का दो तीन बिल्कुल सही जवाब और आर प्लस का वन एस बिल्कुल सही जवाब तो फॉरवर्ड पैटर्न में ये वाला पैटर्न फॉलो करना है ये वाला पैटर्न टी यू वी वी सारी ऑप्शन में वी है पंद्रह माइनस का दो तेरह वी एम वी एम वी एम ये वाला एलिमिनेट सोलह और दो अठारह आर 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 प्लस वन का जे जे दो जे ये माइनस टू होगा तीन माइनस का दो एक ए आएगा ए गलत जवाब ऑप्शन सी आएगा ना कि ऑप्शन ए ऑप्शन ए नहीं आएगा ऑप्शन सी आएगा ऑप्शन सी चलिए भरो इस सीरीज को बेटा ये तो एम एन एम एन एम एन एम एन की सीरीज है दिखी रहा तुम्हें एम एन एम एन एम एन एम एन चल रहा है तो, तो कार्यक्रम कुछ है ही नहीं इसमें तो एम एन एम एन फिर दो एम दो एन फिर दो एम दो एन फिर दो एम दो एन चार 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 अच्छा ये एन आ गया फिर चार 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 लेटर की ग्रुपिंग कर दो एन एन एम एम एन एन एम एम एन एन एम एम एन एन एम एम तो आंसर आ गया एन एन एम एम एन एन एम एम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सम कुछ दिल्ली कोलकाता है सम डेली आर कोलकाता सम आर कोलकाता मुंबई मुंबई जुड़ जाएगा जब पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव बनना चाहिए पॉजिटिव नहीं बनेगा no no नो डेली इज कोलकाता नो डेली इज कोलकाता ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है नो डेली इज कोलकाता पॉजिटिव नेगेटिव जुड़कर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा दोनों की वैल्यू सौ है यहां भी दोनों की वैल्यू यहां भी दोनों की वैल्यू सौ है बिल्कुल सही जवाब हाँ जी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह लेटर है छः छः लेटर की ग्रुपिंग कर दो अठारह लेटर है तो छः छः लेटर की ग्रुपिंग कर दो अब बताओ छः छः लेटर की ग्रुपिंग कर दो भाई अठारह लेटर हैं तो छः छः लेटर की ग्रुपिंग कर दो बनाओ अब ये बाल नहीं बबाल बा, बा, है ये <laughs> ये ओरिजिनल बाल नहीं है हमारे ये बबाल है कल कटा के आएंगे टाइम नहीं मिला सोच रहे थे आज सैटरडे है लाइव भी आना है 200 क्वेश्चन करा रहे हैं तो आज ही आपके सामने हीरो बन के आ जाए बाल, बाल कटा के है ना ट्रिमिंग व्रिमिंग कर गए लेकिन फिर वो क्वेश्चन बनाने में दिन निकल गया समय नहीं मिला तो बस ये बवाल कल खटवाएंगे हम <laughs> क्या लावजी के सी सी बीबी ए बी सी का ग्रुप है बेटा ए बी सी का ग्रुप ए ए सी सी बी बी ए ए सी सी बीबी सारे ग्रुप सेम है सी ए बी सी बी सी ए बी सी बी मीनिंगफुल वर्ड बनाओ जल्दी से क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा से इन लेटर्स का कर यूज करके मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा मुझे मीनिंगफुल वर्ड लिख दो हाँ जल्दी 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 मेरे बालों को छोड़ो मीनिंगफुल वर्ड पर ध्यान दो अबे ऑप्शन मत बताओ एबीसीडी वो मीनिंगफुल वर्ड बता दो मीनिंगफुल वर्ड क्या है मीनिंगफुल वर्ड बताओ जल्दी से ऑन अबे यार ऑप्शन बता रहे हो मीनिंगफुल वर्ड नहीं बता रहे हो तुम वर्ड नहीं लिखा जा रहा तुमसे स्पेलिंग नहीं आती आपको कैंपेन बहुत बढ़िया बच्चे ने बताया कैंपेन सी ए A, A, दो भी हो सकता है एक भी हो सकता है तीन के बाद एक है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कैंपेन यहां पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो कैंपेन बनेगा यदि ए से जेड तक के सभी अक्षरों को वाई तक लिखा जाए ए सीई जी के रूप में लिखा जाए यानी प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को छोड़कर रिक्त स्थान छोड़, छोड़ दिया जाए और फिर सभी रिक्त स्थान को शेष अक्षरों के उल्टे क्रम में भरा जाए अर्थात ए जेड सी सिक्स ई बी अच्छा जी ए सीई डॉ डॉट कहां तक लिख रहे हैं हम वाई तक लिख रहे हैं वाई तक और रिक्त स्थान हमने जेड से उल्टा लिखना शुरू कर दिया जेड एक्स वी और बी पे खत्म तो एक नई सीरीज में काउंटिंग करनी है तो बाएं कोने से सोलवे अक्षर के दाए कौन सा अक्षर होगा बेटा बाएं कोने से सोलह सोलह के दाएं सोलह और एक सत्रह दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे तो सोलह और एक सत्रह यानी कि बाएं से सत्रह बाएं से सत्रहवा अक्षर बेटा इस सीरीज में क्या है देखो पहला अक्षर वही है जो एक्चुअल में पहला होता है तीसरा अक्षर वही है जो एक्चुअल में तीसरा है पांचवा अक्षर वही है जो एक्चुअल में पांचवा है तो सत्रहवा जो अक्षर है ना ऑड लेटर वो ऑड लेटर सत्रहवा वही है जो एक्चुअल में अल्फाबेटिकल सीरीज में सत्रहवा अक्षर है तो सत्रहवा अक्षर वही है, है अल्फाबेटिकल सीरीज में है ना सत्ताईस सितंबर को शनिवार है तो उसी सत्ताईस अक्टूबर को कौन सा दिन होगा सितंबर अक्टूबर पहले महीने में बचे हुए दिन कितने दिन बचे हैं तीस दिन का सितंबर होता है तीस माइनस हेलो बेटा माइक की बैटरी खत्म हो गई थी साढ़े तीन घंटे लगातार हो गए क्लास को चलते चलते साढ़े तीन घंटे में हमारा माइक टाइम टाइम फिक्स हो गई माइक की भी हाँ बैटरी चेंज माइक चेंज किया है दूसरा <coughs> आखिरी के सात क्वेश्चन आठ क्वेश्चन बचे हैं हाँ जी ए बी सी डी ई एफ जी उसमें निकले पंडित जी हाँ जी ये तो सीक्वेंस ए बी सी डी आई जी कह मैं पी क्यू आर एस टी चल रहा है पहला लेटर हर किसी में सी है लो इससे बड़ी बात क्या होगी ए ये तो अल्टरनेट सीरीज हो गई अल्टरनेट देखो ए बी सी यहां फंस गए फिर डी ई e, पांच लेटर का ग्रुप बना दो तो, फिर एफ जी एच आई जे फिर के एल एम तो सी एच एम सी एच एम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया मौली ने बिंदु ए से बिंदु बी तक की यात्रा की जो पांच फीट की थी बिंदु ए से बिंदु बी की यात्रा करा दो जल्दी से करा दो फटाफट से जी मौली ने बिंदु ए से बिंदु बी तक की यात्रा की जो कि पांच फीट की थी बिंदु से बिंदु बी तक की यात्रा करा दो ए से बिंदु बी तक की यात्रा करा दो जो पांच फीट की थी फिर वह अपने दाइयोर दाया बेटा नीचे है छह फुट चलता है और फिर बाया उधर चार फीट चलता है और अंत में बाया ऊपर छह फीट चलता है अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है तो बाबू बिंदु बी से ये दूरी कितनी है ये दूरी कितनी है चार कितनी दूरी है जैसे भारत में प्रेसिडेंट होता है वैसे किंग कहां होता है चाइना में जॉर्डन में फ्रांस में किंग होता है कहा होता है बेटा जैसे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इंडिया में होता है किंग कहां होता है किंगडम में यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड लंडन है फ्रांस चलिए साहब अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से हाँ जी बढ़िया क्वेश्चन चांदर क्वेश्चन तीन और अठारह, इक्कीस और तीस और उन्नीस उन्नीस और और नौ सतर सर सतर तो ये वैल्यू है अल्फाबेट के प्लेस का समय बारह और एक तेरह तेरह और चालीस कितना हो गया त्रेपन और पांच अट्ठावन और अठारह अट्ठावन और अट्ठारह कितना हो गया अट्ठावन और आठ छियासठ छिहत्तर छिहत्तर एक ऑप्शन में खत्म खत्म ऑप्शन एलिमिनेट करो। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है ऑप्शन एलिमिनेट करो ऑप्शन एलिमिनेट बाकी ये अठारह आया कहां से चलो मैं आपको बता दूं बाकी अठारह और उनसठ आए कहां से सर नौ और नौ अठारह वॉब के प्लेस का सम है अठारह और कॉन्सोनेंट के प्लेस का समय उनसठ है ना पांच और नौ चौदह और पंद्रह उन्तीस वॉबल्स के प्लेस का समय उन्तीस <coughs> चार और बीस चौबीस और अठारह बयालीस और कॉन्सोनेंट के प्लेस का समय बयालीस और ये अल्फाबेट के प्लेस का समय इकहत्तर तो पहले अल्फाबेट के प्लेस का सम देन वॉबल्स के प्लेस का सम देन कॉन्सोनेंट के प्लेस का सम बाइनरी को कोड किया है बारह सत्तावन में दो और नौ ग्यारह और चौदह पच्चीस और एक छब्बीस छब्बीस और अठारह चौवालीस चौवालिस और, तो और पच्चीस कितना होगा चौवालिस तो और पच्चीस होगा सिक्सटी नाइन और सिक्सटी नाइन तो इन दोनों को जोड़कर आएगा सिक्सटी नाइन तो दोनों को जोड़कर आएगा ओके 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 चौदह और इक्कीस कितना होगा पैंतीस और तेरह कितना होगा अड़तालीस और दो तो पचास पचपन और अट्ठारह तिहत्तर तिहत्तर तो आएगा इन दोनों को जोड़ के ओके 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 तो बेटा तीन और पंद्रह अठारह और चार बाईस और नौ इकतीस और पैतालीस और सात बावन बावन बेटा अड़तीस और चार बयालीस और तो बावन इसको जोड़ के नहीं आएगा बावन इन दोनों को जोड़ के नहीं आएगा इन दोनों को जोड़ के नहीं आएगा इन दोनों को जोड़ के नहीं आएगा ऑप्शन ए इस तरह राइट आंसर लेकिन लेकिन आखिर ये बारह आया कहां से बीस आया कहां से ये पक्का अल्फाबेट के प्लेस का सम है सर वॉबल्स नौ और एक दस ना ना वॉबल्स के प्लेस का सम नहीं है ये बारह है किसके प्लेस का सम एक और दो तीन एक और दो तीन और नौ बारह ए बी और आई अच्छा और यहां पे दो और पांच सात सात और तेरह बीस ओके अल्फाबेट देखो इन लेटर्स में इंग्लिश अल्फाबेट में जो पहले तीन लेटर हैं उनके प्लेस का समय बीस इस इन लेटर्स को इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करो फिर जो पहले तीन लेटर होंगे उनके प्लेस का समय बारह अब पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर एक सौ अट्ठानवे पर एक पंक्ति में मोहन ओर से दसवें स्थान पर है मोहन को ओर से दसवें स्थान पर खड़ा कर दो और सोहन दाई ओर से पंद्रहवें स्थान पर है सोहन को ओर से पंद्रहवें स्थान पर खड़ा कर दो लेकिन यहाँ पे दो पोजीशन बनेंगी। मोहन ओर से दसवें स्थान पर है और सोहन ओर से पंद्रहवें स्थान पर है तो सोहन मोहन के लेफ्ट में भी तो हो सकता है यदि राम ठीक उन दोनों के बीच में है देखो उन्होंने बोला राम इन दोनों के बीच में है राम इन दोनों के बीच में है इन दोनों के ठीक बीच में कौन है राम है इन्होंने ये नहीं बोला कि केवल राम है फर्क है क्वेश्चन में अगर बोलते ना केवल राम इन दोनों के ठीक बीच में तो इनके बीच की दूरी दो होती लेकिन इन्होंने केवल राम तो बोला नहीं राम इन दोनों के ठीक बीच में तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे कम से कम के लिए ये वाला केस कंसिडर नहीं होगा ये वाला केस कंसिडर होगा अब आप बताओ कम से कम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालोगे और राम को इन दोनों के बीच में खड़ा करना है इनके ठीक बीच में खड़ा करना है राम को तो बेटा ये जो इनकी ओवरलैप की दूरी है ना देखो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर करना है तो ये जितना ओवरलैप करेंगे है ना अभी बेटा मैं चैप्टर वाइज कंटिन्यू करूंगा एक हफ्ते ब्रेक लेने के बाद आज मैंने पूरे 200 क्वेश्चन कराए है साढ़े तीन चार घंटे में है ना यूपी पुलिस की फाइनल बाइंडिंग हो गई ये क्लास सारे बच्चों को देखनी है यूपी पुलिस वाले बच्चों को और बाकी बच्चों को भी देखनी है उन बच्चों को भी फायदा मिलेगा तो अब हम दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल पर आपके यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शुरू करेंगे लेकिन उसमें एक वीक का वक्त लगेगा क्योंकि इस हफ्ते में छुट्टी पर रहूंगा घर में कहीं किसी की शादी है तो वहां जाना है आप लोगों को पता ही है शादियों का माहौल चल रहा है तो फिर है ना इस कमिंग वीक को ब्रेक करके अगले वीक से शुरू करेंगे ठीक है वही चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो हम कर रहे थे रेगुलर हर शाम को पांच बजे बेटा इनके कहीं बीच में राम है तो इनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा इनके बीच की दूरी उतनी कम से कम व्यक्तियों की संख्या और लेकिन इनके बीच की दूरी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा बट दस और पंद्रह से कम और वो ईवन होनी चाहिए ईवन क्योंकि इनके बीच की दूरी ईवन होगी कहीं तभी इनके बीच में ऑड नंबर पर्सन होंगे तभी हम ठीक बीच में किसी राम को बैठा पाएंगे इनके बीच की वो इवन नंबर जो इन दोनों से कम है पंद्रह और दस से कम इनके बीच की दूरी आठ भैया इनके इनके बीच बीच की दूरी है तभी इनके बीच में सात व्यक्ति होंगे और सात व्यक्ति होंगे तभी राम ठीक बीच में बैठ पाएगा वरना राम नहीं बैठ पाएगा हो गया क्वेश्चन सॉल्व बेटा यहां से यहां तक की दस की दूरी है यहां से यहां तक आठ की दूरी है तो दस माइनस का आठ ये दूरी कितनी बची दो टोटल दूरी कितनी हो गई पंद्रह और दो तो सत्रह और सत्रह की दूरी में पर्सन कितने होंगे सत्रह की दूरी में पर्सन कितने होंगे सत्रह की दूरी में सोलह परसेंट सत्रह की दूरी में सो ये रैंकिंग का स्पेशल क्वेश्चन है जो रैंकिंग चैप्टर हम पढ़ते हैं ना उसका स्पेशल क्वेश्चन है यह इनके बीच की दूरी ना मैक्सिमम इवन लेनी होती है चलिए अब बनाइए इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हाँ जी इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे नौ पांच दो तिहत्तर छह आठ चार एक सौ चार तीन चार नौ ओहो ये भी बड़ा ही खतरनाक खुद ही बता देता हूं बेटा इसका लॉजिक क्योंकि आप ढूंढ नहीं पाओगे है ना मैं खुद ही बता देता हूं ये है ना ऐसा क्वेश्चन है ऐसा लॉजिक है शायद आप इस क्वेश्चन का लॉजिक ना पता लगा पाए तो आपका टाइम वेस्ट ना हो दिमाग खराब ना हो और पूरे 200 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं और आखिरी क्वेश्चन हम ना बना पाए तो थोड़ा सा दुख होगा इसीलिए मैं खुद ही बता दे रहा हूं इसका लॉजिक क्या है देखो इसमें लॉजिक है नौ पंच पैंतालीस पाँच दो दस और दो नीम अठारह नौ नाइन इंटू फाइव फाइव इंटू टू नाइन इंट इज इक्वल टू सेवेंटी थ्री पैंतालीस और दस पचपन और अट्ठारह कितना होगा तिहत्तर <coughs> तो बेटा लॉजिक पता चल गया सात तिरसठ नौ तिया सत्ताईस और तीन सत्ते इक्कीस तो भैया तिरसठ और सत्ताईस और इक्कीस एक, एक और सात आठ और तीन ग्यारह एक सौ ग्यारह चले साहब और शुरुआत हमने करी थी शुरुआत हमने करी थी पहले क्वेश्चन से और कोई भी लक्ष्य बेटा कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता हमारे जज्बे के सामने हिम्मत के सामने जब हमने शुरुआत करी थी तो लग रहा था पचास क्वेश्चन में ढेर हो जाएंगे चलो सर खींचान के सौ क्वेश्चन में ढेर हो जाएंगे खींच तान के डेढ़ सौ क्वेश्चन में ढेर हो जाएंगे और कर दिए हमने पूरे दो सौ क्वेश्चन जो प्रोमिस आपको किया था भैया वो वादा पूरा किया हमने कहा था कि मैं दो सौ क्वेश्चन आपको कराऊंगा और पूरी रीजनिंग को हम समेट देंगे और ये 200 क्वेश्चन हमने करा दिए और पूरी रीजनिंग हमने समेट दी है तीन घंटे चालीस मिनट के अंदर पांच बजे क्लास हमने लाइव करी थी तीन घंटे चालीस मिनट हो चुके हैं तीन घंटे चालीस मिनट में पूरी की पूरी रीजनिंग हमने समेट दी जो बच्चे सच सच बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जो शुरू पांच बजे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ठीक है थीके? और आप सभी बच्चे क्लास खत्म होने के बाद क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे कि 200 में से 150 प्लस स्कोर किस किस का रहा जिस बच्चे का 200 में से 150 प्लस स्कोर रहा है वो बच्चा परफेक्ट है है बढ़िया है बेहतरीन है जिस बच्चे का स्कोर 150 से कम रहा है ना जिसका 150 से कम स्कोर है ना बच्चे का वो थोड़ा सा बेटा रिवीजन प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान दे आउट ऑफ टू है ना तो दो में से छह प्लस स्कोर जिस बच्चे का है और जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाए जिन जिन बच्चों ने लाइव क्लास देखी है जो लाइव बने हुए हैं एक बार कमेंट्स आके जरूर करेंगे कि ये क्लास उनके लिए कैसी रही ठीक है क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास में आपको कमेंट जरूर करना है वापस आकर ठीक है ये वादा करते हो हाँ जी तो जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके तुरंत बाद आकर आप लोग सारे बच्चे कमेंट करके जरूर जाएंगे कि आपको क्लास कैसे लगी ठीक हाँ जी ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटा मल्टीप्लाई से क्वेश्चन सॉल्व करना है नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बत्तीस में हम किसका मल्टीप्लाई करें बत्तीस में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि एक सौ बत्तीस के नजदीक पहुंच जाए सर दस का मल्ट नहीं पांच का मल्टीप्लाई करो पांच दुनी दस तीया पंद्रह ना चार का मल्टीप्लाई करो चार दुनिया आठ चार तीया बारह हाँ सर चार का मल्टीप्लाई कर दो एक सौ अट्ठाइस लेकिन एक सौ अट्ठाइस से साढ़े चार ज्यादा है इंटू फोर हाँ प्लस फोर पॉइंट फाइव सर नौ में मल्टीप्लाई कर दू तीन पंजे तीन दिन सत्ताइस दशमलव पांच अट्ठाईस दशमलव पांच में कितना जोड़ दिया जाए इंटू थ्री पॉइंट फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री पॉइंट फाइव ओके इंटू टू प्लस इंटू टू पॉइंट फाइव और फिर आ जाएगा इंटू वन प्लस इंटू वन पॉइंट फाइव तो आगे आ जाएगा इंटू फाइव प्लस फाइव पॉइंट फाइव इंटू फाइव प्लस फाइव पॉइंट फाइव इंटू फाइव प्लस फाइव पॉइंट फाइव पचम पच्चीस और आ जाएगा फाइव पॉइंट फाइव यानी कि आठ छह सौ अड़सठ तो फाइनली फाइनली कुल मिलाकर कुल मिलाकर आज हमने कर लिए पूरे दो सौ क्वेश्चन खत्म आपका प्यार है ना यही आपका प्यार था जो हमारे अंदर जोश भरता रहा पांच बजे हमने इस क्लास की शुरुआत करी थी और फाइनली ये 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं इसकी पीडीएफ में आपको दो दिन में अपने यूट्यूब चैनल पे डलवाऊंगा आफ्टर टू डेज दो दिन के बाद विद आंसर की है ना इसकी जो स्टूडेंट फाइल है इसकी जो स्टूडेंट पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मंडे के बाद डलवाऊंगा विद आंसर की ठीक है तो ये 200 सौ क्वेश्चन आप सभी के लिए थे आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए सारे बच्चों के लिए तो इन 200 सौ क्वेश्चन को करना ना भूले है ना और मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट लव यू ऑल जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं पांच बजे से उनको तहे दिल से मेरा धन्यवाद शुक्रिया एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए क्लास खत्म होने के बाद कमेंट्स करना जरूर की क्लास कैसी लगी लव यू ऑल टेक केयर शुक्रिया थैंक यू सो मच लव यू ऑल लव यू लव यू ऑल थैंक यू सो मच गुड नाइट शुभ रात्रि टेक केयर लव यू